दिल्ली। दिलवानों का शहर दिल्ली, जहां हर वक्त चहल पहल रहती है। यहां की सड़कों पर हंसते मुस्कुराते लोग दिखते हैं। यही एक ड्राइंग कोचिंग सेंटर में बच्चों का काफी शोर हो रहा था। इस टाइम सारे बच्चे एक एक कर अपने रंगे हाथों को साफ कर रहे थे। उन बच्चों ने अपने अपने बुक पर ड्राइंग की था, जिसकी वजह से हर तरफ कलर थे। अब उनकी छुट्टी हो गई थी, वो घर जा रहे थे। बच्चों ने पीछे मुड़ते हुए कहा, बाय वीनू टीचर। एक लड़की जो टैब पास खड़ी थी, उसने पलटकर उन्हें देखते हुए बड़ी सी स्माइल लिए कहा, बाय किड्स, कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर लाना। उन सारे बच्चों ने एक साथ कहा, यस वीनू टीचर। ये कह वो बच्चे हंसते हुए बाहर जाने लगे। वीनू अपने हाथ धोकर पलटी। वो अपने सामने खड़ी लड़की से टकराने वाली थी, जिससे बचने के लिए दो कदम पीछे हो गई। वीनू अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ये है शिवीना सिंह, देखने में ऐसी खूबसूरत जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो। बड़ी बड़ी हरी आंखें, जिन पर घनी पलकें, तीखी नाक और हार्ट शेप्ड लिप्स नी तक आते उसके भूरे सिल्की बाल, स्किन का कलर इतना साफ कि कोई तेज से पकड़ ले तब वो जगह लाल पड़ जाए। वीनू ने अपने आमने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, क्या है वर्षा, हर बार कहां से टपक जाती है। वर्षा ने दांत दिखाते हुए कहा, यार क्या करूं, तेरे बिना मन नहीं लगता, आखिर तू सखी है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो क्या कहते हैं, लगोंटिया यार। ये बोल वो खिलखिला कर हंस दी। वर्षा को इग्नोर कर वीनू अपना जयपुरी बैग उठा बाहर जाने लगी। वर्षा ने वीनू के पीछे आते हुए कहा, अरे सुन तो कहां जा रही है, चल मॉल चलते हैं ना। शिवीना ने पलट कर देखते हुए कहा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। ये बोल वो आगे बढ़ गई। तभी वर्षा ने पीछे से चीखते हुए कहा, जब तक इन छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती रहेगा, तेरे पास फालतू पैसे नहीं आएंगे। शिवीना ने वर्षा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वर्षा ने एक बार फिर वहीं से चीखते हुए कहा, खड़ूस। शिवीना बिना वर्षा की तरफ देखे अपने रास्ते पर चल दी। उसने एक बार आसमान में देखा, जहां बादल आ रहे थे। कभी भी बारिश फिर अपने कदम तेज कर दिए। शिवीना की नजर सामने आइसक्रीम के काउंटर के पास खड़े दो लोगों पर गई। शिवीना अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगी, और देखते हुए ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। जिस चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, आंखों में शांति थी, वहां चेहरा बेहद उदास और आंखों बेदर्द नजर आ रहा था। शिवीना की हरी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। शिवीना ने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंख से आंसू गालों को छू लिए। शिवीना ने लगभग सिसकते हुए कहा, आपको पता था ना, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती। फिर भी अकेला छोड़ गए पापा, क्यों छोड़ गए आप मुझे, क्यों। इस वक्त शिवीना की आवाज में बेहद उदासी थी। सामने एक बच्ची को उसके पापा आइसक्रीम दिला रहे थे, और वो खुश होते हुए उसे ले रही थी। ये देखते हुए ही शिवीना की आंखों में अपने पापा का चेहरा आ गया। वो भी हर शाम ऐसे ही पार्क लाकर आइसक्रीम दिलाते थे, लेकिन अब उसके पापा उसके साथ नहीं थे। एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़ गए। तब से हर रोज उसकी आंख में एक बार सही, लेकिन उन्हें याद करते हुए आंसू आ जाते थे। शिवीना ने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन वो पलट कर एक बार उन दोनों को देखना नहीं भूली। शिवीना की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। शिवीना एक सेंटर में छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती है। उसने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट से की, लेकिन शिवीना के पापा की डेथ के बाद वो मास्टर्स नहीं कर पाई और अपने और अपनी मम्मी के खर्चे उठाने के लिए जॉब करने लगी। अपनी सोचों में गुम शिवीना घर पहुंची। उसने डोरवेल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका ध्यान खुले हुए डोर पर गया। शिवीना ने खुद से कहा, कोई आया है क्या। ये बोलते हुए वो अंदर गई। अंदर एक छोटा सा हॉल और उसके पास में किचन और दूसरी साइड पर दो कमरे, बस इतना ही बड़ा था उनका घर, जहां पर वो रेंट पर रहते थे। शिवीना ने आवाज देते हुए कहा, मम्मी कहां हो और कौन आया है, क्या भाई आए हैं। तभी उसकी मम्मी की किचन से आवाज आई, तुम आ गई वीनू। शिवीना ने हाँ कहा और बोली, आप क्या कर रहे हो। उसकी मम्मी अपने हाथ साफ करते हुए बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। शिवीना मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। उसकी मम्मी, जिनका नाम था सिया सिंह, वो आज भी बहुत खूबसूरत दिखती है। उनके लंबे काले बाल, डस्की स्किन, बड़ी बड़ी काली आंखें और ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। सिया ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो। शिवीना ने आगे बढ़कर उनके गाल पर लगे आटे को साफ कर कहा, ये जनाब रोज आपके गालों को छूने के लिए आ जाते हैं, वही देख रहे थे।
उसकी मम्मी ने कहा, तुम पागल हो। शिवीना ने उनकी बात सुन स्माइल के साथ कहा, थोड़ी सी कुछ भी बोलती हो। ये बोल वो दोनों ही हंसने लगी। शिवीना ने कहा, मम्मी आपने बताया नहीं कि कौन आया है। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई, हम आए हैं। ये आवाज सुनते ही जो शिवीना के चेहरे पर मुस्कान थी वो गायब हो गई। उसकी जगह शिवीना के चेहरे पर गुस्से वाले भाव दिखने लगे। शिवीना ने पलट कर देखा तब उसके सामने लगभग 50 साल के एक आदमी खड़े थे और वो शिवीना को देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, कैसी हो शिवीना मेरी बच्ची। शिवीना ने उन्हें देख गुस्से में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं ये यहाँ। सिया ने कहा, कैसी बातें कर रही हूँ वीनू, वो तुमसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। शिवीना ने गुस्से में उन्हें देख चीखते हुए कहा, मुझे नहीं मिलना इनसे, नहीं बात करनी इनसे, नफरत है मुझे मिस्टर ध्रुव राठौर से, उनके नाम से और उनके खानदान से, कहिए इनसे ये यहाँ से चले जाए। सभी अब आगे। शिवीना की बात सुनकर सिया ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा ऐसे बात नहीं करते, वो मुंबई से यहाँ आ गए तुमसे बात करने और तुम इस तरह से बात कर रही हो, अंकल से सही से बात करो। शिवीना ने चीखते हुए कहा, क्यों आए यहाँ, हमने बुलाया नहीं है, है इन्हें, एक बार फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं, ना या ये दिखाने आए हैं कि इनके पैसे के आगे हम झुक गए, हार गए इनसे। शिवीना बेहद गुस्से में थी, उसने अपनी मम्मी को देखते हुए कहा, आप भूल गई इन्होंने क्या किया है, चाहे आपने इन्हें माफ कर दिया हो मैं कभी नहीं करूंगी। वो पलट ध्रुव राठौर को देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर भले ही आप अपने पैसे के दम पर जेल से बच गए, यहाँ तक आपको पॉइल स्टेशन में कदम भी नहीं रखना पड़ा, लेकिन एक दिन आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप भी जानेंगे एक बच्ची से उसके पिता का साया छीनने की सजा क्या होती है, आप भी तड़पेंगे। उसने इतना ही कहा था कि सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर तेज आवाज में कहा, वीनू होश है, क्या बोल रही हूँ, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से इस तरह से बात करना सिखाया है, अंकल है वो तुम्हारे। शिवीना ने गुस्से में कहा, कोई नहीं है, ये मेरे, बस मेरे पापा के खूनी है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गालों पर आ गए। ये सुन ध्रुव ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। यही एक लफ्ज था जो उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। सिया ने गुस्से में कहा, एक लफ्ज और नहीं, हर महीने वो तुझसे मिलने आते हैं, शायद तू उनसे बात करे, तू है एक भ्रम से निकलना ही नहीं चाहती। तभी ध्रुव ने वीनू का हाथ सिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, सिया क्या कर रही हो, बच्ची है वो। सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, नहीं ध्रुव जी बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई, तभी इतनी कड़वाहट है इसके अंदर। ध्रुव ने शिवीना का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा तब शिवीना के सफेद हाथ पर सिया की उंगलियों से लाल निशान उभर कर दिख रहे थे। उन्होंने परेशानी से कहा, पहुंचा दी ना हमारी बच्ची को चोट, वो हमसे नाराज है, हम उन्हें मना लेंगे, आप रहने दे, ये हम दोनों के बीच का मामला है। ध्रुव ने प्यार से शिवीना के सर पर हाथ रख कहा, हम तो उनके प्यारे अंकल हैं ना, वो हमें माफ करे या ना करे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अपनी गलतियों की माफी अपनी बेटी से मांगे। ये बोलते हुए ध्रुव का गला रुंध गया। शिवीना ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बिना भाव के बोली, आप वही हैं जिन्होंने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियां छीन ली। ये बोल वो अपने रूम की तरफ भाग गई। ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी भरी आंखों से अपने हाथ को देखा और एक नजर शिवीना के रूम की तरफ। सिया ने जब ध्रुव के उतरे हुए चेहरे को देखा तब कहा, ध्रुव जी माफ करना, वो अभी तक उन सब से उभर नहीं पाई है, वरना आप जानते हैं न वो आपसे कितना अटैचेड थी, कितना मानती है आपको बचपन से ही। ध्रुव ने अपने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, हम सब जानते हैं सिया, अपनी बेटी के दुख से भी वाकिफ है, बस अफसोस ये है हम उनका दुख कम नहीं कर पाते हैं। सिया ने कहा, अच्छा ये सब छोड़े, आप बैठिए हम खाना लगाते हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं आप हमारी वीनू से बात करें, उसे मनाएं, अब हम अपने दोस्त से किए वादे को पूरा करना चाहते हैं। सिया ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, आपको लगता है ध्रुव जी आपकी जिद्दी बेटी मानेगी। ध्रुव ने सख्ती से कहा, ये आपका काम है, आप उसे मनाएं, क्योंकि हम सारांश की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, वरना हम जबरदस्ती कर सकते हैं,
और ये आप जानती हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, आखिर आपकी शादी भी हमने ही कराई थी। सिया ने भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन आपके दोस्त हमें बीच रास्ते में छोड़कर अपना वादा अधूरा छोड़ चले गए। ध्रुव ने कहा, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सिया फिर उठते हुए बोले, जल्द ही अब आपको मुंबई आना होगा, अपनी बेटी के साथ तैयार रहना। ये बोल वो वहां से जाने लगे। सिया उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। वहीं शिविना अपने रूम में थी। उसने अपना बैग साइड में फेंका। उसकी नजर बेड पर रखे गिफ्ट्स पर गई। चॉकलेट कपकेक्स और ढेर सारे स्नैक्स थे। ये सब देख शिविना के चेहरे पर दर्द दिखने लगा। उसकी कानों में अपनी ही आवाजें गूंज रही थी। प्यारे अंकल, आप ना बहुत प्यारे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। प्यारे अंकल मुझे बचाओ, मम्मी मार रही है। प्यारे अंकल मुझे आपकी दी डॉल बहुत पसंद है। प्यारे अंकल, वीनू आपसे बहुत प्यार करती है। वीनू ने सारे गिफ्ट्स बेड से नीचे फेंक दिए और चीखते हुए बोली, वीनू आप बहुत नफरत करती है, आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। ये बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वीनू ने रोते हुए ही कहा, पापा आप क्यों गए, मुझे आप चाहिए, आपकी वीनू को आप चाहिए। वीनू सिसकने लगी। इस वक्त उसे बहुत दिल में दर्द हो रहा था। एक अजीब से बेचैनी थी जो उसे जीने नहीं देती। उसे हर टाइम लगता कि वो भागकर अपने पापा के सीने से लग जाए, छुपा ले खुद को उनकी आगोश में। शिविना तकिए में मुंह छिपाए ऐसे ही रोती रही। हॉल में ध्रुव के जाने के बाद सिया अपने और सारांश वीनू के पापा सारांश सिंह थे। उनकी और सिया को शादी 25 साल पहले हुई थी। सारांश ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर सिया से शादी की थी और उनकी हेल्प ध्रुव राठौर ने की थी। सिया अपनी फैमिली के बिना मर्जी के इस शादी नहीं करनी चाहती थी, लेकिन सारांश ने उससे जबरदस्ती शादी कर ही ली। अपनी शादी का टाइम याद करते हुए सिया की के होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में सारांश को याद कर आंसू थे। उन्हें वीनू का ध्यान आया। उन्होंने जल्दी से जाकर किचन बंद किया और वीनू के रूम में आई। वो रूम का हाल अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए देख रही थी। साबी, अब आगे। सिया पूरे रूम को देख रही थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ पता, चॉकलेट केक्स स्नैक्स और वो व्हाइट डॉल जो ध्रुव हर बार शिविना के लिए लाते थे। शिविना हर बार उसकी हालात खराब कर फेंक देती। आज भी वो व्हाइट डॉल चॉकलेटी दिख रही थी। उसके हाथ पैर अलग पड़े हुए थे। सिया ने एक नजर सोई हुई शिविना को देख बोली, सारांश ये आपकी वीनू न पूरी जंगली हो गई है, इतना गुस्सा। हाय राम, न जाने क्या होगा उसका जो इसके साथ बंधेगा। ये बोल उन्होंने एक एक कर सारा सामान समेटना शुरू किया। कुछ ही देर में सब साफ कर सिया ने शिविना को देखा। उसके पास बैठ गई, फिर वीनू के चेहरे को देख जिस पर रोने से आंसुओं की लकीरें बनी थी। सिया ने झुककर वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, मेरा गुस्सैल बच्चा। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से वीनू के चेहरे को साफ किया। उसके बिखरे बालों को एक साइड बोली, आप क्यों नहीं समझते बच्चा, वो गलत नहीं है, बल्कि आपके पापा की तरह ही आपके प्यारे अंकल आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक पिता को तरह आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें समझो तो सब ठीक हो जाएगा। सिया वीनू के पास ही लेट गई। वीनू ने नींद में ही उन्हें हग कर लिया। सिया ने उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सारू आप हम तीनों को अकेला छोड़ गए, लेकिन ये बताओ हमारी बच्ची को मैं कैसे उस दर्द से बाहर निकालूं कि वो इस हादसे को भूलते हुए आगे बढ़ जाए। सिया के आंखों के किनारे से आंसू बहकर तकिए को भिगाने लगे। उन्होंने कहा, क्यों ये दर्द है, हमारी जिंदगी में आप होते तब कितना अच्छा होता, क्या मेरी वीनू को भी कोई ऐसा मिलेगा जो उसे इन सब से बाहर निकालकर उसके चेहरे पर फेक नहीं असली मुस्कान लाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। वीनू ने नींद में ही कहा, पापा वीनू लव्स यू। सिया ने अपनी भरी आवाज से कहा, पापा ऑल्सो लव्स यू। ये बोल उन्होंने वीनू के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लाइट्स ऑफ कर वो सोने को कोशिश करने लगी। अगली सुबह एक व्हाइट चादर से लिपटी डेथ बॉडी सामने रखी थी। उसके आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। एक औरत एक तक उस बॉडी को देख रही थी। उन्हें होश नहीं था अपना, उसके लबों से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उनके पास में एक लड़की बैठी थी। वो उस बॉडी को हग करते हुए बोली, पापा पापा उठिए ना, देखे ना मम्मी वीनू से बात कर नहीं कर रही है। ये बोल वो तेज तेज रो रही थी, लगातार अपने सामने बेजान लेटे उस इंसान को उठाने को कोशिश करती।
वीनू चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी। उसे अपना कोई होश नहीं था, बस वो लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा नहीं हो सकता था। वीनू ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पापा बोलिए ना आपकी वीनू को आपस बात करनी है। पापा उठिए, वीनू आपके बिना नहीं रह सकती। पापा ये सब क्या बोल रहे हैं? आप मुझे छोड़ गए, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, आप बोलते हैं। आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। पापा उठिए ना, दोखिए मैं रो रही हूँ पापा, मैं रो रही हूँ पापा, प्लीज उठिए। किसी ने उसे उनसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वीनू ने उनके हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे मेरे पापा के पास रहना है। पापा उठिए, उठिए ना पापा। अगले ही पल वीनू चौंकते हुए उठ गई और बोली, पापा। सिया जो वीनू के पास ही आ रही थी, वो जल्दी से वीनू के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, बच्चा। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा मुझे छोड़ गए। सिया ने वीनू को देखा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा अब भूल जाओ इस बात को, उस एक्सीडेंट से बाहर निकल कर देखो, पापा हर टाइम वीनू के साथ हैं। वीनू ने उनसे दूर होते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे पापा को भूलने को बोल रही हैं? सिया ने उससे बहस न करते हुए कहा, पागल लड़की जाकर फ्रेश हो जाओ। वीनू उन्हें घूरते हुए बाथरूम में जाकर बोली, मैं आपको भी पागल करने वाली हूँ, फिर हम दोनों पागल पागल खेलेंगे। सिया ने हंस कर कहा, हम दोनों पागल हो गए, तुम जैसे पागल को कौन संभालेगा। लेकिन वीनू बाथरूम में जा चुकी थी। सिया ने एक बार वीनू के रूम को देखा, हर तरफ उसकी उसके पापा के साथ फोटो थी। एक बेटी के लिए उसके पापा क्या होते हैं, ये एक बेटी जान सकती है, बाकी लोग बस कयास लगाते हैं। वीनू की दुनिया थे उसके पापा, सुबह से शाम तक उसकी जुबान पर एक ही रट रहती थी, पापा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सारांश आज बम फूटने वाला है, न जाने क्या करेगी आपकी बेटी। कुछ देर बाद वीनू नाश्ता कर अपना बैग उठाते हुए बोली, मम्मी जा रही हूँ मैं। सिया ने दरवाजे से ही कहा, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीनू ने जल्दी से भागते हुए कहा, मम्मी लेट ही रहा है, आकर बात करेंगे, ये बोल वो भागते हुए निकल गई। जब तक सिया बाहर आई, वीनू जा चुकी थी। सिया ने उस आधे अधूरे खाए हुए खाने को देखा और खुद से बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। शाम को शिविना ने घर में कदम रखते हुए कहा, मम्मी कहाँ हो आप? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। उसने झांक कर किचन में देखा, तब कोई नहीं था। उसने कहा, ये कहाँ गई? वो आवाज देते हुए अपने रूम में आई, तब उसकी मम्मी उसके कपड़े बैग में डाल रही थी। ये देख वीनू ने कहा, मोहतरमा कब से आपको आपकी ये भोली और शरीफ बच्ची आवाज दे रही है, आप है कि सुन ही नहीं रहे, आप कहाँ जा रहे हो, मेरे कपड़े बैग में क्यों डाल रहे हो? सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हम जा रहे हैं। वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं? सिया ने कहा, मुंबई। वीनू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, भाई आने वाले थे, तब हम क्यों जाएं? सिया ने कहा, भाई नहीं आएगा और हम भाई के पास नहीं, राठौर पैलेस जा रहे हैं तेरी शादी के लिए। शिविना ने चौंकते हुए कहा, क्या? सिया ने बैग की चैन लगाते हुए कहा, हाँ तेरी शिवांश से शादी है। सिया के ये बोलने पर शिवानी ने चीखते हुए कहा, कभी नहीं। सिया ने शिविना को देख बोली, वीनू मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि कोई बहस करूँ, तुम हाँ बोल दो। शिविना ने कहा, मम्मी एक बार आप सोचो कि आप क्या बोल रही हो, एक तो वो राठौर और ऊपर से उनके बेटे, वो भी शिवांश, आप जानती है कोई उन्हें नहीं झेल सकता है। सिया ने कहा, तुझे भी कोई नहीं झेल सकता है, सही है दोनों एक से ही जाओगे। शिविना ने चिढ़ते हुए कहा, आप जानती है नफरत है मुझे उन लोगों से, मैं उनके घर में जाऊं कभी नहीं, इससे अच्छा है मैं दुनिया न छोड़ दूं, वो घटिया लोग। उसकी बात सुनकर सिया ने तेज आवाज में कहा, वीनू अपनी जुबान से सोच समझ कर लफ्ज निकालो, भूलो नहीं वो कौन है, अपनी तमीज हमें हर हाल में हमें नहीं भूलनी चाहिए। वीनू ने भी गुस्से में चीखते हुए कहा, उन लोगों के लिए मैं कुछ याद नहीं रखूंगी, याद रखूंगी तो सिर्फ इतना कि उन्होंने मुझसे किसी बहुत खास को छीन लिया, हमें बेसहारा कर दिया। सिया ने वीनू का हाथ पकड़ कर कहा, वीनू देखो मान जाओ, ध्रुव जी की बहुत इच्छा है, तू मान जाएगी तब उन्हें की इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी बच्ची कब तक यूं अकेली रहेगी, तुझे भी तो कोई चाहिए ना।
वीनू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई, मिस्टर ध्रुव राठौर के घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। मम्मी आप कैसे भूल सकती है कि उन्होंने आपसे आपके पति मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। वो बोली, तू भूलती क्यों नहीं, तुझे समझ नहीं आता कि वो एक एक्सीडेंट था। मान मेरी बात, हाँ कर दे, वीनू ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा। कभी नहीं माँ, मैं ये कभी नहीं मानूंगी, मुझे शादी नहीं करनी है और अभी मैं सिर्फ 20 की हूँ। शिविना की बात सुनकर सिया ने कहा, कब तक मैं रहूंगी तेरे साथ, कब तक यूं तू अकेली रहेगा। हम इतने बड़े लोग नहीं है कि ये सब ना करें। हमारे समाज में बहुत सी बातें बनती है जब एक लड़की शादी के लिए ना करती है। तू चाहती है मैं उनके सवालों का सामना करूं, शिविना ने कहा। मुझे भी पता है कि हमारी हैसियत क्या है, हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम अपने जैसा ही कोई ढूंढ लेंगे। इतने बड़े लोगों में जुड़ने की हमारी औकात नहीं है। शविना की बात सुनकर सिया ने कहा, तुझे कोई पसंद है या किसी को प्यार करती है, मैं भी देखूं मेरी बेटी ने मेरी दी गई आजादी का कैसे इस्तेमाल किया है। शिविना की हरी आंखें में गुस्से में लाल हो गई थी, अब उनमें नमी ने जगह बना ली। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आप उन लोगों की वजह से मुझ पर शक कर रही हैं। उन ध्रुव राठौर, उनके बेटे की वजह से आज पहली बार मेरी माँ मुझ पर शक कर रही है। वाओ, ध्रुव राठौर पहले मेरे पापा, अब मेरी माँ भी मुझसे छीन रहे हैं। सिया ने शिविना का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, ना बच्चा, कोई तुझ से कुछ नहीं छीन रहा है, मेरी बच्ची ये तेरे लिए जरूरी है, मान जा मेरी जान। शिविना ने उनके हाथ झटक चीखते हुए कहा, कभी नहीं, मैं उन खूनी बहिया और भैया ध्रुव राठौर के बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी, सिया ने कहा। शिविना, एक तेज थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज गई। शिविना का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंसुओं ने उसके चेहरे पर लकीरें बनाना शुरू कर दिया। उसने भीगी आंखों से सिया को देखा, तब सिया ने वीनू को झकझोरते हुए कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दे, तू क्या कर रही है, किसी से तू तेज आवाज में बात नहीं करती थी, आज तू क्या कर भूल गई है, वो तेरे पापा के लिए क्या है, भूल गई उनका क्या रिश्ता है हमसे, जब तेरे दादा ने सारे रिश्ते तोड़े थे, तेरे पापा टूट गए थे, उनके साथ कोई नहीं था, तब ध्रुव जी थे। शिविना ने कहा, आप भूल रही हैं? उन्होंने अपनी अमीरी और शराब के नशे में मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है, मैं उनके बेटे के साथ शादी करूं कभी नहीं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। कल को वो हंसेंगे हम पर कि हमने उनके पैसे को देखकर उनसे रिश्ता जोड़ा, सिया ने कहा। वीनू, तुझे तेरे पापा की कसम, हाँ कर दे वरना, वीनू ने कहा, वरना क्या मम्मी, क्या करेंगे वो, सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वरना वो कुछ नहीं करेंगे, तू समझना, तेरे पापा के साथ तेरी माँ भी मर गई, मेरा मरा मुंह देखेगी तू। वीनू हैरानी से अपनी मम्मी को देखने लगी, सिया वहाँ से जाने लगी, तभी वीनू ने कहा, अपने पापा के लिए मैं खुद को तबाह कर दूं, ये तो फिर भी उन ध्रुव राठौर की बात मानना है। सिया तेज कदमों से शिविना के रूम से निकल कर अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर उससे टेक लगाए ही बैठ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची तेरे लिए यही सही है, अगर उन्हें पता चला कि सारांश की बेटी है तब वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे। कुछ देर बाद वीनू के रूम का गेट खुला, उसने सिर उठाकर देखा, तब सामने खड़े इंसान को देखकर वीनू भागते हुए उसके गले से लग तेज तेज रोने लगी। वीनू ने रोते हुए कहा, वर्षा, उन लोगों की वजह से मम्मी ने मुझसे लड़ाई की, मुझसे जबरदस्ती हाँ बुलवाई। वर्षा ने शिविना के पीठ पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा मेरी जान, रोते नहीं है। शिविना ने सिसकियां लेते हुए कहा, मम्मी ने उनकी वजह से, तभी वर्षा ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तू चुप हो जा पहले। वर्षा ने शिविना को बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। वर्षा और शिविना बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस पिछले एक साल से शिविना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वो किसी से सही से बात भी नहीं करती, लेकिन वर्षा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वर्षा ने शिविना के चेहरे को देखा जो रोने की वजह से पूरा लाल ही गया था, उसके बिखरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, उसके बाजुओं पर हाथों की लकीरें उसके गोरे रंग की वजह से उभर कर दिख रही थी। वर्षा शिविना के पास बैठी, उसके सर को अपने गोद में रख कहा, तूने क्या हाल बनाया है अपना, इतना दुख होता होगा अंकल को तुझे ऐसे देख कर, वीनू ने सिसकते हुए कहा, आई मिस्ड हिम, वो होते तब ये सब नहीं होता। वर्षा ने कहा, तू आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती, वो कितना परेशान है, अपने रूम में रो रही है, तू समझती क्यों नहीं है, उन्हें तुझे ऐसे देखकर कितना दर्द होता होगा।
वीनू ने बताया, वो उन्हें हमारे घर क्यों आने देती है? मुझे उन्हें देखकर गुस्सा आता है। वर्षा ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मेरी जान अंकल आंटी के भी कुछ लगते थे। आई थिंक तुझसे ज्यादा वो प्यार करती है उनसे, उनका दर्द समझती है न तू? वीनू ने कहा, मुझे पता है वर्षु, लेकिन मुझे उनके घर नहीं जाना। वर्षा ने कहा, तब तू आंटी से बात कर लेना, और वहाँ आकाश भाई भी है, वो शायद तेरी हेल्प करते। वीनू ने कहा, लेकिन वो पागल इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्या? वो मुझसे शादी करेंगे? वर्षा ने हंसते हुए कहा, इतना हैंडसम बंदा मिल रहा, कोई मुझसे कहता मैं उसी टाइम फेरे ले लेती। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, बंदर की शक्ल सा हैंडसम है वो। वर्षा ने वीनू को देखा और हंसने लगी। फिर वर्षा ने कहा, तब तू हाँ कर दे, क्या पता वो ही मना कर दे। वीनू ने कहा, हाँ तो कर दिया, मम्मी ने पापा की कसम दी। धीरे धीरे शिवीना शांत हो गई, उसकी पलके नींद से भारी होने लगी। वर्षा ने दरवाजे की तरफ देखा, तब सिया उन्हें देख रही थी। वर्षा ने सिया को सब ठीक होने का इशारा किया। सिया ने ही वर्षा को बुलाया था। थोड़ी देर में ही वीनू सो गई। अगली सुबह वर्षा, सिया और शिवीना एयरपोर्ट पर खड़े थे। शिवीना ने वर्षा को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। वर्षा ने कहा, हाँ हाँ, जब साइया जी से मिलेगी तब सब भूल जाएगी। वीनू ने मुंह बना लिया और वर्षा हंसने लगी। सिया और वीनू ध्रुव के असिस्टेंट के साथ मुंबई के लिए निकल गए। 3 घंटे बाद वीनू राठौर पैलेस के सामने खड़ी थी और बिना भाव के उस पैलेस को देख रही थी। अब आगे शिवीना ने सिया के पास में आकर उनके कान में कहा, मम्मी कान्हा जी चाहते हैं कि हम इनके घर में नहीं जाएं, तभी तो गेट पर आते ही इनकी ये कार खराब हो गई है। सिया ने उसे घूर कर कहा, चुप करो और खबरदार अंदर कुछ उल्टा सीधा बोला। शिवीना ने बिना भाव के कहा, बस वो मेरे सामने न आए। तभी ध्रुव के असिस्टेंट ने आते हुए कहा, मैम दूसरी कार आ गई है। वो कार में बैठे और उनकी कार पैलेस के अंदर की तरफ चल दी। सामने बड़ा सा गोल्डन और ब्लैक गेट था, उससे होते हुए उनकी कार अंदर जाने लगी। दोनों साइड खूबसूरत गार्डन, बीच में जाने का रास्ता, जगह जगह खूबसूरत फाउंटेन लगे हुए थे जो कार के एंटर होते ही चलने लगे, वो गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। शिवीना की नजर एक फाउंटेन पर गई जहां 2 फेरी थी, वो देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। कार एक पोर्च के नीचे आकर रुकी, गार्ड ने गेट खोला, शिवीना बाहर निकली। असिस्टेंट ने उन्हें आगे चलने का इशारा किया। वो एक बड़े से ब्राउन वुडन गेट के सामने आकर रुक। असिस्टेंट ने अपने फिंगरप्रिंट से गेट खोला, सब अंदर जाने लगे। तभी एक तेज आवाज आई, वहीं रुक जाओ अभी। वीनू ने सामने देखा, तब लगभग 17 साल का एक लड़का भागते हुए आ रहा था। उनके सामने आकर खड़े होते हुए बोला, मॉम ने बोला है कि आप यहीं रुको, मॉम मंदिर ला रही है। शिवीना ने उसे अजीब नजरों से देखा, तब वो बोला, मतलब मंदिर से आ रही है? वो शिवांगी को घूरने लगा, वो ऐसे देख रहा था जैसे स्कैन कर रहा हो। वीनू ने पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ती और व्हाइट प्लाजो पहना था, गले में नेट का दुपट्टा और कानों में बालियां, जिनके हिलने पर आवाज हो रही थी क्योंकि इसे घुंघरू वाली बालियां बहुत पसंद थी। नींद तक आते खुले हुए बाल हल्की हवा से लहरा रहे थे, हल्के गुलाबी हो। वीनू इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सामने से अपने हाथों में पूजा की थाली लिए लगभग 45 साल की एक लेडी आई। उन्होंने एक रेड साड़ी पहनी थी, उनके होठों पर खिली मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत दिखा रही थी। उन्होंने शिवीना के सामने खड़े होते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा, कितने सालों बाद आया है, सिया तुम कैसी हो? सिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे हैं हम अनिका। ये थी अनिका ध्रुव राठौर। उन्होंने शिवीना को आरती की, बोली, आज बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहू मेरे घर आ रही है, मेरा तो सपना ही पूरा हो गया, चलो जल्दी से अंदर आओ। उन्हें इतना खुश देखकर वीनू के फेस पर स्माइल आ गई, उसने अंदर कदम रखे। अगले ही पल किसी ने उसे हग कर कहा, भाभी मैं कब से आपके अंदर आने का वेट कर रहा था, मैं आपका प्यारा सा हैंडसम सा देवर वंश, आप मेरी खूबसूरत भाभी। वीनू ने कहा, शिवीना। अनिका ने वंश को डांटते हुए कहा, बस करो वंश, उन्हें अंदर आने दो, वैसे भी सालों बाद आई है। सिया ने वीनू को देखा जो उन दोनों के खुशी से भरे चेहरों को देख रही थी। वीनू और सिया हॉल में बैठ गए। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत था उतना ही अंदर से हाल 2 पार्ट में था। एक साइड गेस्ट एरिया था, दूसरे साइड फैमिली मेंबर्स के लिए। गेस्ट एरिया का इंटीरियर इटालियन था, फैमिली एरिया का इंटीरियर इंडो वेस्टर्न, जिसकी थीम गोल्डन थी।
ऊपर लगा शैंडलियर वहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। उसकी लाइट्स मिरर टेबल पर पड़ते हुए हर तरफ बिखर रही थी। हॉल के बीच से गोल्डन सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों के एक साइड लिफ्ट थी। वहाँ एक किचन था लेकिन नीचे कोई भी रूम नहीं था। अनिका ने शिवीना के पास बैठते हुए कहा, मुझसे बात करो बेटा, वैसे मेरा मन आपके हाथ की चाय पीने का था, लेकिन अगर वो किया तब आपकी पहली रसोई आज ही हो जाएगी। स्टार्टर, कुछ देर बातें करने के बाद अनिका ने कहा, चलो आप दोनों अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करें, ध्रुव आते होंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की रस्मों के बारे में बात करेंगे। वीनू ने जल्दी से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। अनिका ने उसकी ये हरकत देख हंसते हुए कहा, जी क्यों नहीं, वंश भाभी को रूम दिखाओ। वंश ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं भाभी, मुझे आपको बहुत सी बातें भी बतानी है। ये बोल वो आगे आगे चलने लगा और वीनू सिया उसके पीछे। वंश वहां उन्हें रूम में छोड़ कर चला गया। सिया ने पूरे रूम को देखा, सब कुछ उनके हिसाब से रेडी था। ये देख सिया ने शिवीना को देखते हुए कहा, देखा तुमने अनिका कितनी खुश है, बाकी सब भी, लेकिन तुम्हें रोना धोना करना था। ध्रुव, अनिका तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं? शिवीना ने सपाट लहजे ने कहा, बेटी मानते हैं, वो नहीं उनकी बेटी, नहीं मुझे बनना है। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं, इससे सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। लेकिन शिवीना के दिमाग में तो यह चल रहा था कि शिवांश मना कर दे। एक मिटाकर बोली, मैम बिग बॉस आ चुके हैं, वो आपको छोटी मैम को बुला रहे हैं। सिया ने शिवीना की तरफ देखा जो सो रही थी। वो उठकर उस मेड के साथ चल दी। मेड स्टडी रूम में लेकर आई जहां पर ध्रुव बैठे थे। अनिका ने सिया को देखते हुए कहा, सिया देखो तो जरा, आज किसी के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही है। ये बोलते हुए उन्होंने सिया को अपने पास बिठा लिया। ध्रुव ने कहा, मेरी प्रिंसेस आई, मैं खुश नहीं होऊंगा तब क्या ससुर जी खुश होंगे। अनिका ने उन्हें गुस्से में घूरते हुए कहा, ध्रुव तुम्हारी हर बात में मेरे पापा को बीच में क्यों लाते हो। ध्रुव ने कहा, क्योंकि उन्हें बीच में आने की आदत है। अनिका ने कहा, ध्रुव मेरे पापा के बारे में तुम ये सब मत बोलो करो। ध्रुव ने सिया को देखते हुए कहा, तुम इसके पापा को भूल जाओ, वो याद करने के लायक नहीं, मेरी बात सुनो। वीनू ने गुस्सा तो नहीं किया। अनिका अपनी आंखें छोटी छोटी कर उन्हें घूर घूर कर देखने लगी। सिया ने कहा, सारांश के जाने से वो चिड़चिड़ी हो गए हैं, बस इसलिए। लेकिन ध्रुव ने कहा, लेकिन वेकिन छोड़ो, ये सुनो, आज शाम को मैंने हल्दी की रस्म रखी है, कल मेहंदी और संगीत, फिर शादी। सिया, अनिका हैरानी से उसे देखने लगी। सिया ने कहा, इतनी जल्दी और शिवांश वो राजी है। ध्रुव ने सोफ पर लीन होते हुए कहा, तुम उसकी टेंशन न लो, वो राजी है, बस बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, आज शाम को आ रहे हैं। सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव जी इतनी जल्दी क्या है, शिवांश वीनू बात कर लेते वैसे भी। ध्रुव ने कहा, शिवांश की चिंता मत करो, तुम जानती हो ना वो मेरी बात नहीं टालता, पसंद करता है वो वीनू को। सिया हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। तभी ध्रुव ने कहा, जाकर वीनू को शाम के बारे में बता दो। सिया उठकर जाने लगी। उनके जाने के बाद अनिका ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ये क्या था, आपने सिया से झूठ क्यों बोला। ध्रुव ने उन्हें अपनी तरफ खींचा, जिससे अनिका ध्रुव की गोद में आ गई। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव क्या करते हैं। ध्रुव ने अनिका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सारांश से वादा किया है, शायद इसीलिए ही सिया मानी है, अगर उसे पता चलता कि शिवांश को नहीं पता तब वो घबरा जाती। आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। ध्रुव के चेहरे को अनिका ने देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, बहुत याद करते हैं सारांश भाई को। ध्रुव ने अपनी नम आंखों से कहा, मेरा यार मेरी जान था, अब उसकी जान का ध्यान रखना मेरा काम है। ध्रुव ने अनिका के पल्लू से अपनी आंखों को साफ कर कहा, आप बस तैयारी करो, मेरी बेटी की शादी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अनिका ने उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे की शेरवानी भी पसंद करनी है, अगर जैसी बोली थी वैसी नहीं हुई। ध्रुव ने शरारत से उसे देखते हुए कहा, तब हम एक बेटे की तैयारी करेंगे, फिर तुम उसकी शेरवानी की तैयारी करना। ध्रुव के मुंह से ये सुनते ही अनिका के गाल गुलाबी हो गए। उन्होंने ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। वीनू सिया को देखते हुए कॉरिडोर में जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। सामने वाले ने कहा, सॉरी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तब उसकी आंखों में आंसुओं ने जगह ले ली। वीनू ने बिना किसी भाव के कहा,
कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ गई। उस इंसान ने फिर कहा, माफ कर देना, तू मुझसे नाराज है जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। साबित, अब आगे। शिविना ने पलट कर देखा, उसके सामने उसकी हम उम्र लड़की खड़ी थी। गहरी काली आंखें, साफ रंग, कंधे तक आते बाल, जीन्स टी शर्ट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिविना ने उसे देख कर कहा, नाराज तुझसे नहीं, अपनी किस्मत से। वो कनक राठौर, जो चाहा वो छीन गया, जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो मिलता आया है। कनक ने उसे देखते हुए कहा, जिसकी उम्मीद नहीं करते वो मिलता है तब वो बहुत खास होता है। अब तो तू मेरी भाभी बनने वाली है, तब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो चल मैं तेरे पीछे आई। ये बोलते हुए वो वहाँ चली गई, लेकिन शिविना उसे अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। कनक और वो बेस्ट फ्रेंड थे। शिविना ने उससे दोस्ती खत्म कर ली, कनक ने नहीं की। शिविना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, वो अपना चेहरा नॉर्मल कर पलटी, सामने से आ थी। उन्होंने कहा, कहा थी कब से देख रहे हैं तुम्हें, चलो कमरे में, अनिका वेट कर रही है। शिविना ने हाँ में सिर हिलाया, उनके साथ चल दी। वो रूम में आई तब बेड पर ढेरों सामान रखा था। अनिका ने जैसे ही सिया शिविना को देखा, वो बोली, सिया ये आप सही नहीं कर रही हो। सिया ने थोड़ी घबराहट से उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ अनिका, मुझसे कोई गलती हुई है। अनिका ने कहा, और नहीं तो क्या, आप देखो मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर रही, मैं अकेले क्या क्या करूं। ये बोल उन्होंने मुंह बना लिया। शिविना ने खुद से कहा, ये कितनी प्यारी और क्यूट है। किसी ने उसके साइड खड़े होते हुए कहा, मॉम दुल्हन अकेले अकेले खड़े मुस्कुरा रही है, लगता है दूल्हे के ख्यालों में खोई है। शिविना के साइड में कनक थी। अनिका ने कहा, अपने दूल्हे के नहीं तब क्या तुम्हारे दूल्हे ख्यालों में खोएगी। पीछे से वंश ने आते हुए कहा, काश कोई हमारे ख्यालों में भी खोता। ये बोल वो कनक के ऊपर गिरने लगा, लेकिन कनक हट गई। वंश नीचे गिरता उससे पहले शिविना ने उसे पकड़ लिया। अब वंश अपने झूठ मूठ के आंसू साफ करते हुए बोला, भाभी देखा आपने ये अत्याचारी लोग कैसे करते हैं आपके प्यारे देवर के साथ। शिविना कनक को देखने लगी। वंश ने शिविना के दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अब आप ही हो मेरा सहारा भाभी, इन अत्याचारी लोगों से आप ही मुझे बचाएंगी। उसकी बातें और नौटंकी देख कर शिविना मुस्कुराने लगी। वीनू की मुस्कान देख सिया ने अपने मन में कहा, हम सही है, इस परिवार में आकर ही तुम उन सब से बाहर निकल पाओगी। अनिका ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बस वंश, शिविना बेटा आप अपने लिए लहंगा और ज्वेलरी सिलेक्ट करो, शाम को हल्दी में यही पहनना है। शिविना हैरानी के भाव और सवालिया नजरों से सिया को देखने लगी। सिया ने हाँ में पलके झपकाई और शिविना ने एक नजर बेड पर रखे लहंगों पर डाली। वो कई सारे थे और हर किसी के पास मैचिंग ज्वेलरी रखी थी। शिविना ने कहा, सारे अच्छे हैं। कनक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सारे नहीं पहनने, कोई एक पहनना है। शिविना ने हाथ का हाथ हटाकर कहा, कोई सा भी चलेगा। कनक का मुंह उतर गया और वंश ने शिविना को देखते हुए कहा, भाभी मैं सिलेक्ट करूं। शिविना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वंश जल्दी से बेड पर गया, उन सब में से देखते हुए सिलेक्ट करने लगा। अनिका ने कहा, सिया चलो हम नीचे कुछ देखते हैं और रेडी भी होना है। अनिका ने कहा, कनक आप खुद भी रेडी हो जाओ, वीनू को भी रेडी कर लाना। कनक ने हाँ में सिर हिलाया। शाम, गार्डन को हल्दी की रस्म के लिए डेकोरेट किया गया था और कनेर के पेड़ों, गुलाब के पौधों के आसपास हल्दी के लिए लड़की के बैठने का इंतजाम था। ध्रुव सारी तैयारियां देख रहे थे। तभी अनिका ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्रुव शिवांश अभी तक नहीं आए, उनकी भी हल्दी है। ध्रुव ने कहा, वो एयरपोर्ट से निकल गया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। उन्होंने अनिका को देखते हुए उनकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए। अनिका ने येलो जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, बालों का जुड़ा बनाकर उसने येलो फ्लावर लगाए। हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव ने कहा, हाय, आज भी आपकी एक नजर सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है। अनिका उन्हें आंखें दिखाते हुए चली गई। ध्रुव मुस्कुराने लगे। पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़की के बैठने की जगह को पीले गुलाब के फूलों से सजाया गया था। बैठने के लिए घास पर बेदी थी और चारों ओर से फूलों के पर्दे जो अभी हटे हुए थे। वंश की आवाज आई, हाय। सबने उसकी तरफ देख वंश की नजरों का पीछा किया। तब वो सामने से आ रही शिविना को देखकर नौटंकी कर रहा था। ध्रुव ने शिविना को देखा, अपनी नम आंखों से आसमान में देखकर बोले, देख रहा है हमारी प्रिंसेस को कितनी प्यारी लग रही है।
देख, हमने जो एक दूसरे को वादा किया था वो पूरा होने वाला है। तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनने वाली है। ये बोल वो मुस्कुराने लगे। शिवीना ने लेमन येलो लहंगा पहना था। उसके हाथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज जिस पर क्रिस क्रॉस वाला गोल्डन डिजाइन बना हुआ था। अच्छे से सेट लो वेट दुपट्टा, रियल फूलों की ज्वेलरी, खुले बाल जिन्हें आगे आने से उसके बालों ने लगा एक बेंदा रुका हुआ था। हाथों में गुलाब मोगरे से बने कंगन, बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कि कोई देखे तब उसमें खोने से खुद को रोक ना पाए, कमी थी तब चेहरे पर एक मुस्कान की। उसके पीछे कनक आ रही थी। उसने येलो कुर्ती व्हाइट जीन्स पहनी थी, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके और माथे पर टीका। शिविना ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, तभी कनक ने उसे देखते हुए कहा, आंटी अंदर है। लेकिन शिविना एक तक सामने देख रही थी और वो भागते हुए आगे की तरफ जाने लगी। जब ध्रुव ने उसे ऐसे भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तब उनकी आंखों में चमक आ गई। उसे उन्हें लगा शायद वो उन्हें हक करेगी, लेकिन शिविना उनकी साइड से निकलते हुए चली गई। ध्रुव एक बार फिर उदास हो गए। उन्होंने पलट कर देखा तब शिविना एक लड़के के गले लगे हुए थी। उसने सिसकते हुए कहा, भाई आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये आकाश था, सिया सारांश का बड़ा बेटा और शिविना का बड़ा भाई, जिसे शिविना बहुत प्यार करती थी लेकिन नाराज हुई बैठी है, फिर भी बात करना नहीं छोड़ती। आकाश ने प्यार से उसके माथे को चूम कहा, मेरी झल्ली अब आ गया ना। शिविना ने अपनी हरी आंखों से उसे घूर कर देखा, तब आकाश हंसने लगा। अनिका ने कहा, चलो भाई मिलाप हो गया, अब जल्दी से रस्म स्टार्ट करो। शिविना को ले जाकर उसकी जगह बिठाया। सिया ने आकर आकाश के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कैसा है, मम्मी की याद बिल्कुल नहीं आती ना। आकाश ने उन्हें साइड से हाथ करते हुए कहा, आप तो जान हो मेरी। वो दोनों सामने देखने लगे। आकाश ने कहा, मेरी तूफान मान कैसे गई शादी को। सिया ने कहा, कसम दी है पापा की, अपनी भी, अब तुमसे बात करेंगी, हमें तो लग रहा इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आकाश ने हंसते हुए कहा, खुराफात करना उसकी आदत है। वहां एक साथ कई गाड़ियों की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तब गेट के सामने कई गाड़ियां रुकी हुई थी। साइड में गार्डन थे इसलिए वो लोग आसानी से देख पा रहे थे। उन कांस को देखते हुए अनिका, कनक और ध्रुव वंश के चेहरे खिल गए। कनक ने शिविना के आसपास लगे पर्दे खोलते हुए कहा, भाई आ गए, अब हल्दी शुरू होगी। ये सुनते ही शिविना का दिल धक से कर गया। उसने खुद से कहा, क्या वो मान गए इस शादी को। उसकी आखिरी उम्मीद तो यही थी कि शिवांश मना करेगा। उनमें से एक ब्लैक रेंज रोवर से ड्राइवर ने निकलकर कार का दरवाजा खोला। एक लड़का बाहर निकला, वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स में काम करने वाले। उस लड़के ने अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए सामने देखा। इतनी डेकोरेशन देखकर वो अपनी आईब्रो रेज कर देखने लगा। साफ रंग, उसकी 6 फीट से भी लंबा कद, परफेक्ट बॉडी जो उसके टक्सीडो उस पर और अट्रैक्टिव दिखा रही थी, चमकीली भूरी आंखें, तीखी नाक और सुर्ख होंठ जिसे देखकर लगे जैसे उसने उन्हें रंगा है। उसके चेहरे पर गुरूर था, कोल्ड एक्सप्रेशन। उसने अपने आसपास खड़े अनगिनत गार्ड्स को अपना हाथ उठा 2 फिंगर्स से जाने का इशारा किया। कदम बढ़ाते हुए गार्डन में आ गया। अनिका ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, मेरा शिव आ गया। अनिका शिव के सीने तक ही आ रही थी। उसने अपने माँ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है आप। अपना एक हाथ बढ़ाकर कनक को भी अपने पास आने का इशारा किया। ध्रुव ने कहा, मेरे होते हुए मेरी बीवी ठीक ही होगी। शिवांश ने उन दोनों से दूर होकर अपने सामने ध्रुव को देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। अगले ही पल शिवांश ने ध्रुव गले से लगते हुए कहा, आई नो डैड। अनिका ने कहा, जल्दी आओ शिव। शिव ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। तब अनिका ने उसे अपने साथ शिविना तक लाते हुए कहा, हल्दी लगाओ होने वाली दुल्हन को। शिव बोला, व्हाट नॉनसेंस मॉम, मैं ये क्यों करूं। अनिका ने घूरते हुए कहा, शिव हल्दी की रस्म करनी है, मुहूर्त निकल जाएगा। शिव ने ध्रुव को देखा, उसने हाँ में पलके झपकाई और सिया ध्रुव को देखने लगी। उन्होंने सिया को शांत रहने का इशारा किया। शिवांश ने हल्दी के कटोरे में अपने हाथ डाले और शिवांश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, अंदर देखने की कोशिश की, उसे फूलों की खुशबू के सिवा कुछ नहीं मिला। अनिका ने कहा, बेटा अपने पैर आगे करो बेटा। शिविना ने अपने पैर आगे किए। शिव ने अनिका को देखा, फिर खुद से बोला, मैं शिवांश राठौर किसी के पैर छुए।
वो उठने को हुआ, अगले ही पल ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवांश के जबड़े कस गए। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल में उसने अपनी आंखें खोली और उसने शिविना के पैरों को देखा। उसके पैर इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पैरों में सजी फूलों की पायल उसके सफेद पैरों में खिल रही थी। उसके गोरे पैरों की हरी नशे दिख रही थी। शिवांश ने उसके पैरों पर हल्दी लगाई। इस छुअन से एक अलग एहसास हुआ। शिवांश के दिल की धड़कन ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। कुछ ऐसा ही हाल शिविना का था। शिवांश की पहली छुअन से शिविना की आंखें बंद हो गई। उसकी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया। अनिका ने कहा, अब अपने हाथ आगे करो। शिविना ने वैसे ही किया। शिव ने उसके हाथों पर भी हल्दी लगाई। अब शिविना की सांसें तेज हो चली, लेकिन उसने अपनी झुकी पलकों को नहीं उठाया। शिवांश को उस पर्दे से शिविना को झांकने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख। अनिका ने कहा, बस काका झांकी बंद करो, अब तुम जा सकते हो। शिव के दिल की धड़कन तेज थी। वो उठकर बिना किसी की तरफ देखे जाने लगा। उसके बाद अनिका ने शिविना को हल्दी लगाई। सिया ने और एक एक कर सारे लगाने लगे। शिवांश अंदर आया, लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से ध्रुव ने आते हुए कहा, शिव जल्दी रेडी होकर आओ। शिव ने कहा, वाई डैड, ये क्या हो रहा है पैलेस में? ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी भी हल्दी की रस्म होनी है। शिव ने शॉक्ड होते हुए कहा, व्हाट? सभी एन अब आगे। ध्रुव ने शिवांश से इसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उन्होंने शिव के चेहरे के भाव बदलते देखे, तब कहा, शिव तुम्हारी शादी तय की है वीनू से। ये शिव के लिए दूसरा झटका था। उसने ध्रुव को देख सख्त लहजे में कहा, डैड अगर ये मजाक है तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ध्रुव ने कहा, कोई मजाक नहीं है, ये हमारा फैसला है। तुम जानते हो वीनू और सारांश को भी? शिवांश ने गुस्से में ध्रुव को देखते हुए कहा, मैं बड़ी को जानता हूँ, लेकिन उनकी बेटी से मेरा लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं मैं उस बहियात लड़की से शादी करूँ? मैं शिवांश राठौर, द बिजनेस किंग शिवांश राठौर, जिसे ऐसे मिडिल क्लास सोच वाले लोगों से नफरत है। ध्रुव ने गुस्से में कहा, बस शिवांश, एक शब्द भी वीनू के खिलाफ नहीं। अभी आकर हमसे स्टडी में मिलो। ये बोलते हुए वो चले गए। शिवांश ने गुस्से में बाहर की तरफ देख कहा, व्हाट द हेल, मुझे लग ही रहा था कि ये वो लड़की ही है। वो ध्रुव के पीछे चला गया, क्योंकि एक यही काम था जो शिवांश नहीं करता, वो है ध्रुव की बात टालना। लोग कहते हैं कि लड़के अपनी माँ से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इस केस में शिवांश अलग था। उसके लिए अनिका जी बहुत मायने रखती थी, लेकिन दुनिया के सबसे ऊपर उसके डैड आते हैं। शिवांश जाकर ध्रुव के पीछे खड़ा हो गया। ध्रुव खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने वहां से बाहर देखते हुए कहा, हमारे साथ खड़े हो। शिवांश ने हल्का हंसते हुए कहा, आप जानते हैं मुझे आपके पीछे खड़े होना पसंद है। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा, उसे अपने साइड खड़ा करते हुए कहा, तुम हमारे साथ होते हो तब हमारी पावर डबल होती है। उसने कहा, जानते हो सारांश डेथ हो चुकी है। शिवांश ने कहा, या डेड आकाश से पता है मुझे? मुझे पता है आप बड़ी को बहुत मिस करते होंगे। ध्रुव ने कहा, हर वक्त, लेकिन उसके जाने के बाद वीनू ने हमें माफ नहीं। यहाँ तक आकाश ने हमारा साथ दिया, तब वो दिल्ली चली गई। उसने आकाश दूरी बना ली, सब जानते हैं। वीनू की चेहरे पर मुस्कान सारांश के नाम से थी, लेकिन वो बिखर चुकी है। शिवांश ने बिना भाव के कहा, शिवांश राठौर को बिखरी हुई चीजें सख्त ना पसंद है। उस लड़की को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। शिवांश ने कहा, तुम नहीं जानते क्या हमारे यहाँ रस्म है, होने वाली दुल्हन को सबसे पहले उसका दूल्हा लगाता है, और ये तुम्हारे दादा ने शुरू किया था। वीनू को तुमने हल्दी लगाई है। शिवांश ने कहा, न मैं इन रस्मों को जानता हूँ न ही मानता हूँ। वो गुस्से में पलट कर जाने लगा। तभी ध्रुव ने कहा, भूल जाना राठौर इंडस्ट्रीज को। शिवांश रुक गया, उसने पलट कर नहीं देखा, फिर अपनी गर्दन थोड़ा झुका कर स्मर्क करते हुए कहा, आपसे ज्यादा इस इंडस्ट्रीज को ऊंचा मैंने किया है डैड, बिजनेस किंग मैं हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। फिर पलट कर ध्रुव को देख अपने होठों के कोनों को मोड़ कर कहा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे आपकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में। ध्रुव ने उसे देख कर स्माइल की, बोले, वादा किया है हमने सिया और सारांश से, जिसके लिए हम तुम्हें, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी छोड़ जाऊंगा, साथ में इस घर को भी। ध्रुव के लफ्जों को सुनते हुए शिवांश की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, डैड आज बोल दिया दोबारा, ये आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए।
ध्रुव ने कहा, जो करने वाले हैं वो कहाँ है हमने, और वैसे भी वीनू जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। शिवांश ने उन्हें देख अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोला, मुझे शिवांश राठौर को लड़की नहीं मिलेगी। मेरे एक इशारे पर सीएम से लेकर पीएम तक और बॉलीवुड से हॉलीवुड से लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ध्रुव ने हल्का हंसते हुए कहा, वैसे भी वीनू के आगे तो तुम्हारा रंग भी फिंका है, वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शिवांश का खून ये सुनकर खौल गया। उसने कहा, वो मिडिल क्लास लड़की मुझसे इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर से शादी नहीं करना चाहती। उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। ध्रुव ने कहा, यही सच है, तुम शादी के लिए हाँ कहो वरना हम अपने बैग पैक्स करते हैं। ये बोल ध्रुव जाने लगे, तभी शिवांश ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, आप जानते हैं आपके बिना शिवांश राठौर कुछ नहीं है, इसे आप अपने साथ चाहिए, आपके लिए उससे शादी क्या, मैं उसकी जान भी ले लूं। ध्रुव ने उसे गले लगाकर शिवांश की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे उस जान की ही संभाल कर रखना है और उसके साथ 4-5 बच्चे पैदा करने हैं। शिवांश ने ध्रुव से कहा, शादी के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी शर्त है। ध्रुव ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, कैसी शर्त? कुछ देर बाद अनिका इधर से उधर चक्कर काटते हुए शिवांश का वेट कर रही थी। सामने से ध्रुव ने आकर कहा, रिलैक्स, निक को पैर दर्द करने लगेंगे। ध्रुव के साथ शिवांश खड़ा था, उसने येलो और व्हाइट वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। अनिका ने कहा, हाय हमारा बच्चा। आकाश ने शिवांश के पास आकर कहा, कैसा है यारा? शिवांश ने उसे हग करते हुए कहा, शिवांश राठौर का कोई कुछ कर सकता है क्या? आकाश ने कहा, व्हाट अ इगोस्टिक मैन। शिवांश ने कहा, अगर ये बात तेरी जगह किसी और ने कही होती तब अब तक उसकी जिंदगी में आफत आ चुकी होती। आकाश ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी की आफत तेरी जिंदगी में आने वाली है। शिवांश बोला, शिवांश राठौर को अच्छी अच्छी आफत हैंडल करना आता है। ये बोल अनिका की बताई जगह पर बैठ गया। उसकी हल्दी शुरू हो गई। अगले दिन सुबह से ही चहल पहल थी। ध्रुव और शिवांश ऑफिस गए थे क्योंकि मेहंदी में उनका कोई काम नहीं था। सारे पैलेस की एक बार फिर मेहंदी के रंग में सजा दिया गया था। हॉल में ही मेहंदी की इंतजाम किया था। वंश, कनक ना जाने कितने पोजेस में अपने फोटो क्लिक करा लिए थे। फोटोग्राफर तंग आ चुका था उनसे, भले ही शादी में बाहर के लोग न आ रहे हों लेकिन कमी कोई नहीं थी। तभी सिया शिविन को लेकर आई, उनके पीछे से आकाश भी आया। कनक, वंश ने सामने देखते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, हाय। शिविना ने डार्क ग्रीन वेलवेट शरारा और स्लीवलेस सूट पहना था। कानों में झुमके बालों की फ्रेंच छोटी बनाकर उसमें लगा मांग टीका दो लटे गालों को छू रही थी। अनिका ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही है बच्ची सिया, आपने नजर उतारी? सिया ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। अनिका ने अपनी आंख से काजल लेते हुए कहा, नजर न लगे मेरी बहू को। उन्होंने शिविना को बिठाया, दो मेहंदी वाली उसके मेहंदी लगाने लगी, साथ में कनक अनिका भी लगवाने लगी। सिया शिविना के पास में बैठी थी। सिया ने अपने सूने हाथों को देख सिया की आंखें नम हो गईं। सारांश को उनके हाथों पर मेहंदी बहुत पसंद थी, वो कभी छूटने नहीं देते थे। सिया के हाथों से मेहंदी साथ ही उनकी कलाई में चुड़ी। आज न हाथों पर मेहंदी थी और न कलाई में वो लाल चुड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, शिविना के माथे को चूम लिया। मेहंदी लगवाते लगवाते शिविना थक चुकी थी। कनक को भूख लगी, तब सिया उसे खाना खिलाने लगी। वंश अनिका को खिला रहा था। आकाश प्लेट लेकर शिविना के पास बैठकर बोला, भूख लगी है? शिविना ने हाँ में सिर हिलाया। तब आकाश ने उसे खिलाते हुए कहा, ये तेरी फेवरेट डिश है। आकाश ने कहा, वीनू तू खुश है ना? शिविना ने उसे देखते हुए कहा, अगर मैं न कहूँ तब? आकाश ने उसे खिलाते हुए कहा, तब मुझे भरोसा है तू आगे बहुत खुश रहेगी। शिविना ने उसे देखते हुए कहा, भाई जब मम्मा मुझे जबरदस्ती से वो सब्जी खिलाती थी जो मुझे पसंद नहीं, तब आप उन्हें ये नहीं करने देते थे, आज आप सब जानते हो। आकाश ने उसकी आंखों में आई नमी को देखकर कहा, अगर ये पापा की लास्ट विश नहीं होती तब ऐसा कोई नहीं था जो मेरी बहन को ये करने पर मजबूर करे। शिविना ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ये सच है? आकाश ने हाँ में पलके झपकाई और बोला, वैसे तो उसे थोड़ा बहुत तो जानती है न, कॉलेज में 6 महीने साथ थे। शिविना ने मुंह बनाते हुए कहा, कॉलेज उन्हें जानने के लिए नहीं गई थी। आकाश हंसते हुए खाली प्लेट लेकर चला गया।
शिवांश ऑफिस से लौटा, उसने एक नजर हॉल में डाली, उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए शिवांश लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाते हुए शिवांश की नजर दूसरे हॉल के सोफ पर पड़ी जहां कोई सो रहा था। शिवांश उस तरफ बढ़ा, आकर देखा तब सोफ पर शिविना अपने हाथ पैर फैलाई सो रही थी, क्योंकि उसके मेहंदी लगी थी। शिवांश ने उसे देखा तब उसकी नजर पास में रखे कोन्स पर गई। शिवांश के फेस पर इविल स्माइल आ गई। शिवांश एक तक अपने सामने लेटी शिविना को देख रहा था, उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने शिविना के खूबसूरत चेहरे को देखा, वो कसम सा रही थी। शिविन के चेहरे पर पड़े बाल उसे तंग कर रहे थे। शिवांश ने उसके बालों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तभी सिया की आवाज आई, वीनू कहाँ हो बच्चा? सिया आई, सामने देखते हुए उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, ये लड़की भी ना इसका कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ सो रही है। उनकी नजर शिविना के सूट पर गई, उसे सही करते हुए बोली, कपड़ों का भी कुछ ध्यान नहीं है। उन्होंने शिविना के हाथ पैरों की मेहंदी देखी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया ने शिविना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वीनू बच्चे उठो, कनक तुम्हें बुला रही है, वंश भी। वीनू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोल कहा, मम्मी और सोना है। सिया ने कहा, सोना है कि बच्ची, तेरे संगीत पर वो दोनों बच्चे डांस करके थक चुके हैं, तू नींद फरमा रही है, उठो र चलो। ये बोलते हुए उन्होंने उसे स्लिप पर दी। शिविना ने उन्हें पहना, अब उसकी मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन उसे न छुटाने की हिदायत दी गई थी। वो लोग वहां से गार्डन में आए जहां पर वंश और कनक मस्त दिल ले गई पर डांस कर रहे थे। गार्डन में बड़े बड़े डीजे लगे थे। अनिका भी उनके साथ थी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, आ जाओ सिया, आज तुम्हारी बेटी की शादी है, जम कर डांस करते हैं। सिया ने मना किया, लेकिन अनिका ने उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, आज ना नुकुर नहीं। वो दोनों वंश कनक के साथ डांस करने लगे। शिविना एक साइड खड़ी उन्हें देख रही थी। चांद की रोशनी और हल्दी के ग्लो से उसका चेहरा चमक रहा था। किसी ने उसके साइड कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तब नींद आ रही है। शिविना ने अपने साइड देखा, कनक थी। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी वहाँ थी? कनक ने कहा, अरे हम ऐसे ही हैं, पल में यहाँ और पल में वहाँ, चल तेरी नींद दूर करते हैं। ये बोल वो शिविना की आंख पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले गई। कनक ने वंश से कहा, ओए वंश चल, गाना लगा, भाभी डांस करेगी। वंश ने हाँ कहा। शिविना की तरफ आते हुए अचानक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ बाहें फैला कर बोला, भाभी आपका प्यारा देवर आपके साथ डांस करना चाहता है। कल से पता नहीं मेरा खडू सकडू घूंटे जैसे भाई मुझे आपके आसपास भटकने देंगे या नहीं, इसलिए आज आप अपने प्यारे देवर के साथ जमकर डांस कर लीजिए। उसकी बात पर शिविना के साथ वो सब हंसने लगे। अनिका ने कहा, आप मेरे बेटे को काला कह रहे हैं? वंश ने कहा, नहीं जल कुकड़ा। अब वंश के साथ शिविना भी हंसने लगी, उसके साथ देते हुए बोली, वंश इन सब के साथ दारा सिंह हर किसी पर हुकुम चलाते हैं। वंश खुश होकर बोला, इसका मतलब आप हमारी टीम में हैं। शिविना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वंश जल्दी से बोला, आज से आपको वीनू भाभी बुलाओ। शिविना ने हाँ में सिर हिलाया। कनक ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अगर देवर भाभी मिलन हो गया हो तब आ जाओ। लंदन ठुमकना स्टार्ट हुआ। वंश, अनिका और कनक ने शिविना के साथ डांस करना स्टार्ट करना शुरू किया। तू हो गई 1-2-2, ओ कुड़िये व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी, तू तुरु तुरु तुरु, पतंगा वर्गी तू एनवाई उड़ दी, ओ हो गई मुंडे दी, तू तुरु तुरु तुरु, हिला दे चल दी तुक तुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी यार, अंग्रेजी पढ़ दी, घिट पिट तू कर दी, जिम्मे क्वीन साड़ी विक्टोरिया, तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन थमकदा, ओ जद्दो नच्चे पहन दी, पूरा लंदन थमकदा, तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन थमकदा, ओ जद्दो नच्चे पहन दी, पूरा लंदन थमकदा, हाय हाय हाय, आहा आहा आहा, लाथे दी चादर उठे हनीमून कर माहिया, आवो सामने तेरा की साइज है वे डस माहिया, मलमल दा कुर्दा दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया, तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया, ओ सियापा ओए होए होए डेथ ही हो गई, लाउड स्पीकर ते मैडोना बजदी, ओ लईके वर्जीन एथे उथे कहंदी, अरे फेल कर दे कबूतर बंदी, ओ नेम्मा फिर दी गुटर गू कर दी, गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी, राखी दी साव के आग, सानू दे लगता 100 साल तो चंगी,
जगह कोई नहीं है, बढ़िया। कनक और वन शिवीना को बीच में ले मस्त डांस कर रहे थे। तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन थुमकदा। ओ जद्दो नचे पहन दी, पूरा लंदन थुमकदा। तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन थुमकदा। सर पे गिलासी रख लंदन थुमकदा। पंजाबी स्टाइल विच लंदन थुमकदा। लस्सी दा गिलास विच लंदन थुमकदा। थुमकदा थुमकदा लंदन थुमकदा। थुमकदा थुमकदा ओए वाह जीवा। तुनकदा तुनकदा तुम्बा तुनकदा। तुनकदा तू नकदा। शिवीना को हंसते हुए देख कर सिया ने कहा, सारांश आपका फैसला सही था। हमारी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेंगी। उससे दूर रहकर अब मैं कैसे रहूंगी। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई। वहीं टेरेस पर हल्की लाइटिंग में शिवांश, आकाश और उनके साथ उनका दोस्त में। शिवांश टेरेस पर खड़ा गार्डन में देख रहा था। उसके पीछे मेघ ने आते हुए कहा, तब तुझे वो मिल गई जो तेरे लिए इस धरती पर आई है। शिवांश ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो शिवांश राठौर के लिए बना हो, लेकिन इसे डैड ने मेरे लिए बना दिया है। मेघ ने ड्रिंक का सिप लेकर कहा, शिवांश राठौर के लिए नहीं, शिवांश के लिए यही बनी है। वैसे आज भी उतनी ही खूबसूरत है। शिवांश ने उसे घूर कर देखा, तब मेघ ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है, भाभी की तारीफ भी नहीं कर सकता, अपने भाई को देख रहा है, कितना मस्त होकर डांस कर रहा है। शिवांश ने एक बार में ग्लास होठों से लगा खाली कर शिवीना को देखा, जो मुस्कुराते हुए सबके साथ डांस कर रही थी। मेघ ने पलट कर टेबल पर सिर रखे बड़बड़ा रहे आकाश को देख कर बोला, इसे दो पेग में ही चढ़ गई। शिवांश ने इस बार अपने ग्लास को फिल करते हुए कहा, उससे हैंडल नहीं होती है। मेघ ने उसे घूरते हुए कहा, ये तेरी दूसरी बॉटल है, तुझसे कुछ ज्यादा हैंडल होती है। शिवांश एक बार फिर उसी जगह आकर खड़ा हो गया। मेघ ने कुछ देर देखा फिर बोला, शिवांश उस बात को भूल जा, पुरानी बात है। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए, उसने हल्के गुस्से में कहा, शिवांश राठौर कुछ भूलता नहीं है, हर चीज का हिसाब लेता है, अगर वो मेरी होगी तब सिर्फ मेरी होगी। मेघ ने उसे देखते हुए कहा, हमें पूरी बात नहीं पता है। शिवांश ने अपना ग्लास फेंकते हुए कहा, ये पता है, मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों के पास आने के लिए क्या क्या करती हैं। मेघ ने कहा, मुझे नहीं लगता वो ऐसी है। शिवांश गुस्से में बोला, आकाश को लेकर नीचे जाओ। मेघ ने कहा, बट। शिवांश ने गुस्से में कहा, आई सेड गो। मेघ ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, ओके माय एंग्री मैन। ये बोलते हुए वो चला गया। शिवांश ने नीचे देखा तब वो सभी जा चुके थे। वो वही खड़ा रहा। कुछ पल बाद किसी के आने की आहट हुई। शिवीना आकर टेरेस पर खड़ी हो गई। वो वर्षा से बात कर रही थी। शिवीना ने मुंह बनाते हुए कहा, यार वर्षु तूने बोला था वो गब्बर मना कर देगा शादी को, लेकिन उसने तो हल्दी लगवा ली, कल शादी है। वर्षा ने कहा, तब टेंशन क्यों ले रही है, बंदा रिच के साथ हैंडसम भी है। शिवांगी ने चिढ़ते हुए कहा, वर्षा तू चुप रहा, हैंडसम उनसे हैंडसम तो वॉचमैन अंकल है, और रिच पैसा उनका नहीं, उनके पापा का है। वैसे भी उस गब्बर से मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब करनी है। वर्षा ने कहा, ऐसा ना बोल, तुझे पता नहीं है कॉलेज में कैसे लड़कियां पागल थी उनके पीछे, हाय मर जावा, उनकी एक नजर की दीवानी रहती है, वो तेरे पास है, तू उन्हें चाहे हाथ करे या किस करे। शिवीना ने कहा, छी वर्षु तू कितनी गंदी है, उनसे अच्छा मैं कद्दू को किस कर लूं, तू कितना गंदा सोचती है, मुझे कॉलेज का कोई याद भी नहीं है, मुझे ये याद भी नहीं है वो कैसे दिखते थे। वो अपनी मस्ती में मस्त बात कर रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी बातें सुनकर गुस्से में उबल रहा था। शिवांश ने अपने सामने खड़ी शिवीना को देखकर कहा, हाँ मुझे किस क्यों करोगी, तुम्हारे पास कम है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। शिवीना वर्षा की किसी बात पर हंस रही थी, अचानक से उसके हंसी गायब होकर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि किसी की गर्म सांसें उसे अपने गले पर महसूस हो रही थी। साबी अब आगे, शिवीना ने पलटना चाहा, अगले ही पल किसी ने उसकी कमर पर हाथ रख लिए। इस छुअन के महसूस होते ही शिवीना की सांसें रुक गई, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, आ, आ। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, शायद वो जानती थी ये कौन है। उसके ठंडे होठों को अपने गले पर महसूस कर शिवीना ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, छोड़े मुझे कौन है। शिवांश शिवीना को देख रहा था, उसके चेहरे पर घबराहट देखकर शिवांश ने शिवीना के झुमके को छूते हुए कहा, तुझे हर पल देखने की ख्वाहिश थी, अब तेरा चेहरा न देखने की ख्वाहिश है।
शिविना को समझ नहीं आया, उसने कहा, कौन है? वो पलटी तब कोई नहीं था, बस उसका झुमका तेज तेज हिलते हुए बार बार उसकी गर्दन को छू रहा था। उसमें शामिल घुंघरू आवाज कर रहे थे। वो घबराकर नीचे भाग गई। शिविना की पायलों का शोर कर रहा था। शिविना के जाने के बाद शिवांश बोला, मिस शिविना, आपके साथ रहने में मजा आने वाला है। उसने अपने बालों में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। शिविना भागते हुए नीचे आई, सीधे अपने रूम में आ गई। उसे ऐसे भागते हुए देख कर सिया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ वीनू, भाग क्यों रही हो? वीनू ने हांफते हुए कहा, मम्मी ओ वो ओ पर। सिया ने परेशान हो वीनू की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ समझ आ नहीं आ रहा है। वीनू ने जब सिया के चेहरे पर परेशानी देखी तब न में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं टेरेस पर गई थी और वहां अंधेरा था बस। सिया ने वीनू को डांटते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें, हल्दी हो गई है तुम्हारी, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, लेकिन तुम सुनो तब ना। सिया की डांट सुनकर वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, बस मम्मी, भूत नहीं था, छत पर अंधेरा था, आप जानती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। सिया ने कहा, डर नहीं लगता तुम्हें, निक्टोफोबिया है, तब ध्यान रखा करो। वीनू ने उसे साइड से हाक करते हुए कहा, तब आप है ना मेरे अंधेरे की रोशनी। सिया ने कहा, अब हर टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने पति के साथ रहना है, अब उसका ही खून पीना। वीनू ने कहा, वो खुद भूत है। तभी वो तेज से बोली, मम्मी। सिया ने कहा, अब क्या हुआ? वीनू ने अपनी कुर्ती ऊपर करते हुए कहा, इचिंग हो रही है। सिया ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, अपनी मेहंदी खराब कर लोगी। उन्होंने वीनू की कुर्ती उठाकर देखा, तब वहां मेहंदी से टैटो डिजाइन बना हुआ था। सिया ने एक बार वीनू का चेहरा देखा, फिर उसके सिर पर मार बोली, बेवकूफ, पागल लड़की बोल रही है, शादी नहीं करनी, फिर ये क्या है? वीनू ने चीड़ कर देखते हुए कहा, मम्मी सिर पर मारा ना करो। ये बोल उसने मिरर में अपनी कमर को देख आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये कैसे हुआ? नीचे सारे लोग थे। ध्रुव ने कहा, शिवांश, अब से आप बाहर नहीं जाएंगे। शिवांश ने उन्हें अपनी आंखें छोटी करते हुए देख कर कहा, मतलब क्यों नहीं? अनिका ने समझाते हुए कहा, बेटू कल ही तो शादी है, आज की बात है केवल। तभी ध्रुव ने वंश की चॉकलेट छीनते हुए कहा, यही खाना है या जो बोला था किया? भाई की शादी है तुम्हारे? वंश ने मुंह बनाकर ध्रुव की देखा, फिर सीढ़ियों से आती वीनू को देख कर बोला, मेरी प्यारी भाभी ही है जो अपने प्यारे देवर से प्यार करती है, वरना सब ने मुझे कुली बना दिया है। ध्रुव ने कहा, जो पूछा है वो बताओ। वंश ने कहा, कूल डैड, मेरे क्लोथ्स का इंतजाम हो गया, सबसे हैंडसम मैं ही लगूंगा। ध्रुव ने वंश को घूरा, तभी कनक ने वंश के सिर पर मारते हुए कहा, घोचू काम हो गया, ये पूछ रहे हैं? सीढ़ियों पर खड़ी वीनू ये देख रही थी, उसने कहा, सिर पर न मारा करो। ये सुन वंश खुश हो गया, लेकिन शिवांश की भौहें तन गई। वंश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, मैं क्या कामचोर दिखता हूँ, सारा काम हो गया, डेकोरेशन, मंडप और फोटोग्राफर के साथ सब सेट हो गया, शादी से लेकर सुहागरात तक की वीडियो अच्छे से बनाएगा। वंश के ये बोलने पर शिवांश को खांसी आ गई। अनिका ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे और कनक इधर उधर। एकदम शांति हो जाने के बाद वंश ने सबको देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब शांत क्यों हो गए? मैंने कुछ कम कर दिया, अगले दिन की भी बनवानी थी क्या? ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने ये बोला उसे? वंश ने खुश होते हुए कहा, हाँ मैंने यही बोला था, वो बेचारा डर गया, कह रहा था तुम्हारे भाई मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मैंने भी उससे कह दिया, मेरे भाई जल्लाद है, लेकिन मैं हूँ न तुम्हें बचाने के लिए। ये बोलते हुए उसने अपना कॉलर खड़ा किया। तभी अनिका ने कहा, नहीं बेटा सु, हाँ रात मतलब वेडिंग नाइट की वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। वंश ने घूरते हुए कहा, क्यों जरूरत नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सारी रश्मों की बनी है या नहीं, इसकी भी बनेगी। फिर वंश ने वीनू को देखते हुए कहा, भाभी आपको कोई प्रॉब्लम है? वीनू ने न में सिर हिला दिया। वंश ने खुश होकर कहा, देखो भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शिवांश ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों इडियट हो। फिर ध्रुव को देखकर बोला, आपसे कहा था इस गधे को कुछ बाहर की दुनिया दिखाओ। ये बोल वो वहां से चला गया। वीनू अपनी आंखें छोटी छोटी कर शिवांश की पीठ को घूरने लगी। अब तक उसने शिवांश का चेहरा नहीं देखा था। वंश मुंह बनाए बोला, जल्लाद,
वहाँ से चला गया कनक, वीनू और सिया भी चली गई। ध्रुव ने अनिका को देखा, अनिका ने ध्रुव को, फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। नेक्स्ट डे सुबह से शाम तैयारियों में बीत गई। पहले वीनू मंदिर होकर आई, अब ब्यूटीशियन उसे रेडी कर रही थी। वहीं शिवांश रूम में, शिवांश रेडी बैठा था, मैं, आकाश और कनक उसके साथ थे। मेघ ने पगड़ी देखते हुए कहा, वैसे ये पगड़ी बहनों ही पहनाता है, लेकिन हमारी छोटी तो अभी अनमैरिड है, मुझे ये संभालना नहीं आता। शिवांश ने कहा, आकाश तुम ये करो। आकाश ने झट से शिवांश को देखा, तब शिवांश ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है, एक काम ही करने को बोला है। आकाश ने कहा, पर मैं कैसे? उसे देखते हुए शिवांश ने कहा, हाथों से। तो लकी है तुझे, शिवांश राठौर के लिए कुछ करने को मिल रहा है। ये बोल वो सीधा बैठ गया। आकाश ने उसके सिर पर पगड़ी बांधते हुए कहा, कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, पता नहीं मेरी बहन कैसे झेलेगी। कुछ देर बाद मंडप में वर पूजा हो चुकी थी। अनिका सिया शिविना को लेने गए थे। सामने से आती हुई शिविना को देखकर ध्रुव ने कहा, मेरी प्रिंसेस आज क्वीन बनने वाली है। मेघ जो शिवांश के पीछे खड़ा था, उसने मुंह खोले कहा, ब्यूटीफुल। उसके मुंह से ये सुनकर शिवांश ने शिविना को देखा, एक तक उसे देखने लगा। शिविना अपनी पलके झुकाए अनिका और सिया का हाथ पकड़े आ रही थी। वो सच में आज परी लग रही थी। उसने मैरून हैवी लहंगा पहना था जिस पर गोल्ड वर्क किया गया, सिर पर नेट का दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर डायमंड स्टोन्स थे। दुपट्टा उसके चेहरे को ढक रहा था, लेकिन सिर्फ उसके ललाट तक। नेट के दुपट्टे की वजह से वीनू का चेहरा दिख रहा था। काजल से सनी आंखें और नाक में नथ जो उसके सुर्ख रंगे होठों के पास हिलते हुए वीनू के हर्ट शेप लिप्स की खूबसूरती को बढ़ा रही था। गले में हैवी हार, हाथों में मैरून भरी भरी चूड़ियां। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, उसकी कमर पर बंधे कमरबंद के घुंघरू शोर कर रहे थे। शिवांश की नजर वीनू पर ठहरी थी। पलके झपकाना भूल गया वो अपनी दुल्हन को देखकर। उसकी नजर वीनू के कमर पर बने उस मेहंदी टैटू पर गई। शिवांश के होठों पर इविल स्माइल आ गई। आखिर ये उसने ही तो किया था, एक मोर पंख के साथ अपना नाम शिविना की कमर पर लिखा। शिवांश ने एक बार फिर वीनू के चेहरे को देखा, उसकी नजर वीनू के लिप्स पर टिक गई। तभी मैग ने शिवांश के कान के पास आकर कहा, आज भी तुम्हें उसके लिप्स अट्रैक्ट करते हैं साबी। अब आगे शिवांश ने मेघ की तरफ देख उसे अपनी कैट आई से घूरने लगा। मेघ ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, बस मजाक ही तो था। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, सामने हवन में जल रही आग को देखने लगा। ये सच था, वो जब भी वीनू को देखता था उसके लिप्स उसे अट्रैक्ट करते। आकाश ने वीनू का हाथ पकड़ा, उसे मंडप में लाकर शिवांश के हाथ में उसका हाथ देते हुए बोला, ख्याल रखना मेरी जान का, इसे किसी को सौंपना आसान नहीं है मेरे लिए। शिवांश ने वीनू का हाथ अपने हाथ में ले उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहा, शिवांश राठौर एक बार कोई जिम्मेदारी लेता है तब उससे पीछे नहीं हटता। ये बोलते वक्त उसकी आवाज भारी, लहजे में एक दृढ़ता थी। वीनू उसे देखने लगी, बस उसे ही देखती रह गई। गोल्डन और ऑफ व्हाइट शेरवानी में वो किसी ग्रीक गॉड की तरह दिख रहा था। उसके सिर पर वो पगड़ी और उसमें लगा रूबी ब्रोच, शिवांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जिससे ये पता लगाना मुश्किल था वो खुश है या दुखी। वीनू अभी भी बिना पलके झपकाए शिवांश को देख रही थी। तभी शिवांश ने धीमे से कहा, आई नो आई एम हैंडसम, अच्छा होगा अपनी शादी पर ध्यान दो। वीनू ने मुंह बनाकर उसे देखने लगी, फिर खुद से बोली, इनसे हैंडसम टू चौकीदार अंकल है। लेकिन फिर उसे अपनी ही सोच पर डाउट हो रहा था। पंडित जी के बोलने पर वीनू और शिवांश ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर कुछ मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाएं। अपने पापा का जिक्र सुनते ही वीनू सिर उठाकर अपने मम्मी और आकाश को अपनी नम आंखों से देखने लगी। वीनू ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाए हुए थी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार ध्रुव को देखा, ध्रुव लाचारी से उसे देख रहे थे। वीनू की आंखों में उनके लिए बेहद गुस्सा नफरत थी। सिया ने आकर वीनू का कन्यादान किया, अपने आंखों में आए आंसू साफ कर वीनू के माथे को चूम लिया। फिर कनक ने उन दोनों का गठबंधन किया। पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाएं। वो फेरे लिए लगे, सारे लोग उन पर फूल वर्षा रहे थे। जब शिविना शिवांश के आगे चली तब वो रुक गई। ये देखते हुए सिया की धड़कने तेज हो गई, कहीं वो अब मना न कर दे शादी को। रुक शिविना के दिल में न जाने क्या आया, उसने पलट कर शिवांश को देखा, उसका हाथ पकड़ कर चलने लगी। ये देख ध्रुव के साथ सबके चेहरे पर स्माइल आ गई।
फेरों के बाद पंडित जी ने चांदी की सजी थाल को आगे करते हुए कहा, वधु को मंगलसूत्र पहनाए। शिवांश ने मंगलसूत्र उठाकर शिविना के करीब जा उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। एक पल को उन दोनों की नजरें मिली और वो एक दूसरे को देखने लगे। मेघ ने कहा, बस तेरी ही होने वाली है, अच्छे से देखना, अभी शादी कंप्लीट करो। मेघ की आवाज से शिवांश का ध्यान टूटा, वो पीछे हो गया। पंडित जी ने कहा, वधु की मांग में सिंदूर भरिए। शिवांश ने एक हाथ से वीनू का मांग टीका उठाया और चांदी के सिक्के से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। वीनू एक तक शिवांश को देख रही थी। वीनू अपनी नाक को छू मुंह बनाकर बोली, मेरी नाक लाल कर दी। उसकी इस हरकत पर सब हंसने लगे। सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया था। शिवांश को इस वक्त हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने वीनू के सामने रोका हुआ था। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। वो दोनों खड़े हुए और मंडप से नीचे आए। सबसे पहले उन्होंने सिया से आशीर्वाद लिया, फिर अनिका से और ध्रुव के पास आए। शिवांश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, आप खुश हैं ना, घर छोड़ने का भूत उतर गया होगा। ध्रुव ने कहा, पहले आशीर्वाद ले फिर कुछ बताते हैं। शिवांश न में सिर हिलाते हुए झुका, लेकिन उसने देखा वीनू अभी भी वैसे ही खड़ी थी। शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे खींचा। वीनू के हाथ को पकड़े हुए ही ध्रुव के पैरों को छू लिया। ध्रुव या किसी ने शिवांश की इस हरकत को नहीं देखा। ध्रुव वीनू को आशीर्वाद लेते हुए देख खुश हो गए। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। शिवांश ने टाइटली वीनू का हाथ पकड़ा हुआ था। वीनू ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तभी वंश ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, अरे भाई, अभी भाभी को छोड़ दो ना, उन्हें अपने प्यारे देवर भाई से मिलना है। शिवांश ने वीनू का हाथ छोड़ दिया। वंश झट से वीनू को हक कर झूमते हुए कहा, भाभी भाभी भाभी, फाइनली आप मेरी भाभी बन गई, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों की टीम स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप मेरे साथ आओ। ये बोल वो वीनू को अपने साथ खींचने लगा। शिवांश वही रहा। तभी उनका गठबंधन खींचने की वजह से खुलने लगा। ये देख सब घबरा गए, लेकिन वीनू ने जल्दी से अपने गठबंधन को पकड़ लिया, साथ ही शिवांश ने भी। सिया ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। शिवांश ने वो अपने गले से निकाल कर शिवीना को थमाते हुए कहा, संभालो। ये बोल वो अपना फोन लेकर चला गया। सिया वीनू के पास आकर बोली, बच्चा ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है तुम्हें। अनिका ने दूसरी साइड से आते हुए कहा, आज से आपकी बेटी हमारी बहू हुई। ये सुनते ही वीनू की आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। वो अपनी मम्मी को देखने लगी। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, आज से मेरी राजकुमारी तुम्हारे घर की रानी बन गई। मेरी छोटी सी गुस्सौल और नासमझ बच्ची से कोई गलती हो जाए तब उसे माफ कर देना। ये बोलते हुए सिया ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसके ये करते ही ध्रुव ने कहा, तुम भूल रही हो सिया, वो मेरी कौन है। यहाँ वो वैसे ही रहेंगी जैसे तुम्हारे घर में रहती थी। सिया ने अपने आंखों के आंसुओं को आंखों में ही रोकते हुए कहा, मेरी बच्ची को रिश्तों की समझ नहीं है, उसे समझना। और इसके आगे बोलते हुए उनका गला रुंध गया। वीनू सिसकियां लेते हुए रोने लगी थी और उसे रोते हुए देख कर वंश की आंखों में भी आंसू थे। अनिका को देखते हुए सिया ने कहा, अन्नू मुझे वीनू से बात करनी है। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमें भी तो अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करनी है। ये बोल वो कनक और वंश को लेकर अंदर चली गई। मेघ और ध्रुव भी वहां से चले गए। सिया ने वीनू का चेहरा अपने हाथों में ले उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी का वक्त भी आ गया, मम्मी को पता ही नहीं चला। वीनू ने रोते हुए कहा, आपने ही की है। सिया ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मा मैंने की है, तब अब मेरी छोटी सी वीनू के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसे इस घर के हर रिश्ते को खुशी से अपनाना है, अपने पति के साथ सबका ख्याल रखना है। वीनू की आंखों से लंबे लंबे आंसू बह रहे थे। आकाश पास में ही खड़ा था। सिया ने वीनू के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तेरे पापा हमेशा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को उसकी विदाई में रोने नहीं दूंगा, तू इतना रो रही है। देख अपने रिश्ते को खूबसूरती बनाना, उसे जीना, रिश्ता निभाने में और खूबसूरती से उन पलों को खुशी खुशी जीने में बहुत अंतर है। मैं नहीं चाहती तुम इस रिश्ते को एक बोझ समझो, निभाओगी ना अपने रिश्ते को अच्छे से, एक अच्छी पत्नी और बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी।
सिया ने अपने आंसू साफ किए। वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, प्रॉमिस। आकाश ने वीनू के माथे को चूम कर कहा, मेरी गुड़िया तू बहुत लकी है। वो लोग भी जिनके घर मेरी गुड़िया जा रही है, अपना ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तब अपने भाई को याद करना, मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। वीनू ने उसे हक कर कहा, आप कहते थे आप मेरी शादी पर नहीं रोओगे, अब क्यों रो रहे हो? आकाश ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो खुशी के आंसू है ना। तभी सिया ने उसकी तरफ देख उसे कुछ इशारा किया, आकाश वहां से चला गया। सिया ने कहा, बेटा अब तुम्हें शिवांश के साथ रहना है, उसके रूम में उससे लड़ना मत। वीनू ने कहा, मैं उन गब्बर के साथ नहीं रहूंगी। सिया ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, बेटा वो गब्बर तुम्हारा पति है, अब उसके साथ ही उसके करीब रहना है। अगर वो तुम्हारे करीब आए तब डरना मत, मना मत करना, आज तुम्हारे जिंदगी का खास दिन है। वो करीब आएगा तब थोड़ा दर्द होगा। अच्छा, सिया ने वीनू की आंखों को देखा जो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था। सिया ने कहा, मम्मी को जाना है ना? ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। आकाश में आते हुए कहा, चले मम्मा अब हमारी गुड़िया की विदाई का टाइम आ गया। वीनू ने टाइटली सिया का हाथ पकड़ नमे सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी नहीं जाएगी, अगर मम्मी जाएगी तब वीनू भी मम्मी के साथ जाएगी। वीनू बहुत रो रही थी क्योंकि सारांश के जाने के बाद आज तक वो दो दिन के लिए भी सिया से दूर नहीं गई। उसे रोते हुए हिचकियां बंधने लगी थी। ध्रुव ने सिया को रुकने को कहा, लेकिन सिया ने कहा, पहले ही दिन वो बेटी की ससुराल नहीं रुक सकती है। वीनू ने अपना चेहरा और आंखें रोते हुए लाल कर लिया। उसे सिया को संभालना मुश्किल ही रहा था। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी नहीं जाओ ना। तभी किसी ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया और वीनू उसके सीने से जा लगी। साबी, अब आगे। वीनू ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर देखा तब उसके सामने उसका नया नया पति खड़ा था जो उसे अपनी कैट आईज से घूरे जा रहा था। वीनू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे मम्मी। शिवांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, बस एक बार और मम्मी नहीं, देख रही हो ना उनकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, फिर भी उन्हें रुला रही हो। वीनू उसे घूरने लगी। तभी शिवांश ने आकाश को देखते हुए कहा, आंटी को गेस्ट रूम में लेकर जाओ या अपने घर। आकाश ने कहा, नहीं हम घर ही जाएंगे, तू संभाल लेगा वीनू को। शिवांश ने आकाश को घूरा तब वो जल्दी से बोला, मम्मी वो संभाल लेगा, हम चलते हैं। सिया ने वीनू को देख स्माइल कर कहा, अपना ध्यान रखना। वीनू ने रोते हुए कहा, भाई मुझे गब्बर के साथ छोड़ कर मत जाओ। मेघ ये सुनकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, आखिर उससे नहीं हुआ तब वो वहां से चला गया। वंश ने अपने आंसू साफ करते हुए विजय से, ध्रुव का असिस्टेंट, बोला, अंकल एक बोट ले आइए और मेरे लिए स्विम सूट। सब उसे देखने लगे। तभी वंश ने कहा, जब सब इतना रोएंगे तब बाढ़ आ जाएगी, हमें बोट की जरूरत पड़ेगी। अनिका ने कहा, चलो गृह प्रवेश का टाइम हो गया है। कुछ देर में वो लोग दरवाजे पर खड़े थे। अनिका ने हल्दी की छाप वीनू से लगवाई। फिर अनिका ने चावल के कलश को देखते हुए कहा, बेटा दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। वीनू ने वैसे ही किया। आलते की थाल में पैर रख वीनू सफेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आई। शिवांश उसके साथ ही आ रहा था। वो दोनों घर के बने सुंदर से मंदिर में आए। फिर कुछ रस्मों के बाद अनिका वीनू को अपने साथ ले गई। शिवांश वहां से छत पर आ गया। उसने देखा यहाँ मेघ बैठ मजे से ड्रिंक कर रहा है। शिवांश मेघ को देख उसके पास आ गया। मेघ ने उसे देख बोला, भाई मुझे गब्बर के साथ छोड़कर मत जाओ। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर शिवांश ने उसके गले में हाथ डालकर दबाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है। मेघ अभी भी हंस रहा था। फिर उन दोनों ने कुछ देर बैठ कर ड्रिंक की, अपने अपने रूम की तरफ आ गए। शिवांश अपने रूम के पास आया तब वंश कनक खड़े थे। उन्हें वहां देख शिवांश ने कहा, मेरे रूम में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम चौकीदारी करो। वंश ने कहा, अंदर कुछ खास है जिससे हमें कुछ खास मिलने वाला है। शिवांश बोला, हटो मुझे जाने दो। कनक ने कहा, जाना है तब हमारा नेक देकर जाइए वरना भाभी के दर्शन नहीं होंगे। शिवांश ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या चाहिए? कनक ने कहा, मॉरिशस ट्रिप। वंश बोला, आपकी न्यू काकी की? शिवांश ने कहा, मैं मेघ के रूम में सो जाऊंगा। वंश ने कहा, मेघ भाई के साथ सुहागरात मनाओगे? शिवांश ने उसे घूर कर कहा,
तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, अब कल से देखते हैं। कनक बोली, भाई आपको इसी रूम में जाना है और नेक देकर जाना है। शिवांश ने कनक को देख बोला, राहुल को बोलो और तुम्हें तो पता है। वंश ने खुश हो अपने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ। वो दोनों वहाँ से उसे लूट कर खुशी खुशी चले गए। शिवांश ने गेट खोल अंदर आया, उसका रूम फ्रेश फूलों की खुशबू से महक आ रही थी। उसने देखा हर तरफ रोज पेटल से डेकोरेशन थी, सेंटेड कैंडल से आती भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बेड के ऊपर रेड हार्ट, उसके आसपास से निकलते हल्की फेरी लिक्स, बेड के चारों ओर व्हाइट सर्जन के साथ बुके थे। सामने एक छोटे डेकोरेटेड टेबल पर रेड वाइन और आइस टब रखा था। वही बेड पर वीनू घूंघट में बैठी थी जो उसके ललाट तक था। वीनू के सिर्फ सुर्ख होंठ दिख रहे थे, उसके हाथों की मेहंदी उन्हें और खूबसूरत दिखा रही थी। बेड की हल्की लाइट्स और कैंडल्स की रोशनी रूम को रोमांटिक और ब्यूटीफुल दिखा रही थी। शिवांश खोए हुए ही वीनू की तरफ बढ़ने लगा। वो वीनू के पास आकर खड़ा हुआ, वीनू के चेहरे से घूंघट हटाया। वीनू के चेहरे को देखकर उसने साइड टेबल पर देखा जहां दूध का ग्लास खाली रखा था। इसका मतलब वो दूध खुद पी गई थी, क्योंकि उसके होठों के ऊपर अभी निशान बने थे। शिवांश के होठों पर स्माइल आ गई। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, अब मैं सो जाऊं। शिवांश ने उसे देखा, वो थकी हुई और आंखें लाल थी। वीनू ने उसे ऐसे खुद को देखते हुए पाया तब बोली, वो आंटी ने कहा था कि जब तक आप नहीं आते मैं सो नहीं सकती। शिवांश उसके भोले और मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर उसने खुद से कहा, नहीं ये इतनी मासूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, जाओ जाकर सोफ पर सो जाओ। ये सुनकर वीनू उसे घूरने लगी। उसने कहा, मैं क्यों सोफ पर सोऊं, मुझे बेड पर ही नींद आती है। शिवांश ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ये मेरा बेड है इसलिए इस पर मैं सो सकता हूँ, तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। वीनू भी अपने घुटनों पर खड़े होते हुए बोली, क्यों आंटी ने कहा, आज से ये मेरा कमरा भी है, तब मैं बेड पर सो सकती हूँ, आप सोफे पर जाकर सो जाओ। शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने वीनू को आर्म से पकड़ते हुए कहा, ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, तुम मेरी चीजें नहीं ले सकती है। शिवीना को अनिका ने समझाया था, तब उसने वो याद करते हुए कहा, आपसे शादी हुई है, मेरी मेघ भैया के साथ फेरे नहीं लिए मैंने, आप बेड पर सो सकते हैं, तब मैं भी। उसे अपने हाथ में दर्द हुआ, उसने शिवांश से खुद को छुड़ाते हुए अपने हाथ पर बने लाल निशान को देखते हुए कहा, आपने मारा मुझे। शिवांश ने कहा, मैंने कब। वो पूरी बात बोल नहीं पाया था कि शिविन ने एक पिलो उसके मारा और गुस्से में नाक फुलाते हुए उसे देखने लगी। शिवांश ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा, तुमने शिवांश राठौर को मारा। शिवीना ने उसे अपनी जीभ दिखाते हुए कहा, हाँ तब। शिवांश ने एक पिल्लो उठाकर मारा बोला, तब ये। वीनू ने कहा, वीनू आफत उससे कोई नहीं बचता, ये बोल सारे कुसन उठा उठा कर शिवांश को मारने लगी। शिवांश भी कहा पीछे रहने वाला था, वो भी उठा उठा कर कुशंस मार रहा था। शिवांश वीनू के साथ उसके जैसा ही हो गया था, जो बिना वजह किसी से बात भी नहीं करता। वो वीनू से अपनी फर्स्ट नाइट पर बुरी तरह निकल गया था, पिलो के अंदर के रोए निकल कर वहाँ फैल गए थे। लेकिन शिवांश और वीनू रुक नहीं रहे थे, अचानक से वीनू जोर से चीखी, आ। शिवांश ने रुक कर इसे देखा और अपने हाथ का कुशन पीछे खींचना चाहा, तभी वीनू ने उसे टाइटली अपने कान के पास करते हुए कहा, मम्मी दर्द हो रहा है। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर दर्द वाले भाव देखे तब बोला, क्या हुआ है। वीनू ने कहा, आपकी वजह से हुआ है, झुमका फंस गया, दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वीनू की आंखों में आंसू आ गए। ये देख शिवांश ने कहा, मैं देखता हूँ। ये बोलकर उसने आराम से वीनू के कान से झुमका निकाल दिया और ये करते हुए वो वीनू के बहुत करीब आ गया। वीनू की तो धड़कने तेज हो गई, उसने अपने कदम पीछे लेने चाहे, लेकिन शिवांश ने उसे अपने करीब करते हुए उसके दूसरे कान का भी झुमका निकाल दिया। वीनू ने अपनी कांपती आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। शिवांश ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ ले जाते हुए उसके बालों को खोल दिया। शिवांश की नजर अपनी बाहों के घेरे में खड़ी वीनू पर थी, जो उसे अपनी हरी आंखों से देख रही। शिवांश की नजर वीनू के खूबसूरत चेहरे से होते हुए थरथराते हुए होठों पर ठहर गई। वीनू के हार्ट शेप को उसे हमेशा ही अट्रैक्ट करते थे। शिवांश की पकड़ शिविना की कमर पर कश गई। उसने वीनू को थोड़ा झुकाते हुए उसके सुर्ख होठों पर अपने होंठ रख दिए। इस एहसास को महसूस कर वीनू अपनी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं।
एक झुरझुरी के साथ वीनू के शरीर में कंपन होने लगा। लेकिन शिवांश तो उसमें खो चुका था। वो डीपली वीनू को किस कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ वीनू की पीठ तक आ गए। ध्रुव और अनिका, शिवांश और वीनू के रूम के बाहर खड़े थे। हालांकि यहां सारे रूम के डोर साउंड प्रूफ थे, लेकिन अभी शिवांश के रूम का डोर हल्का खुला हुआ था। उन्हें अंदर से जैसे किसी के लड़ने की आवाजें आ रही थी। अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव, जिन हालात में इनकी शादी हुई है, ये एक दूसरे को पीटते न हो, लड़ तो नहीं रहे। ध्रुव ने उनकी कमर पर चुटी काटते हुए कहा, क्या पता हमारा वाला लड़ते हो। अनिका ने उनके शोल्डर पर मार कर कहा, आपको हर वक्त यही सोचता है। फिर वो खिड़की के पास आई और अंदर झांका। अंदर देखते हुए उनकी आंखें हैरानी से बड़ी ही गई। सभी अब आगे। अनिका ने ध्रुव की नजरों का पीछा करते हुए अंदर देखा तो उनके गाल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि अंदर शिवांश और वीनू एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर अनिका ने पीछे हटते हुए कहा, आज सुबह तक तो इन दोनों को शादी नहीं करनी थी, और जरा अब देखो क्या कर रहे हैं। ध्रुव ने अनिका के सुर्ख गालों को छूते हुए शरारत से बोले, आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है अन्नो। अनिका ने ध्रुव को घूर कर देखा। उन्होंने ध्रुव के हाथ को हटाते हुए कहा, चलिए यहाँ से, शोभा देता है क्या आपको। अपने ही बेटे की वेडिंग नाइट के दिन उसके रूम के बाहर खड़े हैं। ये बोल वो ध्रुव को छोड़ आगे आगे चलने लगी। ध्रुव ने आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो हम अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये बोल ध्रुव ने अनिका को आई विंक की। अनिका ने ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहा, शादी चाहे किसी की हो, आपको यही सूझता है ध्रुव, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आपकी डाल नहीं गलने वाली। ध्रुव ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ये भी देख लेते हैं। वो लोग अपने रूम में चले गए। शिवांश के रूम में। शिवांश वीनू को डीपली किस कर रहा था। वीनू सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने शिवांश को कंधे से पुश किया। तब शिवांश को महसूस हुआ कि वीनू को प्रॉब्लम हो रही है। शिवांश वीनू के लोअर लिप को बाइट कर वीनू के होंठों से दूर हो गया। वीनू ने खुद को शिवांश पर ढीला छोड़ दिया। अपना मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सांसें तो शिवांश की भी तेज थी। शिवांश की आंखें वीनू के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। उसने वीनू को देख कहा, क्या हुआ। वीनू ने शिवांश को देखा, फिर अपने लिप्स को छुआ। उसे दर्द हुआ। तब वीनू ने गुस्से में शिवांश को देखते हुए कहा, आपने किस क्यों किया। उसे ऐसे गुस्से में देख एक सीन शिवांश की आंखों के सामने घूम गया। शिवांश ने वीनू को देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसे आगे बढ़ने से वीनू पीछे हटने लगी, दीवार से आ लगी। अब पीछे जाने की जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शिवांश को देख कहा, क्या कर रहे हैं आप। वीनू को शिवांश के चेहरे पर आए डार्क एक्सप्रेशन से डर लग रहा था। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे कर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। शिवांश के मुंह से सुन वीनू के गाल गुलाबी हो गए। शिवांश को जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वीनू सोच रही थी कि कैसे वो ऐसी बातें कर सकता है। वीनू ने न में सिर हिलाया। अगले ही पल शिवांश ने तेज से दीवार पर अपना हाथ मार कहा, तुम्हें दूसरों के किस करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे करने से प्रॉब्लम है। वीनू डर से दीवार से चिपक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब उसे शिवांश से ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि शिवांश की कैट आइज गुस्से में रेड होकर बेहद खतरनाक दिख रही थी। शिवांश ने अपनी फिंगर से वीनू के घनी पलकों को छुआ। अपने हाथ पर आए उसके आंख के आंसू रूपी मोती को हवा में उछालते हुए बोला, तुम्हें मेरे किस करने से प्रॉब्लम होती है। तब फिर कुछ रुक कर बोला, तुम्हें ये प्रॉब्लम हर रोज होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें किस करूंगा और भी बहुत कुछ करूंगा। ये बोल शिवांश ने डेविल स्माइल के साथ वीनू को देखा, फिर वीनू के चीक्स पर बाइट कर जाते हुए बोला, जी भर के देख लिया मैंने तुम्हें, अब ये ताम झाम उतारो। वीनू अपने गाल पर हाथ रखे अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वैसे ही देख रही थी जैसे जब शिवांश उसके सामने था तब उसे देख रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख हांफते हुए कहा, वो करीब आएंगे तब क्या तुम बाहर आ जाओगे। वीनू का दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था, जैसे उछल कर बाहर आ जाएगा। वहीं इससे उलट बाथरूम में शिवांश गुस्से में पागल हो रहा था। उसने एक एक कर सारा सामान फेंक दिया। तेज आवाज में बोला, इस इडियट को उसे किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे किस करने से प्रॉब्लम हो रही है। अब तो मैं इसे रोज किस करूंगा, रोक कर दिखाए ये मुझे। ये बोलते हुए शिवांश ने अपने होठों को छुआ। वीनू के नर्म होठों का एहसास उन पर अभी भी था।
काफी देर बाद शिवांश खुद को शांत कर बाहर आया क्योंकि उसे पता था कि वो गुस्से में वीनू को हर्ट कर देगा। सामने का नजारा देखकर शिवांश अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगा क्योंकि अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर वीनू पेट के बल बेड पर सो रही थी। उसके एक हाथ में अभी भी चूड़ियां थी। शिवांश उसके पास आकर वीनू के हाथ की सारी चूड़ियां निकाल कर साइड रखी और उसे सही से लिटा दिया। अपनी शर्ट निकाल कर सोफ पर फेंकते हुए दूसरी साइड आकर लेट गया। अगली सुबह बार बार डोर पर नॉक होने से शिवांश ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली तब उसे महसूस हुआ कि कोई उससे जोक की तरह चिपका हुआ है। शिवांश ने अपना सिर नीचे कर देखा तब उसे अपनी बढ़ी हुई धड़कनों का एहसास हुआ। वीनू शिवांश के सीने से सिर टिकाए उसके हाथ को पकड़े सो रही थी। वो दोनों इतने करीब थे कि हवा भी उनके बीच से न जाए। वीनू के सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। शिवांश को वीनू की सांसें शिवांश के खुले सीने से टकरा रही थी। ये शिवांश के लिए पहली बार था वो कोई उसके इतने करीब हो। ये नया एहसास शायद उसे पसंद आ रहा था। शिवांश एक बार फिर नॉक की आवाज से होश में आया और वीनू से दूर होकर उसने जाकर गेट खोला। सामने कनक अपने हाथ में बैग्स लिए खड़ी थी। शिवांश ने कहा, क्या हुआ है? कनक ने कहा, कुछ नहीं हुआ, ये भाभी को दे दे, उनसे बोले रेडी होकर आए, मॉम ने मंदिर में बुलाया है। ये बोल वो वहां से चली गई। शिवांश अंदर आया तब वीनू तेज तेज सांसें लेते हुए बेड पर बैठी अपनी आंखें मल रही थी। शिवांश ने एक नजर उसे देखा और बोला, ये लो रेडी होकर नीचे जाओ, मॉम ने बुलाया है। ये बोल वो वापस लेट गया। कुछ देर बाद पूरे घर में बांसुरी की मीठी आवाज गूंज रही थी। शिवांश नीचे आकर मंदिर में आया तब सब वही थे। सामने बैठी वीनू को देख पलके झपकाना भूल गया। वीनू ने गोल्डन लहंगा पहना था, 16 श्रृंगार किए वो उसकी नई नवेली दुल्हन थी, जिसके गुलाबी रंगे होठों के पास लगी बांसुरी को देखते हुए शिवांश को उस बांसुरी से जलन हो रही थी। क्यों वो वीनू के होठों के इतने करीब है? उसकी नजरें वीनू के होठों पर टिक गई। तभी पीछे से मेघ ने शिवांश के कान के पास आते हुए कहा, मंदिर में ये सब सोचना गलत बात। शिवांश ने घूर कर उसे देखा। अनिका ने सबको आरती दी और शिवांश ने आरती लेकर उनके सिर पर हाथ फेर दिए। अनिका ने उसे घूर कर शिवांश देखा, फिर आरती की थाल मंदिर में रख कर कहा, वीनू चलो, आज बहुत सारी रस्में हैं और रक्षाबंधन भी है ना? वीनू सिर झुकाए खड़ी थी। ये देख अनिका ने उसके पास आकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मम्मी की याद आ रही है। वीनू की आंखों के आंसू गालों पर आ गए। ये देख कर अनिका ने उसके आंसू साफ कर कहा, चलो जल्दी से फिर पहली रसोई की रस्म करते हैं, फिर राखी, तब तक आकाश भी आ जाएगा आपके पकफेरे की रस्म के लिए लेने, आप मम्मी से मिलना। और फिर मम्मी नहीं है तब क्या हुआ, ये वाली माँ तो है ना, आप मुझे मम्मी बुलाओ। वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, आंटी मम्मी तो एक ही होती है ना। ये सुनते ही अनिका का मुंह उतर गया। शिवांश ये देख रहा था उसके चेहरे के भाव बदलने लगे क्योंकि उसे अपनी माँ के चेहरे पर एक शिकन भी बर्दाश्त नहीं है। तभी वीनू ने कुछ सोचते हुए कहा, मम्मा बुलाऊं तब चलेगा? अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, चलेगा, भागेगा और दौड़ेगा। ये बोल वो हंसते हुए उसे किचन में ले गई। हॉल में शिवांश की नजरें बार बार किचन में काम करती शिविना पर जा रही थी। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी लचीली कमर और कमर पर बना वो शिवांश के नाम का टाटू शिवांश के होश उड़ा रहा था। शिवांश उठकर जाने लगा तभी ध्रुव ने कहा, कहाँ जा रहे हो, अभी ऑफिस जाने के बारे में सोचना भी मत। उसे वापस बैठना पड़ा। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे थे और कनक का वेट कर रहे थे। वीनू की नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। उसे आकाश का इंतजार था, राखी का त्योहार उसे बहुत पसंद था। कनक ने कहा, आ गई मैं। उसने पिंक शरारा सूट पहना हुआ था। वो उन लोगों के पास आई तब उसके तीनों भाई राखी बंधवाने के लिए तैयार बैठे थे। वंश ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, इस बार पहले मेरे बंधेगी। कनक ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, भाई बड़े हैं। वंश ने मुंह बना लिया। कनक ने शिवांश के तिलक कर उसके राखी बांध आरती उतारी और उसे एक चम्मच खीर खिलाई। शिवांश ने वीनू को देखा जिसकी नजरें अभी भी गेट की तरफ थी। उसने खीर की कटोरी अपने हाथ में ले ली। कनक ने अब मेघ के राखी बांधी क्योंकि मेघ की कोई बहन नहीं थी और कनक उसे अपना भाई और मेघ उसे अपनी बहन मानती थी। फिर वंश के राखी बांध कर कनक ने उनके सामने खड़े होते हुए कहा, मेरे गिफ्ट। उन तीनों ने कहा, कौन से गिफ्ट? कनक ने ध्रुव को देखा और फिर शिवांश को देखते हुए बोली,
ये थोड़ी न होता है, राखी बांधी है, गिफ्ट तो बनता है। अब वीनू रोने वाली थी क्योंकि आकाश अभी भी नहीं आया था। अब आगे शिवांश के साथ बाकी सब कनक को तंग कर रहे थे, किसी का भी ध्यान वीनू पर नहीं गया। उन सबको मस्ती कर देख वीनू को आकाश याद आ रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपकने वाले थे। तभी आकाश की आवाज आई, यार रोना नहीं। वीनू ने जल्दी से अपना चेहरा उठाकर सामने देखा, तब आकाश आ रहा था। वीनू के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान खिल गई, वो जल्दी से आकाश की तरफ भागी, लेकिन उसके पैर में सामने रखी टेबल लग गई। वीनू गिरने को हुई, तभी उसे संभाल लिया। वीनू ने देखा तब वंश ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था और शिवांश न भी, मेघ खड़ा हो गया था और ध्रुव भी। अनिका ने कहा, संभाल कर बेटा। वीनू के फेस की स्माइल और बड़ी हो गई, उसने वंश को देखते हुए कहा, थैंक्स। वंश ने कहा, नहीं प्यारी भाभी ऐसे नहीं, ये बोले, प्यारे देवर थैंक्स। वीनू ने वंश को देखा, फिर वीनू ने वंश के गाल को छूते हुए कहा, थैंक्स प्यारे देवर जी। करण ने तुरंत अपनी गहरी आवाज में कहा, मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट ही रहा है, ये बोल वो उठा। अनिका ने कहा, बेटा ये हो जाने दो, वीनू को पगफेरे की रश्म के लिए जाना है। शिवांश ने गुस्से में वीनू को देखा और बोला, मॉम मुझे नहीं जाना है ना, मेरा यहाँ क्या काम। फिर कनक को देखते हुए बोला, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे रूम में है, मेघ और आकाश तुम दोनों मुझे ऑफिस में चाहिए। ये बोलकर वो चला गया। अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, आपको पता चलता है इसके मूड का कब बदल जाए। ध्रुव ने कहा, वो चिढ़ कर गया है। आकाश ने कहा, अरे वो हिटलर ऐसा ही है। चलो वीनू जल्दी राखी बांधो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। वीनू ने कहा, भाई वो हिटलर नहीं गब्बर है। वीनू की बात सुनकर सब हंसने लगे। वीनू ने आकाश के राखी बांधी, फिर उसका मुंह मीठा कर बोली, अब मेरा गिफ्ट। आकाश ने खड़े होकर वीनू के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, घर जा रहे हैं, मेरे रूम में रखा है, मैं वहीं भूल गया। वीनू ने मुड़ी, तब दो हाथ उसके सामने थे। वीनू ने अपने सामने खड़े वंश और मेघ को देखा, तब उन्होंने एक साथ कहा, हमारी राखी। वीनू अपनी पलकें झपकाते हुए हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। उसे ऐसे देखते हुए वंश मुस्कुरा कर बोला, क्या देख रही वो प्यारी भाभी। वीनू ने कहा, सच में आपको मुझसे राखी बंधवानी है। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। वीनू ने जल्दी से पास रखी राखियों में से राखी उठाकर उन दोनों के हाथ पर बांध दी। ध्रुव वीनू के स्माइल करते हुए चेहरे को देख रहे थे, कितने टाइम बाद वीनू ऐसे मुस्कुरा रही थी। कनक ने कहा, अब मेरा गिफ्ट। वो उन लोगों के बीच आकर खड़ी हो गई। मेघ ने एक बॉक्स कनक को और एक वीनू को दिया। वंश ने बड़ा सा बॉक्स कनक को दिया और ही वीनू को डो। कनक बे खोल कर देखा, चॉकलेट थी। ये देख कनक ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम ये फिर चॉकलेट लाया है, अब ये इन्हें खुद खा जाएगा। वंश ने कहा, हाँ मजा आता है, मैं तुम्हें गिफ्ट देकर अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं? ये चॉकलेट्स मैं खा जाऊंगा। ये कह वो एक चॉकलेट लेकर भाग गया। आकाश ने सिया ध्रुव के पैर छूते हुए कहा, चलता हूँ आंटी। अनिका ने वीनू के चेहरे को छूते हुए कहा, कल शाम आपकी बूंद दिखाई है, कुछ दोस्तों को बुलाया है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। उसने सिया के पैर छुए और सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो मेरी बच्ची, आपका पति आपको ढेर सारा प्यार करे। वीनू ने ध्रुव को देखा और ध्रुव उसे देखने लगे। वीनू को आकाश ने इशारा किया, तभी वीनू ने ऊपर सिर कर अपने मन में कहा, पापा आपके लिए। झुक कर ध्रुव के पैर छुए, ध्रुव ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, शाम को शिव तुम्हें लेने आएगा। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया, वो दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद आकाश वीनू को अपने अपार्टमेंट के बाहर छोड़ कर चला गया। वीनू भागते हुए अंदर आई और बोली, मम्मी। उसे ऐसे चीखते हुए देख सिया ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, ऐसे चीख रही है जैसे सालों हो गए। वीनू ने अपने भरे गले से कहा, मम्मी आपके बिना एक पल भी सालों के जैसा लगता है। सिया ने वीनू को अपने से दूर कर उसे मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक देख बोली, अच्छी लग रही है, सबसे ज्यादा सुंदर ये तेरी कमर पर बना तेरे पति के नाम का टैटो लग रहा है। वीनू के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। सिया उसे देखते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी वीनू। वो अंदर आ गए। रात को डोज
शिवांश देर रात ऑफिस से लौटा, उसने हॉल में देखा कोई नहीं था। एक मेड से पूछा, वेयर इज मॉम एंड डैड? मेड ने कहा, सर वो तो कहीं गए हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वंश और कना? मेड ने कहा, दिनाकर, वो लोग भी अपने रूम में सो चुके हैं। बड़े बाबा, बड़ी मैम ने कहा था कि आप आज छोटी मैम की तरफ जाएंगे, वही दिनाकर मैम को लेकर आएंगे। मैम कहाँ है? शिवांश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शिट, वो भूल गया था। एक मीटिंग में फंस कर जाने कैसे उसके दिमाग से निकल गया। शिवांश अपने रूम में आया और एक बार उसने पूरे रूम को देखा, उसकी नजर बेड पर पड़ी। उसे वीनू का अजीब ढंग से सोना याद आ गया। अपना सामान रख बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन काउच के पास रुका। आज उसे वीनू की खुशबू आ रही थी, एक अलग एहसास था उसकी गैर मौजूदगी का। शिवांश ने अपना सर झटका, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ है, आज उसे फिर वो वहीं से लौट गया और पैलेस से कार लेकर निकल गया। अपार्टमेंट में सिया ने शिवांश का बहुत वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। तब वीनू खाना खाकर सो गई। सिया बाहर बैठी यही सोच रही थी कि कहीं सच में शिवांश और वीनू को जबरदस्ती के रिश्ते में तो नहीं बांध दिया। तभी डोरबेल की आवाज आई, उन्होंने टाइम देखा, तब 12 बज रहे थे। ये देखकर उसने कहा, इस टाइम कौन है? जाकर गेट खोला, तब सामने शिवांश था। सिया ने हैरानी से कहा, शिव बेटा, आप इस वक्त? हमें लगा था आप नहीं आएंगे। शिवांश ने सिया को देखते हुए कहा, सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, आपने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था और मैं ऑफिस में ही फंस कर रह गया। सिया ने कहा, कोई बात नहीं, पहले आप अंदर आए। शिवांश आकर सोफ पर बैठ गया। सिया ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, बच्चा आप इतनी रात को क्यों परेशान हुए, भूल गए थे? तब कोई बात नहीं, सुबह आ जाते। शिवांश ने पानी पिया और बोला, नो आंटी, मुझसे कोई भूल हो, जब तक सही न करूं मुझे चैन नहीं आता। सिया ने शिवांश को देखते हुए कहा, आप सीधे ऑफिस से आ रहे हैं? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और वो इधर उधर देखने लगा। सिया ने कहा, हम डिनर लाते हैं, आप बैठे, वीनू तो कब का सो रही है, हम उसे उठा कर आते हैं। शिवांश ने सिया को देखते हुए कहा, नो आंटी, उसे सोने दीजिए और डिनर नहीं करूंगा, बस आपसे मिलने आया था। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, डिनर क्यों नहीं करोगे, कुछ खाया नहीं है आपने? ये बोल वो किचन में चली गई। शिवांश की नजर सामने दीवार पर लगे वीनू की फोटोज और वीनू की फैमिली फोटो पर गई। वो उठकर उस तरफ आया, दीवार पर लगी वीनू की उन क्यूट सी पिक्चर्स को देखने लगा। उसने वीनू की एक फोटो को छूते हुए कहा, आज भी वही हो। ये बोल शिवांश ने फैमिली पिक्चर को देखा। सारांश के फोटो को छू कर बोला, आई मिस्ड यू बडी। सारांश और ध्रुव की गहरी दोस्ती की वजह से शिवांश भी सारांश के बहुत क्लोज था, यहाँ तक वो दोनों दोस्त थे, इस वजह से ही आकाश और शिवांश की दोस्ती हुई थी। सारांश ने ही शिवांश का नाम रखा था। सिया की शिवांश बहुत इज्जत करता था, सारांश को दोस्त मानता। वीनू की हरी आंखें सारांश की तरह थी, चेहरा सिया की तरह। तभी पीछे से सिया ने कहा, वीनू भी बहुत याद करती है अपने पापा को, बल्कि हम सब ही बहुत याद करते हैं। शिवांश की नजरें सिया पर थी, जो वीनू और सारांश की फोटो देख रही थी। सिया बोली, शिव बेटा, हमें आपसे बात करनी थी। ये बोल वो शिवांश को देखने लगी। शिव ने बिना भाव के कहा, जी कहिए, अब आगे। सिया ने कहा, वीनू बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई है, जिन्हें पसंद नहीं करती उन्हें कुछ भी बोल देती है, इसलिए हम चाहते हैं उससे कोई गलती हो तब उसे माफ कर दे। जिन हालातों से मेरी बच्ची गुजरी है वो एक 19 साल की लड़की के लिए सहना आसान नहीं था। वीनू ने जो अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, वही सच मान लिया है। जिस वक्त सारांश गए, मुझे खुद का होश नहीं था, उसे कैसे संभालती, मेरी बच्ची दर्द सहती रही, न जाने क्या क्या सहा, क्या क्या सोच लिया उसने, मैं उसे सही बात नहीं बता पाई। मैंने ध्रुव जी से कहा वो उसे सच बताएं, लेकिन उन्होंने अभी के लिए मना कर दिया है। शिवांश की नजर सामने थी, उसने सर्द आवाज में कहा, आप मुझे जानती हैं आंटी, जब बात मेरे डैड की आती है तब मैं मॉम को भी नहीं देख पाता, अगर डैड गलत है मेरे लिए वो फिर भी सही है, शायद लोगों को ये बात गलत लग सकती है लेकिन मेरे लिए यही सच है। बात डैड की आएगी तब मैं भूल जाऊंगा, वीनू बड़ी की बेटी है। और ये बोलते हुए शिवांश शांत हो गया। उसने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा, मेरी पत्नी है।
सिया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, हम आपसे कोई वादा नहीं मांग रहे, नहीं ये कह रहे कि अपने पिता के आगे आप अपनी पत्नी को रखे, बस इतना चाहते हैं। हमारी बेटी का ध्यान रखना नासमझ है, उसे समझना, उसका हाथ थामना। फिर उन्होंने शिवांश को देखकर कहा, अगर हो सके तब सुबह में वीनू के साथ ही रहना, उसके उठने के पहले। ये सुन शिवांश उन्हें अजीब तरह से देखने लग। तब सिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ मेरी बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, वो अक्सर डर है बस इसलिए। बाकी आप अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तब आपको अंदाजा हो ही जाएगा उसकी हर चीज का। चले अब डिनर करने। शिवांश नहा में से हिलाया, वो दोनों आकर टेबल पर बैठ गए। तभी आकाश अंदर आते हुए बोला, आई एम बैक मम्मी। सिया ने कहा, ऑफिस गए थे, स्पेस में नहीं। जो इतना खुश हो रहे हो वापस आने पर, शिव तुमसे पहले आ गए, तुम कहाँ थे अब तक? शिवांश को देखकर आकाश ने स्माइल करते हुए कहा, बॉस आप यहाँ कैसे? मॉम को बताएं आपने मुझे आज कितना काम दिया था। शिवांश ने आकाश को नहीं देखा, चुपचाप रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, आंटी मैंने कोई काम नहीं दिया था, 5 बजे सारे एम्प्लॉय फ्री हो जाते हैं, ये मैनेजर है 6 तक फ्री हो जाता होगा, आप पूछे कहाँ था? सिया ने टाइम देखा और बोली, 12 बजने को है, 6 घंटे से कहाँ थे तू? आकाश ने शिव को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा हो। लेकिन ऑफिस में इससे उलट शिवांश ने उसकी और मेक की बैंड बजा दी थी, यहाँ तक वंश को भी नहीं छोड़ा था, इतना काम दिया था। शिवांश उठकर हाथ साफ करने चला गया। आकाश को घूरते हुए सिया सारे बर्तन उठा कर ले गई। जैसे ही शिव आया आकाश ने उसके गले में अपना हाथ डाल दबाते हुए कहा, क्यों बे साले क्या था ये, तूने ऑफिस में बैंड बजाई, अब यहाँ मम्मी से मरवाने पर तुला है। शिवांश ने उसे उठाकर सोफ पर पटकते हुए कहा, तुझे तो मैं। उससे पहले ही सिया बाहर आ गई, जिन्हें देख वो दोनों शांत हो गए। कुछ देर बाद छत पर शिवांश और आकाश ब्यापी रहे थे। शिवांश यहीं रुक गया था क्योंकि सिया आकाश ने उसे जाने नहीं दिया। वो दोनों नीचे आए। आकाश शिवांश को वीनू जिस रूम में थी वो बताकर खुद सोफ पर फैल गया। शिवांश रूम में आया, रूम में हल्की लाइट्स जल रही थी। बेड पर वीनू दुनिया से बेक पर हाथ पैर फैलाए सो रही थी। शिवांश ने अपनी शर्ट निकाल कर साइड में रखी और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और सामने देखकर शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। तेज कदमों से वीनू की तरफ बढ़ा क्योंकि वो बिल्कुल किनार पर सो रही थी, इस वक्त करवट लेने वाली थी। वीनू गिरती उससे पहले ही शिवांश ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। शिवांश एक तक वीनू के चेहरे को देखने लगा। सोते हुए वीनू किसी शांत गुड़िया की तरह लगती है। शिवांश ने वीनू के चेहरे को छुआ तब उसकी ठंडी अंगुलियों के एहसास से वीनू नींद में मुंह बनाने लगी। वीनू ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया, ये देख शिवांश की आंखें ठंडी हो गई। उसने वीनू को सही से लिटाया, खुद दूसरी साइड आकर लेट गया। अब शिवांश एक तक वीनू के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। इस वक्त शिवांश के दिल की धड़कन काफी तेज थी, न चाहते हुए भी उसने वीनू के हर्ट शेप लिप्स को अपनी फिंगर से छूना शुरू किया। शिवांश ने कहा, जो तुमने किया वो लोगों के लिए आम होगा, तुम ये नहीं कर सकती, मेरे लिए तुम्हारा ये करना बहुत गलत है। उसके शब्दों में बेहद गुस्सा और आंखों में नाराजगी थी। वीनू को देखते हुए ही शिवांश भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह वीनू ने चौंक कर अपनी आंखें खोली, इस वक्त उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी। वीनू ने महसूस किया कोई उसे बुरी तरह जकड़े हुए है। वीनू ने अपना सिर मोड़ कर देखा तब उसकी नजरें शिवांश के हैंडसम फेस पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, गब्बर ये यहाँ? अपनी आंखें बड़ी बड़ी फैलाए शिवांश को देख रही थी। उसने अपनी फिंगर से शिवांश के चेहरे को टच किया, फिर फिंगर को देखते हुए बोली, सच में ही है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बोल उसने उठना चाहा लेकिन उठ भी नहीं पाई। वीनू ने देखा शिवांश ने अपने पैरों से वीनू के पैरों को और अपने हाथों को उसकी पीठ और कमर पर रख उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। वीनू ने हिलना चाहा लेकिन वो हिल भी नहीं पाई, नहीं खुद को छुड़ा पाई। वीनू शिवांश घूर कर बोली, ये गब्बर को क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है जैसे मैं भागने वाली हूँ? उसकी कोशिशों से आखिर शिवांश की आंख खुल गई। वीनू बस उसकी पकड़ से निकलने वाली थी तभी शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, क्या है, आधी रात को क्यों परेशान हूँ? वीनू अचानक से आवाज सुनकर डर गई। उसने कहा, मम्मी। शिवांश ने गुस्से ने उसे घूर कर कहा, बोलोगी कुछ? वीनू ने कहा, क्या है?
एक तो बुरी तरह मुझे फंसाया हुआ है, हाथ है या जाल। सुबह हो गई, मैं उठ भी नहीं पा रही। उसने मुंह बना लिया। शिवांश इस वक्त वीनू के चेहरे को देख रहा था। वो फ्रेश लग रही थी। उसके चेहरे का ग्लो उसे और भी खूबसूरत दिखा रहा था। शिवांश की पकड़ ढीली होने पर वीनू उठकर बैठ गई। वो बेड से उतरती। उससे पहले ही शिवांश ने उसे पकड़कर एक बार फिर अपने तरफ खींचा। वीनू शिवांश के ऊपर आ गई। अब वीनू बुरी तरह चिढ़कर शिवांश को घूरने लगी। शिवांश ने कहा, आधी रात में तुमने मेरी नींद खराब की। वीनू ने कहा, टाइम देखें, 5 बज रहे हैं। आधी रात लग रही है आपको? शिवांश ने उसके ऊपर आते हुए कहा, 5 बजे कौन उठता है? वीनू ने अपने दोनों हाथ शिवांश के चेस्ट पर रख दिए। शिवांश की छुअन से वीनू की धड़कने शोर करने लगी। वीनू की बिना इजाजत के ही उसके गाल गुलाबी होने लगे। सांसें तेज हो गई। ये सिर्फ शिवांश की करीबी से था, जिसे वीनू एक आंख भी पसंद नहीं करती। वीनू ने शिवांश से दूरी के लिए उसे पुश करते हुए कहा, इंसान सुबह सुबह ही उठते हैं, हटिए, आप पत्थर की तरह भारी हैं। शिवांश ने देखा वीनू उससे नजरें चुरा रही थी। वो खुद में सिमट रही थी। वीनू की हालत खराब हो रही। शिवांश को ऐसे अपने पास देखकर शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर वीनू को घूरते हुए कहा, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? वीनू ने कहा, हटिए, कितने भारी हैं आप, मुझ जैसी बच्ची को दबाकर मारने का इरादा है? ये बोल वो कुछ सोचने लगी, फिर चीखते हुए बोली, क्या आप मुझे ऐसे मारने वाले हैं जिससे आप पर इल्जाम भी ना आए और मैं मर भी जाऊं? शिवांश अपने नीचे लेटी उस चूहिया को घूर रहा था जो खुद सवाल कर खुद जवाब देती है। शिवांश अपने हाथों को बेड पर वीनू के दोनों साइड रख उस पर झुक गया, फिर धीमी आवाज में बोला, बिल्कुल सही सोचा है तुम्हारे छोटे दिमाग ने। वीनू ने जब उसे अपने इतने करीब आते हुए देखा तब घबरा कर बोली, हटें, क्यों मेरी सुबह खराब कर रहे हैं? ये एक बात काफी थी शिवांश को गुस्सा दिलाने के लिए। उसने कहा, तुम्हारी सुबह खराब हो गई। वीनू ने खिसियाते हुए कहा, अब आपकी शक्ल देखी है, अब दिन भी खराब होगा। शिवांश ने उसे देखते हुए तिरछी स्माइल के साथ कहा, चलो अब सही से तुम्हारी सुबह खराब करते हैं, अब आगे। वीनू उलझन में उसे देखने लगी। उसे ऐसे उलझे हुए देखकर शिवांश स्माइल कर अपना सारा वेट वीनू पर छोड़ते हुए उसके उन हॉट शेप्ड लिप्स पर अपने लिप्स रख उसे किस करने लगा, क्योंकि वीनू के लिप्स कब से उसे अपने करीब आने के लिए उकसा रहे थे। वीनू चौंक गई। उसके लिए दूसरी बार था जब शिवांश उसे ऐसे किस कर रहा हो। वीनू शिवांश खोए हुए देख रही थी। शिवांश अपनी आंखें बंद किए वीनू को डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद शिविना होश में आते हुए अपने हाथ पैर फेंकने लगी, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। अपनी मनमानी कर शिवांश उससे दूर हुआ। तब शिविना ने उसके सीने पर मुक्कों की बारिश कर हाफते हुए बोली, पागल बेवकूफ गब्बर, मैं मर जाती। वीनू के ऐसे करने पर शिवांश हंसने लगा। उसने पलटते हुए वीनू को अपने सीने से लगा लिया। वो वीनू के सिर को सहलाते हुए हंस रहा था। तभी वीनू ने कहा, आई हेट यू। ये सुनते ही शिवांश के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव दिखने लगा। इट्स गुड दैट यू हेट मी, गुड फॉर यू। शिवांश ने वीनू को छोड़ा। वीनू उठकर तेज कदमों से बाथरूम में चली गई। उसने तेज से दरवाजा बंद किया। ये आवाज सुन शिवांश पलट कर अपने पेट के बल लेट हल्के गुस्से में बोला, हाँ तुम्हें दूसरों के लबों की आदत जो है। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद गहरी थी। वहीं वीनू ने वॉश बेसिन पर आकर टैप ऑन कर अपने चेहरे पर बार बार पानी डाला। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसने कहा, आप बहुत बुरे हो, जैसे आपके डैड बुरे हैं। उन्होंने मुझसे मेरे पापा को दूर किया, आप जबरदस्ती मेरे पास आते हो। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। वीनू अपने होठों को रब करने लगी। ये करने उसके होंठ लाल होकर सूज गए। वीनू बस एक बात की वजह से शिवांश से दूर भाग रही थी, और शिवांश ना जाने क्या अपने दिल में छिपाए बैठा था। कुछ देर बाद वीनू रूम से बाहर आई, तब उसे सिया दिखी। वीनू ने कहा, मम्मी भाई ने तो मंदिर स्थापित नहीं किया होगा, आपने किया क्या? तभी पीछे से आकाश ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, मैंने क्यों नहीं किया होगा? वीनू ने चिढ़कर आकाश को देखा और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, सिर पर ना मारा करो, अक्ल कम हो जाती है। आकाश ने उस पर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, उसके लिए अक्ल होना भी चाहिए, तेरा दिमाग तो खाली कटोरा है। वीनू ने घूरते हुए कहा, भाई उस पर झपटने वाली थी। तभी सिया ने कहा,
बस करो तुम दोनों, और वीनू तुम मंदिर में जाने से पहले अपना हुलिया चेंज कराओ। वीनू ने अपने आप को देखा, उसने एक वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन की कुर्ती पहनी थी, बेतरतीब गीले बाल की उनसे अभी भी पानी टपक रहा था, वो बिना किसी मेकअप के खड़ी थी। वीनू ने नाक पूरा कर कहा, मम्मी क्या खराब है मेरे हुलिये में? मेरे कमरे में साड़ी रखी है, वो पहनो जाकर, और हाँ नई शादी हुई है, थोड़ा सजो सबरो, ये क्या हाल बनाया है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ये बोलने पर वीनू मुंह बना उन्हें देखकर बोली, क्यों? सिया ने उसे घूर सख्ती से कहा, ज्यादा सवाल नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें ज्यादा छूट दे रखी थी, अनिका तुम्हें ऐसे देखेगी तब उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनकी बहू उनके बेटे के लिए सास श्रृंगार भी नहीं करती। वीनू मुंह फुलाए जाने लगी, फिर पलट कर बोली, मुझे साड़ी बांधनी भी नहीं आती ना। सिया ने कहा, तुम चलो मैं आती हूँ। वीनू सिया के रूम में चली गई और आकाश ने सिया को देखते हुए कहा, मम्मी क्या लगता है आपकी बेटी सुधरेगी या अभी भी कंजरी बनकर घूमेंगी? सिया ने आकाश को देखा, हल्के से उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कंजरी कहने की? आकाश अपने गाल पर हाथ रख खुद से बोला, अभी तो खुद डांट रही थी, अब देखो कितना प्यार उमड़ रहा है। फिर झल्लाते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। कुछ देर बाद शिवांश रेडी होकर बाहर आया, यहाँ उसके कपड़े तो थे नहीं, वही कपड़े पहनने पड़े। उसकी नजर सामने टेबल पर प्लेट्स लगा रही वीनू पर पड़ी, तब शिवांश खोए हुए ही उसे देखने लगा। वीनू ने लाल साड़ी पहनी ही थी जिस पर गोल्डन स्पार्कल थे, उसके नी तक आते लंबे बाल जो डीप नेक ब्लाउज को कवर कर रहे थे, साड़ी से झांकती उसको कमर जिस पर चार चांद लगाता वो टैटू। शिवांश आकर चेयर पर बैठा, वीनू ने उसे देखा, फिर मुंह बना लिया। आकाश ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। शिवांश ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, बॉस केवल ऑफिस में। तभी सिया ने आकाश को आवाज दी, आकाश उठकर चला गया। शिवांश ने वीनू को देखा, तब वो गुस्से में थी, उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? शिवांश न स्मर्क करते हुए कहा, लगता है सुबह की किस पसंद नहीं आई, फिर से ट्राई कर सकते हैं। वीनू के काम करते हाथ रुक गए, उसने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। शिवांश की नजर वीनू के कमर पर बने अपने नाम के टैटू पर थी, उसने अपने होठों के कोनों को मोड़ते हुए कहा, मेरी बेशर्मी देखी, कहाँ है आपने बेगम? शिवांश की ऐसी बातें सुनकर वीनू के गाल सुर्ख हो चुके थे, वीनू ने उस पर ध्यान नहीं देना सही समझा, अपना काम करने लगी। तभी शिवांश ने कहा, तुम्हें मेरा नाम अपने शरीर पर चाहिए था, मुझे बताती मैं अपनी प्यार भरी निशानी देता, ये मेहंदी से बनाया है, नॉट बैड। ये बोलने हुए शिवांश की फिंगर वीनू के कमर पर थी, वीनू को उसने टीजिंग स्माइल दी। तभी वीनू ने उस अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, आ। ऐसा करने पर उसके हाथ में पहनी सारी चूड़ियां खनक उठी। अगले ही पल शिवांश ने वीनू के टाटू पर किस किया, अपनी कमर पर उसके सॉफ्ट होठों को फील करते ही वीनू का सारा शरीर झंझना गया, उसका रोम रोम खड़ा हो गया। वीनू के हाथ में पकड़ी खाली ट्रे टेबल पर गिरी। किचन से आती सिया ने जब ये देख कहा, क्या हुआ वीनू? लेकिन वीनू ने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसे ऐसे देखकर शिवांश को बड़ा मजा आ रहा था। आकाश ने कहा, क्या हुआ, कैसा सदमा लगा है, ऐसे क्यों खड़ी है? शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा दिया। वीनू ने जैसे ही पहला निवाला खाया उसे तेज से मिर्च लगी। वीनू ने कहा, मम्मी पानी बहुत मिर्ची है। सिया ने उसे पानी दिया और बोली, नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे होठों को क्या हुआ है, क्यों सूजे हुए हैं? वीनू ने ग्लास रखते हुए कहा, काट लिया। अब चौंकने की बारी शिवांश की थी। ये सुन शिवांश के गले में खाना अटक गया। आकाश जो उसके पास में बैठा था उसने शिवांश की पीठ रब करते हुए कहा, मैंने बोला था ना आफत है, इसे हैंडल करना आसान नहीं है, ये कुछ नहीं जानती। शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सब सिखाने के लिए मैं हूँ ना। कुछ टाइम बाद वीनू और शिवांश पैलेस के लिए रेडी हो गए। वीनू अपने चेहरे पर आए आंसुओं को बार बार साफ कर रही थी। आकाश वीनू का कुछ सामान और सिया ने जो गिफ्ट दिए थे वो डिक्की में रख रहा था। शिवांश इरिटेट हो रहा था वीनू को देख, क्योंकि वो गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। सिया ने समझा कर वीनू को कार में बिठाया और वो दोनों वहां से निकल गए। वीनू विंडो की से बाहर देखते हुए रो रही थी। शिवांश ने चिढ़ कर कहा, क्यों गंगा, जमुना सब यही बहा रही हो? तुम्हें बहाने गंगा में नहीं ले जा रहा हूँ, घर छोड़ने जा रहा हूँ। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी की याद आ रही है। शिवांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक गहरी सांस ले कहा, अभी आए हुए देर कितनी हुई है?
और तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हें अपनी फैमिली में न ले जाकर जेल में लेकर जा रहा हूँ। उसके इस तरह चीखने पर वीनू ने कहा, वो आपकी फैमिली है ना? मेरी मर्जी से आपसे शादी नहीं हुई, वरना मैं आप जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। ये सुन शिवांश ने स्टेयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, जैसे मैं तो मरा जा रहा था तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए, तुम्हें मेरे गले बांधा गया है। वीनू ने शिवांश को घूरते हुए कहा, हाँ तब क्यों बंधे अपने पापा से मना कर देते, या आप तो इतने अमीर है भाग जाते किसी और देश में। मैंने खुशी से आपसे शादी नहीं की है, मेरी अनचाही शादी, अनचाहा रिश्ता और अनचाहा पति है। उसके शब्द शिवांश को आग बबूला कर रहे थे। शिवांश ने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को पति अनचाहे ही लगते होंगे, क्योंकि शादी के बाद नए नए अमीर लड़कों फंसाने को जो नहीं मिलते। वैसे मैं तो एशिया का टॉप रिच पर्सन हूँ, तुम मुझसे शादी कर क्यों खुश नहीं हो, या किसी और को ढूंढ रखा था? वीनू का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, ठीक, कितना गंदा सोचते हैं आप, ये सब आपके उन डैड की वजह से हुआ है, उन्होंने मेरी मम्मी को बहकाया, वो निहायती। इससे पहले वीनू आगे कुछ बोलती, शिवांश ने कार में ब्रेक लगाकर चीखते हुए कहा, बस। उसकी इतनी तेज आवाज से वीनू डर कर सीट से चिपक गई। अब आगे, वीनू डर कर सीट से चिपक गई। शिवांश ने अपनी सीट बेल्ट खोल वीनू के करीब आते हुए उसको जबड़े पकड़ दबाकर गुस्से में कहा, खबरदार अगर मेरे डैड के बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला। वीनू उसे इतने गुस्से में देखकर कांपने लगी, उसका दिल घबरा रहा था। शिवांश के माथे की नशे गुस्से में दिख रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी। शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, अगर कोई मेरे डैड के बारे में मेरे पीछे एक गलत शब्द बोलता है तब मैं उसकी जुबान खींच लेता हूँ। तुम मेरे सामने उन्हें उल्टा सीधा कहने जा रही थी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये बोलते हुए उसने अपनी पकड़ कसी, वीनू दर्द से कराह गई। शिवांश के चेहरे पर बेहद गुस्सा था, उसे जैसे कोई फर्क न पड़ रहा हो वीनू के दर्द से। शिवांश ने वीनू को छोड़कर कहा, आइंदा ध्यान रहे अगर तुमने डैड के साथ कोई मिसबिहेव किया या उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, जुबान काट दूंगा तुम्हारी। उसकी आवाज में बेहद सीरियसनेस और ठंडापन था, जैसे वो सच में ऐसा कर देगा। ये बोल वो अपनी सीट पर बैठ गया। वीनू शिवांश से बुरी तरह डर चुकी थी, उसके गोरे चेहरे पर शिवांश की फिंगर्स के निशान उभर कर दिख रहे थे। वो लोग पैलेस पहुंचे तब शिवांश ने कहा, समझ गई ना? वीनू ने उसकी तरफ देखा, रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे और गंदे हैं। ये बोल वीनू कार से निकल कर भाग गई। शिवांश भी बाहर निकल आया। वीनू रोते हुए अंदर की तरफ आ रही थी, वो सामने से आ रही अनिका से टकरा रही थी। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, संभाल कर बच्चा। जब उन्होंने वीनू का चेहरा देखा तब परेशान होते हुए कहा, वीनू आप रो क्यों रही है और ये निशान है, निशान कैसे हैं आपके चेहरे पर? वीनू रोते हुए उनके गले लग गई, बोली, मम्मा उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अनिका ने उसे अपने सामने कर उसका चेहरा छूते हुए कहा, ये शिवांश ने किया। वीनू ने कहा, मैंने बोला था कि। तभी शिवांश की ठंडी आवाज आई, तुम मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। वीनू ने जैसे ही शिवांश की आवाज सुनी उसने डर से अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका ने वीनू को ऐसे डरते हुए देख शिवांश से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है शिवांश, ये करेंगे आप? ये सिखाया है हमने आपको? शिवांश ने कहा, मॉम आप क्यों इसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? वीनू बुरी तरह से सिसक रही थी, शिवांश ने वीनू की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, बच्चा आप अपने रूम में जाएं, इन्हें हम बताते हैं। वीनू वहां से भागते हुए चली गई। शिवांश भी जाने लगा तब अनिका ने कहा, ये क्या हरकत है शिवांश? शिवांश ने चिढ़ते हुए पलट कर कहा, मॉम चेंज करके मुझे ऑफिस जाना है। अनिका ने गुस्से में शिवांश से कहा, आप जानते हैं हमारे घर में लड़कियों से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की जाती, आपने वीनू को डराया और उसे इतनी बुरी तरह से डांटा, कितना रो रही है वो, आप कब से अपनी तमीज भूल गए या हमें गलत लगता है आपके बारे में? अनिका को गुस्सा करते हुए देखकर शिवांश ने भी गुस्से में कहा, मॉम हमारे घर की लेडीज इस लायक है, वो लड़की। अनिका ने तेज आवाज में कहा, पत्नी है आपकी, अच्छा होगा आप जाकर उनसे सॉरी बोले और आइंदा ऐसी कोई हरकत की तब अपने डैड को जानते हैं आप, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा। शिवांश ने अपनी मॉम को इतने गुस्से में देखा तब कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर अनिका ने कहा,
ध्रुव ने सिया और सारांश से वादा किया है उनकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि ध्रुव का मान किसी भी वजह से खराब हो। शिवांश अपने रूम में आया तब गुस्से में बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद चेंज कर आया, उसने पूरे रूम में नजर डाली, कहीं वीनू नहीं थी। शिवांश बालकनी की तरफ आया, उसने देखा वीनू झूले पर अपने घुटनों को समेटे उन पर सिर रखे बैठी थी। ये देखकर शिवांश ने कहा, कुछ भी हो लेकिन बात डैड की आएगी तब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। ये बोल वो वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। वीनू बैठी गार्डन की तरफ देख रही थी। शिवांश के रूम की बालकनी से पूरा गार्डन दिखता था। वीनू ने सिसकते हुए कहा, मम्मी आप तो कहती थी कि पति बहुत ध्यान रखेगा, मुझे पापा की तरह रखेंगे। पापा तो ऐसा नहीं करते थे, ये तो बहुत बेकार पति है। वीनू हमेशा सारांश सिया के साथ रही, वो लोग अकेले थे, उनकी कोई फैमिली नहीं थी इस शहर में, इसलिए वीनू कम लोगों के आसपास रही। सिया सारांश ने उसे अपने करीब रखा, ज्यादा दुनिया से रूबरू होने नहीं दिया, जाने किस बात का डर था उन्हें। वो केवल ध्रुव की फैमिली से मिलते थे, आकाश स्टडी के लिए बाहर रहता, वीनू अकेले रहती थी, इसलिए उसे कुछ रिश्तों की समझ थी और मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उसका एनवायरनमेंट भी इतना खुला हुआ नहीं था। वो समझदार थी लेकिन उतनी नहीं जितनी बच्ची थी। वीनू ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तो क्यों बेकार पति के लिए रो रही है? तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वीनू ने बिना पलटे कहा, तू हमेशा हंसना मुझ पर। कनक ने उसके सामने आते हुए कहा, ऐसी बातें करेगी तब कौन नहीं हंसेगा, मॉम बोल रही थी भाई ने तुझे डांटा। ये सुनते ही वीनू की आंखें एक बार फिर भर आई। उसने कहा, गब्बर के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। कनक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं डैड से उनकी कंप्लेंट करूंगी। वीनू ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। कनक वीनू के पास झूले के नीचे बैठ गई, अपनी भरी आंखों से वीनू को देखते हुए बोली, सॉरी ना यार, जो हुआ वो किसी के बस में नहीं था। तू कब तक मुझे इग्नोर करेगी? सच्ची मन करता यहाँ से दूर भाग जाऊं। तू अब भी मुझसे नाराज है ना? ये बोलते हुए आंसू कनक के गालों पर आ गए। वीनू ने अपना चेहरा मोड़ लिया। कनक ने कहा, चल उठ जा, अब परेशान नहीं करूंगी, जा रही हूँ ना यहाँ से दूर, अब कभी आऊंगी ही नहीं। वीनू ने जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू कहाँ जा रही है, तू क्यों जा रही है, क्यों जाएंगी? उसे ऐसे सवाल करते हुए देख कनक ने खड़े होते हुए कहा, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू तो हमारी प्यारी सी दोस्ती को भूल गई है। वीनू ने अपने उल्टे हाथ से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ चले जाओ सब, कोई मेरे पास रहना ही नहीं चाहता है, वर्षा भी नहीं है, तू भी जा रही है? ये बोल उसने तेज से कनक के कंधे पर मारा। कनक ने कहा, आ क्या कर रही है? वीनू ने एक और मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ कर जाने की? कनक ने पीछे होते हुए कहा, तू ही मुझसे बात नहीं करती। वीनू ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरते हुए कहा, तब तू मुझे छोड़ कर जाए नाराज थी ना, मैं तुझसे मनाने की जगह भाग रही है, बेवफा दोस्त। कनक दीवार से चिपकी खड़ी थी, वीनू उसके सामने अपने हाथ बांधे उसे घूर रही थी। कनक ने कहा, अब तू मान गई है तब सच बता देती हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ तेरी वेडिंग नाइट में, भाई से नेग में मॉरिशस ट्रिप ली है। वीनू ने चीखते हुए कहा, तूने मुझसे झूठ बोला। ये बोलने के बाद वो कनक की तरफ भागी, लेकिन कनक वीनू को हल्का सा पुश कर अंदर भाग गई। वीनू भी उसके पीछे उसे पकड़ने को भागी। रात को डोज शिवांश तेज ड्राइव कर रहा था और मेघ उसके साइड बैठे हुए उसे घूर रहा था। मेघ ने कहा, क्या परेशानी है, क्यों सुबह से आग बना घूम रहा है? शिवांश ने स्पीड बढ़ाते हुए कहा, सब उस मिडिल क्लास लड़की की वजह से है। मेघ ने उसे घूर कर कहा, वो मिडिल क्लास लड़की से क्या प्रॉब्लम है? और वो मिडिल क्लास लड़की तेरी वाइफ है, वो है जिससे तू एक पल भी दूर नहीं रह पाया, उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गया। शिवांश ने चीखते हुए कहा, जस्ट सेट अप, अपना मुंह बंद रख, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेघ ने स्माइल करते हुए कहा, ओह रियली? शिवांश ने गाड़ी रोकी, निकल कर तेज से गेट बंद किया। तेज आवाज सुनकर मेघ ने कहा, वीनू का गब्बर गुस्से में है। शिवांश पैलेस के अंदर चला गया, मेघ उसके पीछे आया। शिवांश ने जैसे ही हाल में कदम रखा, सिर उठाकर सामने देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। मेघ ने पीछे से आते हुए कहा, हाय, किसी के दिल के तार छिड़ गए साबी, अब आगे। शिवांश के दिल के तार वीनू को देख झंझना उठे, उसकी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया।
निगाहें बगावत करने लगी, दिमाग के मना करने पर भी वीनू पर ही टिकी थी। शिवांश ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, काम डाउन। हॉल में कुछ लेडीज बैठी थी, उन सब की नजरे वीनू पर थी। वीनू ने एक सव्यसाची साड़ी पहनी थी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में शोर करती पायल और नाक में नथ, गले में हल्का हार के साथ लाइट मेकअप। उसका चेहरा चिंतक घूंघट से सजा था, लेकिन नेट की वजह से दिख रहा था। पीछे सीढ़ियों तक वो दुपट्टा फैला हुआ था जिससे उसने घूंघट लिया था। उसके कानों में हिलते वो डायमंड के झुमके जिनकी चमक वीनू के चेहरे के सामने फिंकी पड़ रही थी। शिवांश को अपना गला सूखता महसूस हो रहा था। वीनू थोड़ा नर्वस थी। उसने अपने लिप्स का पाउट बनाया हुआ था जिससे उसके लिप्स हार्ट शेप में दिख रहे थे। कनक के साथ आकर वीनू ने उन सब के पैर छुए और अनिका जी के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका जी ने वीनू को देखते हुए कहा, ये है हमारी बहू शिविना शिवांश राठौर। एक लेडी ने कहा, बहू तो कोहिनूर की तरह है लेकिन सबसे छिपा कर क्यों रखा है मिसेज राठौर। अनिका ने वीनू को सोफ पर बिठा कर कहा, इसके कुछ रीजंस है मिसेज कौशिक, मेरा बेटा पॉपुलर और रिच है कि उसके दुश्मनों को कमी नहीं है। तभी एक लेडी ने कहा, अनिका ये शिवांश कहाँ है? रस्म वही शुरू करेंगे, आखिर तुम्हारे ससुर जी ने ये शुरू किया था। वैसे कुछ भी कहो, पापा जी थे कमाल के, अपनी बीवी को कभी पहले देखने का मौका नहीं छोड़ा। अनिका जी ने हंसते हुए कहा, क्या करें, बहुत प्यार करते थे वो माँ जी से। वो खड़ी होकर बोली, जरा साइड हटो, तुम्हारा नालायक बेटा अभी नहीं आया है, तब तक मैं अपनी बहू के पास बैठी हूँ। मेरा बेटा मेक तो शादी करने से रहा, चलो दूसरे बेटे ने तो की। ये बोल वो अनिका को साइड कर वीनू के पास बैठ गए। अनिका ने कहा, वीनू बच्चा ये है तुम्हारे मेक भैया की मम्मी मिसेज मंजरी देव रायजादा। वीनू ने उन्हें नमस्ते किया। वो वीनू से बातें करने लगी। उन्होंने कहा, बेटा आपके पैलेस में बप्पा पधारे हैं, तब आपने उनसे आशीर्वाद लिया? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। अनिका ने कहा, ये तो रोज बप्पा की पूजा करती है, बहुत मधुर आवाज है मेरी बहू की, अब महाभोग होगा तब तुम देखना। उनकी बात पर मंजरी मुस्कुरा दी। तभी अनिका जी की नजर शिवांश पर पड़ी। उन्होंने कहा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, हम लोग आपका ही वेट कर रहे हैं, आपको बताया था ना। शिवांश ने अपना ब्लेजर एक मेड को दिया और अनिका जी के पास आकर खड़ा हुआ, उन सब से मिला। एक लेडी ने कहा, शिवांश आप तो चांद के जैसी दुल्हन लाए हैं। शिवांश ने उन्हें देखकर कहा, नहीं आंटी ये चांद के जैसी नहीं है, ये चांद से भी कीमती है, चांद को कोई छू नहीं सकता, इसे मेरी बाहों में रहना है। ये बोलते हुए वो वीनू को देखे जा रहा था। वीनू की आंखें फैल गई। शिवांश की बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे। अनिका ने कहा, शिव आप गिफ्ट लाए हैं ना, आप तब चांद से कीमती अपनी दुल्हन का घूंघट हटाएं। शिविना ने ये सुनकर अपने मन में कहा, पास मत आना, पक्का आज मेरा दिल बाहर आ जाएगा, इतनी तेज धड़क रहा है। ये गिफ्ट देंगे अभी तक दिया है जो अब देंगे। उसकी लास्ट वाली लाइन मंजरी जी ने सुन ली थी। उन्होंने कहा, शिव इतने बड़े आदमी होकर इतनी कंजूसी अच्छी नहीं, हमारी दुल्हन को अभी तक आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया। शिवांश ने वीनू की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वीनू उससे वैसे ही डरी हुई थी, वो अपने एक हाथ की दूसरे हाथ को रगड़ने लगे। शिवांश ने वीनू का घूंघट हटाया। वीनू को देखते हुए कहा, मेरी नई नवेली दुल्हन की नजर मुझसे हटती ही नहीं, शायद इसलिए उसने अपने आस पास ध्यान नहीं दिया। फिर उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोला, कभी अभी तक मेरे दिए किसी गिफ्ट पर ध्यान नहीं दिया। शिवांश की बातों से वीनू का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसने अपनी पलकें उठाकर शिवांश को नहीं देखा। शिवांश ने उसे अपनी तरफ खींचा। वीनू ने उसके कंधे पर हाथ रख खुद को संभाला। शिवांश ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला, वो गिफ्ट लाया था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पहले ही बता दिया था। शिवांश के हाथों की छुअन महसूस कर वीनू की आंखें बंद हो गई। सब उनकी इस प्यारी सी जोड़ी को देख कर मुस्कुरा रहे थे। कना, मेघ और वंश तो फोटो ले रहे थे। शिवांश ने वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, गिफ्ट कैसा लगा? वीनू ने अपना सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, बहुत प्यारा है। वीनू अभी भी वैसे खड़ी थी, तभी वंश ने कहा, लगता है मेरी प्यारी भाभी भैया से दूर नहीं होना चाहती। वीनू ने झट से अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा, वो झेप गई। वीनू जल्दी से पीछे हुई, तब उसके पैर में टेबल लग गया। ये देख कर मंजरी जी ने खड़े होकर कहा, आराम से बेटा, आपके ही पति है, आप इससे भी करीब हो सकती है। वीनू ने अपना सिर झुकाया हुआ था।
अनिका ने उसे ऐसे परेशान होते देखा तब कहा, शिव बेटा आप चेंज कराएं, आज आपकी दुल्हन ने आपकी फेवरेट चीज बनाई है। शिव हां में सिर हिलाकर चला गया और बाकी सब भी वीनू की मुंह दिखाए करने लगे। सबको वीनू बहुत पसंद आई थी कुछ को छोड़कर। कुछ देर बाद शिव नीचे आया, तब तक सब डिनर कर चुके थे। वीनू उन्हें डेजर्ट सर्व कर रही थी। मिसेस कौशिक ने कहा, शिवांश बेटा इधर आओ। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसे इन सब से चिढ़ होती थी। वो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से ये कर रहा था। मंजरी ने शिवांश को के चेहरे को देखकर उसे अपना बेटा मानती थी, सब जानती उसके बारे में। उन्होंने वीनू से कहा, बेटा जाओ शिव को डिनर करा दो, ये अपने हाथ के बने गुलाब जामुन भी दे देना, उसके फेवरेट हैं। वीनू ने अनिका जी को देखा, उन्होंने भी जाने का इशारा किया। वीनू डाइनिंग टेबल पर आई, शिव भी आकर बैठ गया। वीनू ने उसे डिनर सर्व किया, वहीं बैठकर देखने लगी। कुछ देर बाद शिव का डिनर हुआ, वो उठकर बिना किसी की तरफ देखे अपने रूम में चला गया। वीनू को अजीब लगा क्योंकि अभी तक वो बहुत अच्छे से वीनू से बात कर रहा था, अब उसे इग्नोर कर रहा है। वो 8-10 लेडीज थी। अनिका ने जिन्हें बुलाया था उन्हें शादी के बारे में बताने को मना किया। वीनू उन्हें हैरानी से देखने लगी, जब बताना नहीं था तब बुलाया क्यों? अनिका जी ने उसे भी आराम करने को बोला। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। वो अपने रूम में आई, उसने डोर बंद किया, पूरे रूम को देखा। ये ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रूम था। किंग साइज बेड उसके ऊपर लगा, वो झूमर उसे और खूबसूरत बनाता था। रूम कोई भी अलमिरा नहीं थी, बस एक बुक सेल्फ जिसमें ढेर सारी फाइल्स थी, साइड टेबल्स, एक मिरर, फिर बालकनी का ग्लास डोर। सबसे खूबसूरत बालकनी थी। वीनू ने आज ध्यान से देखा था उस रूम को। फिर वो बाथरूम में आई, उसने अपना मुंह धोया, एक नजर बाथरूम में डाली, जितना खूबसूरत रूम था वैसे ही आलिशान बाथरूम, जिसमें एक तरफ शावर कैबिनेट, उसके बाहर पूल साइज बाथटब, एक तरफ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट एरिया और थोड़ा आगे जाकर वॉक इन क्लोजेट था जहां उसके, शिवांश के कपड़े थे। वीनू के दिल्ली वाले घर के बराबर तो ये बाथरूम था। वो अपने कपड़े लेने अंदर क्लोजेट में चली गई। वीनू नहाकर बाथरूम से आई तब शिवांश बालकनी में खड़ा था, उसके हाथ में ड्रिंक थी। वीनू ने साइड टेबल पर देखा तब वहां दो बॉक्स रखे थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो ये यहां नहीं थे। तब तक शिवांश आ गया, उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, ले लो तुम्हारे लिए ही है। वीनू ने पलट कर उसे देखा, अपनी हरी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप। शिवांश ने वैसे ही कहा, तुम्हारी तरह झूठा और धोखेबाज नहीं हूँ। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। शिवांश ने उसे घूर कर देखा, बोला, ये जो शराफत का चोला है ना, ये झूठ ही है, धोखेबाज तो तुम हो, क्योंकि जो तुम्हें प्यार करे उसे तुम धोखे से ट्रैप करती हो। वीनू ने तेज आवाज में कहा, मैंने किसी को ट्रैप नहीं किया, न मैं झूठ बोलती हूँ, झूठे आप हैं, आपके डैड हैं। शिवांश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, खबरदार, तुमने मेरे डैड का नाम अपनी जुबान से लिया, उन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया, इतना प्यार दिया, बदले में तुमने उन्हें ट्रैप किया। वीनू ने नम आवाज में कहा, छीनने के सिवा क्या दे दिया आपके डैड ने। शिवांश ने कहा, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बनाया, ये तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन से लेकर तुम जो खा रही हो वो सब मेरे डैड का है, समझी तुम। वीनू ने अपनी भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, ताना दे रही है अब आगे। वीनू अपनी भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश के कहे शब्द उसे बुरी तरह चुभ रहे थे। शिवांश ने जब वीनू की आंखों में आंसू देखे तब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीनू ने कहा, हाँ आपके डैड ने शादी के सारे खर्चे उठाए, मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया ना, मेरे भाई भी आपकी ही कंपनी में काम करते हैं, आपके बहुत एहसान है हम पर, मैं इस घर में हूँ, वो भी एक एहसान ही है उनका। शिवांश ने कहा, ज्यादा अपने छोटे दिमाग पर जोर मत दो, आकाश अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ है, न कि किसी एहसान की वजह से। वीनू ने अपने गालों पर आए आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ आप परेशान मत हो, आपसे कुछ भी मांगने नहीं वाली मैं, अपने खर्चे मैं खुद कर सकती हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। इस वक्त शिवांश को वीनू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शिवांश ने वीनू को कंधों से पकड़ कर अपने करीब कर कहा, हाँ तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, न तुम मुझसे क्यों लोगी, उनसे लोगी जो तुम्हारे खास हैं। शिविना को अपने बाजुओं में दर्द महसूस हुआ, उसने अपनी भीगी पलकों से शिवांश को देख कर कहा,
आपका और मेरा रिश्ता एक गिल्ट का है ना, वो जो आपके डैड को है। ये बोल उसने गुस्से में शिवांश के हाथों को झटक दिया, वहां से बालकनी में आ गई। शिवांश ने कहा, आ ये लड़की क्या करूं मैं, इसका पागल कर देगी मुझे। शिवांश अपना लैपटॉप लेकर रूम में ही बने स्टडी में चला गया। देर रात शिवांश काम कर वापस रूम में आया, उसने बेड पर देखा वीनू नहीं थी, सोफ पर देखा वहां भी नहीं थी, एक नजर बाथरूम की तरफ देखा डोर खुला हुआ था, लास्ट में उसने बालकनी में देखा तब वीनू उसे झूले पर लेटी हुई दिखी। शिवांश ने उसे घूर कर देखा, आकर बेड पर लेट गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था। शिवांश लेटा रहा और उसने कुछ देर इंतजार किया, वीनू नहीं आई। वो गुस्से में उठा और बोला, पागल है ये। शिवांश फिर वीनू की तरफ पीट कर लेट गया, उसे नींद नहीं आई, बस मन में यही ख्याल आ रहा था, उसे ठंड लग रही ही। आखिर जब उसे से नहीं रहा गया, शिवांश बालकनी में आया, वीनू अपने चेहरे के नीचे हाथ रखे सो रही थी, उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। शिवांश ने उसे देखा और ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए कहा, ये मरना चाहती है क्या। वो वीनू के पास आकर धीमे से बैठ गया। वीनू के लंबे बाल एक तरफ से होते हुए नीचे जमीन को छू रहे थे, उसके हाथों में अभी भी मेहंदी थी, वो सुकड़ी हुई सो रही थी। एक तेज हवा का झोंका आया, वीनू के बाल उड़कर उसके चेहरे को ढक गए, ये शिवांश को पसंद नहीं आया। शिवांश ने स्माइल की, अपना हाथ बढ़ाकर वीनू के चेहरे से बालों को हटाया, उसके लिप्स को देखने लगा। शिवांश ने महसूस किया वीनू कांप रही थी। शिवांश उठा, वीनू को अपनी बाहों में उठाया, शिवांश उसे लेकर अंदर आया, बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया, खुद दूसरी साइड आकर लेट गया। शिवांश ने वीनू का हाथ अपने तरफ कर उसके हाथ की गहरी रची मेहंदी को देखा, जिस पर उसका नाम बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था। शिवांश ने वीनू के हाथ को अपने होठों से छू लिया, एक सुकून उसके चेहरे पर छा गया। वीनू कसम सा कर शिवांश के पास आ गई और उसने अपना एक पैर शिवांश के ऊपर रख दिया। ये देख कर शिवांश हंस दिया, उसने अपनी आंखें बंद की सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह शिवांश की नींद किसी के टाइटली उसे पकड़ने से खुली, उसे अपने ऊपर तेज सांसों का एहसास हुआ। उसने जब आंखें खोल कर देखा तब वीनू उससे चिपकी हुई थी, उसने टाइटली शिवांश को पकड़ा हुआ था, उसके माथे पर पसीना और कांपते हुए। शिवांश ने जल्दी से सीधे वो उसे देखा, तभी वीनू ने घबराते हुए कहा, पापा उठो ना। उसे ऐसे देखकर शिवांश को समझ आया क्यों सिया उसे वीनू के साथ रहने को बोल रही थी। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर अपना हाथ रख बोला, रिलैक्स कुछ नहीं हुआ है। उसने वीनू के फोरहेड पर किस किया, धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए बोला, भूल जाओ सब, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में वीनू शांत हो गई। जब वीनू ने अपनी आंखें खोल कर देखा तब शिवांश उसे देख रहा था। वीनू ने शिवांश को देखा, जिसका एक हाथ वीनू के सिर पर दूसरा उसके गाल पर था। उन दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत करीब थे, इतने कि वीनू को अपने होठों पर शिवांश की गर्म सांसों का एहसास हो रहा था। वही वीनू को देखकर शिवांश ने एक गहरी सांस ली, उसकी नजर वीनू के होठों पर पड़ी। उसके गुलाबी ग्लॉसी लिप्स हमेशा ही उसे कुछ करना को इनवाइट करते हैं। शिवांश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, लेकिन फिर भी उसकी नजर वहीं आकर ठहर गई। वीनू असमंजस में उसे देख रही थी, तभी शिवांश उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। ये देख वीनू के दिल ने एक बार फिर बेकाबू होकर धड़कना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ को पिल्लों पर कस दिया, जैसे ही शिवांश उसके होठों को छूने वाला था, वीनू ने अपना चेहरा फेर लिया। शिवांश के होंठ वीनू के गालों पर टिक गए और उस नर्म एहसास से वीनू ने अपनी आंखों को भींच लिया। शिवांश ने घूर कर वीनू को देखा, लेकिन वीनू ने शिवांश को अपने ऊपर से धक्का दिया, शिवांश साइड हो गया। वीनू झट से उठते हुए भागने लगी। शिवांश ने फुर्ती से वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। वीनू पलक झपकते ही शिवांश के ऊपर आ गई, उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। शिवांश ने वीनू के बालों को सही करते हुए कहा, क्या बात है, बीवी को भागने की बहुत जल्दी है लगता है, मेरे करीब आने का खौफ है। वो स्माइल करते हुए वीनू को देखने लगा। उसके इस सवाल को इग्नोर कर वीनू शिवांश के सीने पर हाथ रख उठने की कोशिश करते हुए कहा, दूर रहे मुझसे। ये बोल वो उठने लगी। शिवांश ने उसके सर के पीछे हाथ रख वीनू का चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, इतनी शिद्दत से चाहती हो मुझे कि मेरे पास आने पर। उसकी बात को काटते हुए वीनू ने गुस्से में उसे घूर कहा, नफरत है आपसे, तब हटें दूर मुझसे। शिवांश उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। उसने एक बार फिर वीनू को किस करना चाहा, पर बार तेज से गेट पर नॉक हुआ।
वीनू और शिवांश दोनों ही चौंक गए। शिवांश ने गुस्से में डोर को देखा, ये तीसरी बार उतनी ही तेजी में डोर पर नॉक था। वीनू उठते हुए बोली, मैं देखती हूँ। शिवांश ने उसे छोड़ा। वीनू ने जाकर गेट खोला, तब वंश था। उसे देखकर वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग देवर जी। वंश ने कहा, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, आप न जल्दी से मुझे अपने हाथ के आलू के पराठे बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये बोल उसने मुंह बना लिया। वीनू उससे बात कर रही थी, वहीं शिवांश उन दोनों को घूर रहा था। वो उठकर जिम के लिए चला गया। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर थे। वंश ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जल्दी लाएं, न भूख लगी है। ये देखकर अनिका ने कहा, वंश आराम से आ रही है ना। वीनू ने लाकर सारा सामान मेज से टेबल पर रखवाया और खुद वंश को सर्व किया आलू का पराठा। देख वंश के होठों पर मुस्कान आ गई। शिवांश ने सैंडविच लिया और खाते हुए बोला, मॉम बहुत टेस्टी है। शिवांश को घर का खाना ही पसंद है और वो शौक से खाता है। अनिका जी ने कहा, आपकी पत्नी ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है वीनू। वीनू ने स्माइल की। तभी शिवांश ने वीनू को देखा और बोला, वाह बीवी, बहुत अच्छा खाना है, आज से मेरे लिए ब्रेकफास्ट और डिनर तुम ही बनाना। ये बोल उसने वीनू को एक तिरछी स्माइल पास की। वीनू को समझ आ रहा था वो ये क्यों बोल रहा है। शिवांश ने कहा, मेरे सारे काम तुम ही करना। ध्रुव ने कहा, उसे अपने भी बहुत काम है, तुम्हारे काम करने के लिए इतना बड़ा स्टाफ है। शिवांश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, तब क्या हुआ डैड, मॉम भी आपके सारे काम करती है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे सारे काम करेगी और मैं उसके। वीनू हैरानी से शिवांश को देखने लगी। ध्रुव ने कहा, मैं और तुम्हारी मॉम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, कनक तो रात ही जा चुकी है घूमने, तब वीनू को अकेले मत छोड़ना। उन तीनों ने एक साथ कहा। कहां? क्यों? इस रिएक्शन पर अनिका ने हंसते हुए कहा, ऋषिकेश जा रहे हैं, ध्रुव ने मन्नत मांगी थी जो हमारी वीनू के बहू के रूप में आने से पूरी हो गई है इसलिए। शिवांश ने उठते हुए कहा, ओके मैं जा रहा हूँ मॉम, और वंश कॉलेज के बाद ऑफिस में मिलना। वंश में उसे देख मुंह बनाकर कहा, क्यों? शिवांश ने कहा, ऑफिस किस लिए जाते हैं, ऐसे ही रहना है तुम्हें, चुपचाप आ जाना, अगर 3 बजे से 1 मिनट भी लेट हुआ तब तुम्हें पता है मेरे बारे में। ये बोल वो चला गया। उसके जाने के बाद वीनू और वंश ने एक साथ कहा, हिटलर, गब्बर। वो एक दूसरे को देख कर हंसने लगे। वीनू ने ध्रुव को देखा, फिर अनिका को, अपना सर नीचे कर लिया। उसे ऐसे देखते हुए ध्रुव ने कहा, प्रिंसेज कुछ कहना है। वीनू ने हैरानी से उसे देखा, फिर अनिका को देखते हुए बोली, मम्मा परमिशन चाहिए। गुंगी, अब आगे। वीनू नर्वस होकर अनिका को देख रही थी। तभी अनिका ने कहा, बोलिए आपको किस लिए परमिशन चाहिए। वीनू ने कहा, मुझे जॉब करनी है, मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती मम्मा, आज के बिना मैं रह ही नहीं सकती, मुझे रंगों के साथ सुकून मिलता है, तब क्या मैं। ध्रुव ने कहा, हम जानते हैं आपके बारे में, अपने करियर के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे कर सकती है, हम आपके लिए जॉब। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही वीनू ने कहा, मम्मा मैं खुद करूंगी, सिफारिश नहीं चाहिए, ये बाद में अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हुए वीनू की आवाज धीमी हो गई क्योंकि अनिका उसे तेज नजरों से देख रही थी। अनिका ने वीनू को देखा, उठकर वीनू के चेहरे को छूते हुए बोली, बेटा आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप जानती हैं न ज्यादातर लोग आपकी और शिवांश की शादी के बारे में नहीं जानते हैं, हम नहीं चाहते आपको कोई प्रॉब्लम हो। वीनू ने कहा, जी मैं ध्यान रखूंगी। अनिका जाने लगी। उन्होंने पलटकर वीनू को देख कहा, शिवीना। वीनू ने उनकी तरफ अपनी नजरें की। तब अनिका ने कहा, ध्रुव की बात हम भी नहीं काटते हैं, ये हमें पसंद भी नहीं कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार करे। वीनू ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी मम्मा। अनिका बोली, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, पर याद रहे आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। उनके लहजे में सख्ती थी। वीनू चुप रही, फिर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वीनू रेडी होकर आई। उसने आसमानी और पिंक अनारकली पहना था, खुले बाल, पैरों में मोजड़ी, वो अपना बैग आ रही थी। अनिका और ध्रुव भी ऋषिकेश जाने के लिए रेडी थे। वीनू आकर अनिका से मिली। अनिका ने वीनू को देखा और बोली, आपने सिंदूर नहीं लगाया। वीनू ने अपने बालों को हटाकर दिखाते हुए कहा, मम्मा लगाया है। फिर दुपट्टा साइड कर मंगलसूत्र दिखाया।
अनिका ने हंसते हुए कहा, आपका मंगलसूत्र पेंडेंट की तरह है, उसे ना छिपाएं। बच्चा आजादी से घूमने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपके आगे पीछे गार्ड्स की लाइन लगी रहेगी। वीनू ने जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसे ही ठीक है मम्मा, मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए। अनिका उसे अपना और शिवांश का ध्यान रखने को बोल वहां से ध्रुव के साथ चली गई। ध्रुव ने पलट कर वीनू को देखा, उसे बाय बोला, लेकिन वीनू ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ध्रुव कार में बैठ वहां से चले गए। वीनू अपनी भरी आंखों से ध्रुव को जाते हुए देखने लगी। उसे ध्रुव के साथ ऐसे बिहेव करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भी वो ध्रुव को देखती है उसका गुस्सा काबू में नहीं रहता। वीनू वहां से जॉब ढूंढने के लिए जाने लगी। उसने कल ही एक दो जगह कॉल कर पूछा था, उसे आज वहां इंटरव्यू देना है। ड्राइवर ने कहा, मैम बड़े सर ने कहा है आपको लेकर जाने के लिए। वीनू ने कहा, नहीं अंकल मैं खुद चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, लेकिन मैम आप। वीनू ने उनकी बात सुन स्माइल करते हुए कहा, आप परेशान ना हो मैं चली जाऊंगी। ये बोल वो वहां से चली गई। शाम वीनू लौटी, उसने हॉल में आकर देखा कोई नहीं था। आज घर में शांति थी। वीनू हॉल में सोफ पर बैठ गई। एक मेड ने उसे आकर पानी दिया। वीनू ने ग्लास लेकर साइड रखा। मेड ने कहा, मैम डिनर में क्या बनाऊं। वीनू ने उठते हुए कहा, तारा आप रहने दे मैं आ रही हूँ चेंज कर, मैं डिनर बनाऊंगी, आपके सर ने मुझे बोला है। ये बोल वो अपने रूम में आई और चेंज कर उसने एक सिंपल सी कुर्ती प्लाजो पहन लिया। वो किचन में आ गई। आज वंश ने उसे कॉल कर बताया था कि उसे क्या खाना है डिनर में। वीनू ने वही बनाने का सोचा। कुछ देर बाद शिवांश ऑफिस से लौटा। वो आकर हॉल में बैठा, उसके पीछे पीछे वंश डोलता हुआ आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट आधी पैंट के अंदर आधी बाहर लटक रही थी, चेहरे पर बेहद थकान। वो सोफे पर लीन हो गया। उसने कहा, तारा पानी दो यार। तारा ने उन दोनों को पानी दिया। वंश ने पानी पीकर उसने कहा, भूख लगी है मेरी प्यारी भाभी कहाँ है। तारा ने कहा, वंश बाबा वो किचन में है, डिनर रेडी कर रही है। वंश ने खुश होते हुए कहा, आज तो मजा आ जाएगा। शिवांश उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने देखा वीनू बहुत ध्यान से किचन में काम कर रही थी। उसके बंधे बालों से कुछ लटे गालों को चूम रही थी। वो कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर रूम में चला गया। वही वीनू को एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा तब कोई नहीं। हाँ वीनू फिर से रोटियां सेंकने लगी। तभी वंश आकर उसके कंधे पर सिर रख खड़ा हो गया। वीनू ने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ प्यारे देवर जी, आप ज्यादा थक गए क्या। वंश ने मुंह बनाकर कहा, प्यारी भाभी जी आपके पति जल्लाद है, मुझ छोटे से बच्चे से न जाने किस बात का बदला लेते हैं। उन्होंने मुझसे ढेर सारा काम कराया। आप सही कहती हैं, वो गब्बर है। वीनू ने कहा, हाँ ये तो सही है, गब्बर तो है। आपसे इतना सारा काम करा लिया, आपको पता है आपको शाही पनीर खाना था ना, देखे आपके लिए बनाया है, जल्दी से फ्रेश हो जाए। वंश सीधे खड़ा हुआ। वीनू ने सिंक पर आकर अपने हाथ धोए। वंश इसे स्माइल करते हुए देख रहा था। वीनू ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, जल्दी जाइए मैं डिनर लगाता हूँ। वंश वहां से चला गया। वीनू ने मेट्स के साथ मिलकर डिनर लगाया। वंश शिवांश भी आ गए। वो लोग डिनर करने लगे। वंश ने जब वीनू को खड़े देखा उसने कहा, प्यारी भाभी आप भी खाए ना, आपको भूख नहीं लगी है। वीनू वंश से बोली, डिनर रेडी करने से पहले मुझे भूख लगी थी, तब मैंने कुछ खा लिया था, अभी भूख नहीं है, आप खाए। शिवांश वीनू को देख रहा था लेकिन वीनू ने नजर उठाकर उसे नहीं देखा था। ये बात शिवांश को गुस्सा दिला रही थी। वीनू को देखते हुए वंश ने कहा, भाभी बहुत टेस्टी शाही पनीर है, सच्ची मजा आ रहा है, आप न रोज ऐसा ही टेस्टी खाना बनाया करें, मैं भैया का सारा टॉर्चर भूल जाऊंगा। वीनू ने कहा, आप खाना खाएं मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाती हूँ, आपको फ्रेश फील होगा। ये बोल वापस किचन में चली गई। शिवांश उसे जाते हुए देख रहा था। वंश ने शिवांश के कान के पास आते हुए कहा, आपने मुझे टॉर्चर किया था ना, इसलिए मेरी प्यारी भाभी ने आपको इग्नोर कर दिया। शिवांश ने वंश को गुस्से में घूर कर कहा, शट अप वंश। शिवांश डिनर कर, तारा से तेज आवाज में कहा, अपनी मैम से बोलो रूम में आए। ये बोल वो स्टडी में चला गया। वीनू बाहर आई तब तारा ने कहा, मैम आप रूम में जाए ये सब मैं कर दूंगी। वीनू ने कहा, फ्रिज से शेक निकाल कर प्यारे देवर जी, फिर अपने सिर पर मारते हुए बोली, वंश भैया को दे देना। वीनू की इस हरकत पर तारा हंसने लगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। वीनू रूम में आई तब कोई नहीं था।
वो आकर बेड पर लेट गई और लाइट्स ऑफ कर दी। नेक्स्ट डे वंश अपने कॉलेज से आने के बाद शिवांश के कैबिन में बैठा फाइल्स चेक कर रहा था। उसने कहा, भाई आप इतने कॉन्ट्रैक्ट उस नित्या की कंपनी के साथ करते हो, वो आपको लूट रही है। शिवांश ने उसे घूर कर कहा, शट अप वंश, वो तुमसे बड़ी है, तमीज से बात करो। वंश ने मुंह बनाकर कर तमीज से बात, वो भी उस पेड़ पर उल्टा लटकने वाली से। आप ध्यान से देखना, उसके पैर उल्टे होंगे। चुड़ैल कहीं की पास्ट में वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी भी आगे पीछे बत्तख की तरह मटकते हुए चलती है। अगर अब उसने ऐसा किया तब मैं भाभी को बताऊंगा, फिर देखना आपकी बैंड बजेगी। शिवांश ने फाइल पर सिग्नेचर कर बंद करते हुए कहा, कह देना डरता नहीं हूँ तुम्हारी भाभी से। ये क्या प्यारी भाभी, प्यारी भाभी लगा रखा है, केवल भाभी बोला करो समझे। वंश ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, क्यों आप जलते हो। शिवांश ने कहा, तुम्हें और काम चाहिए। वंश ने कहा, नो भाई घर चलिए ना, जल्दी चलते हैं और भाभी के हाथ का स्ट्रॉबेरी शेक पियेंगे। इतना बोल उसने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, यम्मी होता है। शिवांश भी बेचैन था अपनी बीवी को देखने को, न जाने क्यों आज उसको बार बार वीनू का ख्याल आ रहा था। शिवांश ने उठते हुए कहा, ये क्या बच्चों वाली हरकते करते हो, सुधर जाओ। वंश ने, आई एम 17 इयर्स ओल्ड भाई, बच्चा ही हूँ। पैलेस शिवांश और वंश पैलेस पहुंचे तब वंश भागते हुए अंदर गया। वंश ने चीखते हुए कहा, प्यारी भाभी। शिविना जो अभी अभी बाहर से आई थी उसने पलट कर वंश को देखा, वो आगे बढ़ी और अगले ही पल वीनू का सर चकराया, वो बेहोश होकर फर्श पर गिरी। एक बार फिर वंश की आवाज वहां गूंज गई, अब आगे। शिवांश जो बाहर से आ रहा था वंश के वीनू को इतनी तेज पुकारने से उसने सामने देखा, तब वंश वीनू के गाल को थपथपाते हुए बोला, भैया भाभी को क्या हुआ है, उठ नहीं रही। शिवांश भाग कर वीनू के पास आया, उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना गोद में उठाकर ऊपर जाते हुए कहा, वंश डॉक्टर को कॉल करो, उन्हें जल्दी आने को बोलो। वंश अपना फोन पॉकेट से निकाल कॉल डॉक्टर करने लगा। शिवांश वीनू को लेकर उनके रूम में आया, उसने उसे आराम से बेड पर लिटा, उसके सिर के नीचे तकिए को ठीक किया। शिवांश ने कहा, सुनो आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें। शिवांश के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, उसने पानी का ग्लास उठा, पानी की कुछ छींटे वीनू के चेहरे पर मारे, फिर भी वीनू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर में कमरे में वंश एक लेडी डॉक्टर के साथ आया, उसने कहा, आंटी देखे ना इन्हें क्या हो गया। डॉक्टर बोली, घबराओ नहीं वंश बेटा, मैं चेक कर रही हूँ, ये बोल वो वीनू को चेक करने लगी। शिवांश जो वीनू से नजरें नहीं हटा रहा था उसकी आंखों में एक घबराहट थी, आंखें बेचैन थी। वंश ने कहा, आपने क्या किया मेरी भाभी के साथ, अभी अभी तो मेरी भाभी आई है, आपने उनकी तबीयत खराब कर दी। वंश के ये कहने पर शिवांश ने वंश के तरफ देखा, तब उसकी आंखें नम थी। शिवांश समझ रहा था इन कुछ दिन में ही वंश वीनू से कितना अटैच्ड हो गया है। उसने वंश के गले में हाथ डाल उसे अपने तरफ खींचते हुए कहा, कुछ नहीं किया मैंने। वंश न बोला, आपने ही किया है, आपने जरूर उन्हें टॉर्चर किया है। शिवांश वंश को घूरने लगा, तभी डॉक्टर ने कहा, शिवांश बेटा कोई परेशानी की बात नहीं है, शायद इन्होंने दो दिन से कुछ खाया नहीं है, है यहाँ तक पानी भी बहुत कम पिया है, बीपी लो है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से ही चक्कर आया है। मैंने इंजेक्शन दिया है, ये मेडिसिन लिख रही हूँ, अच्छे से खाना खिलाकर मेडिसिन देनी है, अगर आप खाने में लापरवाही की तब ग्लूकोज देना होगा, बहुत वीक है ये। शिवांश हैरानी से वीनू को देख रहा था, उसने कहा, थैंक्स देविका आंटी, मैं ध्यान रखूंगा। देविका कपूर राठौर फैमिली डॉक्टर थी, राठौर फैमिली के साथ उनके अच्छे रिलेशन है। उन्होंने बाहर जाते हुए मुस्कुरा कर कहा, आपकी कोई खास है। शिवांश इधर उधर देखने लगा, तब उन्होंने हंसते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है, ये बोल वो चली गई। शिवांश ने कहा, खूबसूरत तो बहुत है। वो मुड़ा तब वंश उसे घूर रहा था, ये देख कर शिवांश ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो। वंश ने कहा, मैंने कहा था ना, देखो आपने उनके खाने का कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खा रही है। वीनू की आवाज आई, मम्मी। वो उन्होंने जल्दी से बेड की तरफ मुड़े, तब वीनू अपना सर पकड़े उठ रही थी। शिवांश ने कहा, वैसे ही लेटी रहो। वंश जल्दी से वीनू के पास गया और उसे हाग करते हुए बोला, मेरी प्यारी भाभी क्या हो गया आपको, आप बेहोश हो गई थी। वीनू के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ गई,
उसने वंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया। वंश ने कहा, आप ठीक नहीं हो, आप बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने कहा है आप बहुत वीक है, आपने कुछ नहीं खाया। वीनू इधर उधर देखने लगी। शिवांश ने कहा, वंश जाओ मेरे और तुम्हारी भाभी के लिए डिनर लाओ, हाँ अपना भी ले आना। वंश ने उठते हुए कहा, आप दोनों का भेजता हूँ, मैं नीचे ही करूँगा। ये बोल वंश चला गया। शिवांश ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या था ये? वीनू अपना सिर उठाकर शिवांश को देखने लगी। शिवांश एक तक उसे देख रहा था, उसने अपने कदम वीनू की तरफ बढ़ाने शुरू किए। वीनू बेड पर ही पीछे होने लगी। शिवांश बेड पर आया, उसने वीनू के पास बैठते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है। वीनू बेड के सिरहाने से चिपक कर बैठ गई। शिवांश ने वीनू के चेहरे को छूते हुए कहा, तुमने कुछ क्यों नहीं खाया है? वो घबराई सी शिवांश को देखी जा रही थी, शायद अब वो उसे फिर कुछ सुनाएगा। कुछ था शिवांश की आंखों में जो उसे बेचैन कर रहा था। वीनू ने कुछ न कहते हुए अपना सिर झुका लिया। शिवांश ने वीनू का हाथ अपने हाथ में लिया, तभी गेट पर नॉक हुआ। शिवांश ने कहा, का? तारा ने अंदर आते हुए कहा, सर डिनर लगा दूं? अम्मा, शिवांश से ये सुन वो सोफे के पास लगी टेबल पर डिनर लगाने लगी। इस बीच शिवांश ने एक पल के लिए वीनू से नजरें नहीं हटाई थी। वीनू सिर झुकाए बैठी थी, उसकी पलके तेज तेज फड़फड़ा रही थी क्योंकि शिवांश उसके बहुत करीब बैठा था। तारा उन दोनों को ऐसे देख कर मुस्कुरा रही थी। तारा डिनर लगा कर गई, तब शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़ कर उठते हुए कहा, चलो डिनर करो। वीनू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके ये करने पर शिवांश सवालिया नजरों से वीनू को देखने लगा। उसने एक बार फिर कहा, उठो। वीनू ने कहा, भूख नहीं है। शिवांश ने एक नजर घूर कर देखा और बोला, मर जाओगी, तुम ऐसे क्यों नहीं खाना है? ये बोल वो हाथ पकड़ उसे उठाने लगा। वीनू ने शिवांश का हाथ झटक दिया। वीनू उठकर जाने लगी। वो अपने घुटनों पर ही खड़ी हुई थी, एक बार फिर उसका सिर घूम गया। शिवांश जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल बोला, देखा खड़ा हुआ नहीं जा रहा है तुमसे, डैड को पता चला वो मेरा जीना हराम कर देंगे। वीनू ने कुछ नहीं कहा। शिवांश ने प्यार से वीनू से पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया या कुछ और चाहिए, बताओ मुझे? वीनू ने अपनी भरी आंखों से शिवांश को देखते हुए कहा, कुछ नहीं खाना मुझे, आपका और आपके डैड का, सब उनका, मेरी पैरों के नीचे की जमीन और मैं जो खाती हूँ वो, तब क्यों खाऊं कुछ? शिवांश को अब समझ आया ये सब क्यों हो रहा है। वीनू ने शिवांश की पकड़ से आजाद होने के लिए कसमसाते हुए कहा, छोड़े मुझे। शिवांश ने गुस्से में वीनू को पकड़ अपने करीब किया, उसकी गर्दन में हाथ डाल चेहरे को अपने पास कर बोला, पागल हो तुम या भूसा भरा है दिमाग में? इतनी सी बात पर तुमने दो दिन तक कुछ नहीं खाए? वीनू सिसकने लगी। उसने कहा, आप फिर मुझे ताना मारते कि मेरे डैड का खाना खाती हो, पानी पीती हो, मैं नहीं खाऊंगी कुछ। शिवांश ने उसे कमर से पकड़ उठाते हुए कहा, मन तो कर रहा है एक पटकी मारूं तुम्हारे, तुमने मुझे क्या कम सुनाया था जो खुद नाराज होकर बैठ गई और रो क्यों रही हो? शिवांश के पटकी मारने का बोलने पर वीनू उसे कसकर पकड़ बोली, आप मेरे घर में थोड़ी ही रहते हैं, मैं आपके घर में रहती हूँ, आप मुझे सुना सकते हैं, अब मारेंगे भी मुझे? वो अपनी भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश उसे उठा कर लाया और सोफ पर बिठा खुद भी उसके पास बैठ वीनू का हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसे थोड़े ही करते हैं, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। शिवांश उसे समझा रहा था। वीनू अपनी पलके झपकाते हुए देख रही थी। वो एक बार फिर रोने लगी। शिवांश ने खाने की प्लेट उसके पास कर बोला, खाओ। वीनू ने उसे साइड कर उठते हुए कहा, नहीं खाना। शिवांश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, आज से पहले उसने किसी के भी ऐसे नखरे नहीं किए थे। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, नहीं खाओगी? उसे गुस्सा करते देख वीनू ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। वीनू शिवांश की गोद में आ गिरी। उसने हैरानी से शिवांश को देखा, झट से उठने लगी, लेकिन शिवांश ने वीनू की कमर पर एक हाथ रख उसे अच्छे से पकड़ लिया। वीनू ने शिवांश का हाथ पकड़ हटाना चाहा, तब शिवांश बोला, फूल के जैसी नाजुक हो, तुम्हें लगता है तुम शिवांश राठौड़ की पकड़ से आजाद हो पाओगी? वीनू ने शिवांश के पैरों पर अपने पैरों से मारा, तब उसने वीनू के पैर शिवांश ने अपने पैरों से ब्लॉक कर दिए। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। शिवांश ने घूर कर उसे देखा, उसकी कैट आइज में गुस्सा देख वीनू बिल्ली की तरह शिवांश की गोद में दुबक गई।
उसे ऐसे देख शिवांश ने स्माइल की और एक निवाला उसके मुंह के सामने लाते हुए कहा, हाओ। वीनू ने नम सिर हिलाया। शिवांश ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानने वाली, तुम्हें पति से कुछ ज्यादा ही प्यार चाहिए। शिवांश ने डेविल स्माइल की, तब वीनू उसे हैरानी से देख रही थी। तभी शिवांश ने वो निवाला अपने मुंह में रख वीनू के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वीनू कुछ समझती उससे पहले ही शिवांश ने वीनू की कमर पर जोर से छूटी काटी। वीनू चौंक गई। जैसे ही उसने मुंह खोला, शिवांश ने अपना काम कर दिया। वीनू अपनी आंखें फैलाए उसे देख रही थी। अब आगे शिवांश वीनू से दूर हुआ। वीनू अभी भी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शिवांश ने कहा, सारा खाना ऐसे माउथ टू माउथ खाना है या अब खुद खाओगी? उसकी बात सुनकर वीनू जैसे होश में आई, उसने अपने होठों को दोनों हाथों से साफ करते हुए कहा, छी छी, ओ ये क्या किया आपने, अपना झूठा खिला दिया मुझे। उसके फेस पर चिड़न थी। उसे ऐसे करते हुए देखकर शिवांश हंसने लगा। वीनू ने कहा, हंसना नहीं वरना नाक तोड़ दूंगी आपकी, ये क्या किया आपने। उसे ऐसे मचलते हुए देखकर शिवांश ने उसे सही से पकड़ते हुए कहा, अब बताओ खुद खाओगी या मैं खिलाऊं। शिवांश वीनू की आंखों में देख रहा था। वीनू को समझ आ रहा था कि वो सचमुच ये करेगा। वीनू एकदम सही से उसकी गोद में बैठ गई। जल्दी से अपनी प्लेट लेकर तेज तेज खाते हुए बोली, मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। उसे खाते हुए देखकर शिवांश ने एक गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उसने कहा, सुनो। वीनू बोली, जी कहिए। ये सुनते ही शिवांश की आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान थी। उसने खुद को नॉर्मल कर कहा, खाने पर गुस्सा नहीं उतारते, जो खाने पर गुस्सा निकालते हैं वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जब एनर्जी नहीं होगी तब गुस्सा कैसे करेंगे। वीनू के हाथ ये सुन खाते से रुक गई। उसने शिवांश को देखा जो एक हाथ वीनू की कमर पर रखे एक हाथ से अपना खाना खा रहा था। प्रिंसेस, गुस्सा खाने पर नहीं उतारते, क्योंकि जो खाने पर गुस्सा उतारते हैं वो उल्लू है, जब एनर्जी नहीं होगी तब कैसे गुस्सा करेंगे। अपने पापा की बात याद आते ही वीनू बेचैन हो उठी। उसने अपना खाना खाया और शिवांश से दूर जाने लगी। शिवांश ने कहा, पहले मेडिसिन फिर सोना। वीनू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो तेज तेज सांस लेते हुए बोली, मुझे घुटन हो रही है। ये बोल वो तेज कदमों ले बाहर चली गई। शिवांश हैरानी से उसे देखता रहा। वीनू ने बालकनी में आकर ग्रिल को टाइटली अपने हाथों से पकड़ लिया। तेज तेज सांसें लेते हुए वो अपना चेहरा ऊपर कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे घबराहट बेचैनी हो रही थी। वीनू ने कहा, क्यों क्यों ये दर्द कम नहीं होता है, क्यों आपके पापा से वो हूँ, क्यों मेरा भरोसा टूटा। वीनू खुद को जलता हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसे अपनी बैक पर किसी का हाथ फील हुआ। वीनू जानती थी इस एहसास को। उसने कहा, प्लीज आप यहाँ से अभी चले जाएं। शिवांश ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें। वीनू ने कुछ नहीं कहा, बस शिवांश के चेहरे को देख रही थी, जिस पर उसके लिए परेशानी थी, परवाह थी उसके लिए। वीनू ने शिवांश के चेहरे को देखते हुए कहा, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। ये बोल वो शिवांश को देखे जा रही थी। शिवांश ने वीनू को अपने पास कर अपने सीने से लगा लिया। वो वीनू को अंदर लेकर आया और उसे बेड पर बिठाकर मेडिसिन दी। शिवांश वीनू को खुद के करीब कर अपने सीने से लगाए बैठा रहा। वीनू ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में ले लिया। वो दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सुकून भी मिल रहा था, वो घबराहट नहीं रही थी। कुछ देर बाद शिवांश को वीनू की गहरी सांसों का एहसास हुआ। उसने सिर झुका कर देखा, तब वीनू गहरी नींद में थी, शायद दवा की वजह से। शिवांश ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया, चादर उसके ऊपर डालते हुए पास ही बैठ गया। शिवांश ने वीनू के चेहरे को छुआ, तब उसने करवट बदल शिवांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, वीनू लव्स यू। सोते हुए में ही उसकी आंख से आंसू बह गया। शिवांश ने झुककर वीनू के आंसू साफ किया, उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, क्यों ये बेचैनियां, क्यों ये दर्द है, भूल क्यों नहीं जाती तुम सब, क्यों खुद को दर्द दे रही हो। शिवांश उससे दूर हो रूम से बाहर आ गया। वो टेरेस पर आकर खड़ा हुआ, साइगरेट निकाल अपने होठों के बीच रख उसे जलाते हुए कश लेने लगा। न जाने कितनी सिगरेट को उसने सुलगा दिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसने अपनी आंखें बंद कर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, शिवी। शिवांश की आंखों के सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा था। उन आंखों में चमक थी, चेहरे पर नूर था। शिवांश ने अपने दिल की जगह पर अपनी फिंगर से टैप करते हुए कहा,
वही चेहरा वही नूर है, न आंखों में चमक है, न वो मुस्कान एक बेचैनी है उन आंखों में। शिवांश ने आंखें खोलकर आसमान में उस अकेले चमकते हुए चांद को देखकर कहा, बहुत कम मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले तुम्हें कुछ तो जाना है। वीनू बहुत कम राठौर पैलेस आती थी, कभी कभी बर्थडे या एनिवर्सरी पार्टी में किसी फेस्टिवल पर, लेकिन वो अक्सर ध्रुव जी को बुला लेती। शिवांश को इस बात से चिर होती थी, वो अपने डैड को मना करता तब वो बोलते कि उनकी प्रिंसेस और उनके बीच कोई नहीं बोल सकता है। वीनू कभी भी शिवांश से बात नहीं करती, न उसकी तरफ नजर उठाकर देखती थी। शिवांश का ईगो हर्ट हो जाता था कि एक मिडिल क्लास लड़की उसे इग्नोर करती है। शिवांश ने कहा, कुछ तो है जो मुझे तुम्हारे करीब खींच रहा है। अगली सुबह वीनू चीख कर उठी। अगले ही पल किसी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो। वीनू ने अपनी आंखें खोल कर देखा, तब उसका सर शिवांश के सीने पर उसका सिर था। उसने एक दो बार अपनी पलकें झपकाई। वो जल्दी सीधे होकर बोली, मैं लेट हो गई, क्योंकि उसके सामने शिवांश रेडी खड़ा था। शिवांश ने उसे बेड से उठाकर नीचे खड़ा कर कहा, नहीं लेट नहीं हुई हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, सो आज कुछ मत करना, घर पर रहोगी। मैंने सुना है तुम जॉब ढूंढ रही हो, लेकिन तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? वीनू ने उससे दूर खड़े होते हुए कहा, क्यों नहीं है, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, जैसे खाना बनाने का शौक है वैसे ही कागज पर रंग बिखेरने का शौक है। शिवांश ने कहा, मैंने मना नहीं कर रहा, फिलहाल अभी कहीं नहीं जाओगी? ये बोल शिवांश ने वीनू की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। वीनू शिवांश से सट गई, उसने अपने हाथ शिवांश के सीने पर रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। तब शिवांश ने उसके चेहरे को अपने हाथ में ले ऊपर कर कहा, क्या हुआ, दूर भागती हो मुझसे, लेकिन क्यों? ये बोल वो वीनू की हरी आंखों में देख रहा था, लेकिन वीनू उससे नजरें चुरा रही थी। उसे अपने चेहरे पर शिवांश की सांसें महसूस हो रही थी। वीनू ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, छोड़े, आज तक सही से पकड़ा ही कहां है। शिवांश के ये बोलने पर वीनू झट से आंखें खोलकर हैरानी से शिवांश को देखने लगी। शिवांश वीनू के होठों के करीब आया, तब वीनू ने अपने होठों को आपस में भींच लिया। उसके हाथ शिवांश के हाथों पर आ गए, वो नमे सिर हिला रही थी। उसे ऐसे करते देखकर शिवांश के होठों पर मुस्कान खिल गई। उसने धीमे से वीनू के होठों को छुआ, वीनू की सांसें तेज हो गई। शिवांश उसके होठों से दूर होकर उसके गर्दन पर अपने होंठ रखे। वीनू शिवांश से दूर होने को छटपटाने लगी। वीनू को तेज दर्द हुआ, उसने कहा, आ। शिवांश ने वीनू के नेक पर अपने दांत गड़ा दिए थे। तभी आवाज आई, ओहो भाई, भाभी को ठीक तो हो जाने दो। वीनू ने अपनी पूरी ताकत से शिवांश को धक्का दिया, वो पीछे हो वंश को अपने भूरी आंखों से घूरने लगा। वीनू जल्दी से बाथरूम में भाग गई। वंश अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई मैं भाभी की हेल्प पूछने आया था, मुझे नहीं पता आप किस कर रहे हो। शिवांश ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, आईना से मेरे रूम में नॉक किए बिना आए, तब हंड्रेड्स फाइल इन वन डे। ये बोल वो वहां से चला गया। वंश की आंखें बड़ी ही गईं। उसने शिवांश के पीछे पीछे भागते हुए कहा, नो भाई ये गलत है। वीनू जब रेडी होकर आए तब कोई नहीं था। वीनू ने सिफोन की ब्लू साड़ी पहनी थी, दोनों हाथों में भरी ब्लू चूड़िया, कानों में आवाज करती बालियां, मांग में सिंदूर, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो जल्दी से नीचे जाने लगी। उसने सामने से आते दो लोगों को देखा, तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। साबी, अब आगे। वीनू सीढ़ियों से भागते हुए आई। सामने से आ रही अनिका को देख उसने तेज आवाज में कहा, मम्मा। वीनू को चहकती हुई आवाज सुनकर, अभी अभी आए ध्रुव। अनिका के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वीनू भागते हुए उनके पास आई और उन दोनों के पैर छूकर जल्दी से अनिका के गले लग गई। अपनी खुशी में वीनू ने ये भी नहीं देखा कि उसने ध्रुव के पैर छुए, वो भी अपनी मर्जी से। हालांकि ये वीनू ने अनजाने में किया, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर सुकून छा गया। वीनू अनिका के गले लगी रही। उसने कहा, आई मिस्ड यू। अनिका ने वीनू के सर को सहलाते हुए कहा, आई मिस्ड यू टू बच्चा, कैसे हो आप? आपने बप्पा की पूजा की? वीनू ने हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी, दोनों टाइम की और मोदक भी बनाए थे, अब जा रही थी पूजा करने। अनिका ने टाइम देखते हुए कहा, इस टाइम सब ठीक है? वीनू ने कहा, सॉरी लेट उठी थी। ये बोल उसने अपना सिर झुका लिया। अनिका वीनू के करीब आई, तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अनिका उसे डांटेंगी, लेकिन अनिका ने वीनू के कान के पास आकर कहा,
ये साड़ी इतनी अजीब क्यों बांधी है? आप फंस कर गिर जाओगे। वीनू ने अपनी आंखें बड़ी कर अनिका को देखा, फिर अपनी साड़ी को मुंह बना लिया। अनिका उसे साइड में लेकर आई, उसकी साड़ी सही करते हुए बोली, साड़ी पहननी नहीं आती। वीनू ने सिर झुकाए हुए ही न में सिर हिलाया, तब अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर क्यों पहनी, कुछ और पहन लेती। वीनू ने कहा, मम्मी ने बोला। अनिका ने कहा, सिया बहुत परेशान करती है हमारी बिटिया को, चलो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। उन्होंने वीनू की साड़ी ठीक की, तब वीनू खुश हो गई। उसने अनिका को एक बार फिर हग करते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हो, वर्षा झूठ बोलती है। लेकिन ये बोलते हुए जैसे उसे कुछ याद आया, वो झट से अनिका से दूर हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वीनू ने कहा, मैं आप दोनों के लिए चाय लाती हूँ। ये बोल वो तेजी से किचन में चली गई। अनिका ने ध्रुव के पास आकर बैठ किचन में काम कर रही वीनू को देखते हुए कहा, ध्रुव आपको नहीं लगता वीनू खुद को सबसे दूर खींचने की कोशिश करती है? ध्रुव ने अनिका को देख उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जानती है न वो हमें क्या समझती है, तब आसान नहीं है उसके लिए सबको एक्सेप्ट करना, बच्ची है अभी इतनी समझ नहीं है। वीनू चाय ले आई, तब अनिका ध्रुव से दूर होकर बैठ गई। ये देख ध्रुव मुस्करा दिए। वीनू चाय की ट्रे टेबल पर रख सीधी हुई, तब उसका सिर घूम गया। पीछे खड़ी तारा ने कहा, मैम आओ। वीनू ने उसे शांत रहने का इशारा किया। तारा ने कहा, मैम आपने कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। ये सुनकर अनिका ने कहा, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखा करें, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। तारा कुछ अच्छा सा बनाकर लाए वीनू के लिए। वीनू सिर झुकाए बैठी थी, तारा नाश्ता लाई, वीनू करने लगी। अनिका ने कहा, ध्रुव कल महाभोग कर दे, बप्पा चले जाएंगे फिर क्या फायदा। ध्रुव ने कहा, हम्मा सही रहेगा, हम पंडित जी को बोल देंगे, आप सारे इंतजाम कीजिए। अनिका ने कहा, इस बार का भोजन हमारी बहू बनाकर ब्राह्मणों को कराएगी, वीनू कराओगी ना? अनिका वीनू को देख रही थी। वीनू ने खुश होकर जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाता, वैसे भी उसे मंदिर और पूजा पाठ बहुत पसंद है, उसके बेचैन दिल को सुकून रहता है। अनिका ने कहा, चलो अभी से शुरू करते हैं। ये बोल वो उठकर चली गई। वीनू भी जाने लगी, तभी ध्रुव ने कहा, जॉब मिली? वीनू ने न में सिर हिलाया, वहां से चली गई। रात को वीनू अनिका सुबह के भोग के लिए सारा सामान देख रही थी। किचन में खाना बनाने का सारा सामान आ गया था। वीनू ने सिर उठाकर देखा, तब उसकी नजर बाहर से आ रहे शिवांश पर पड़ी। वो अभी अभी ऑफिस से आया था, उसने अपने ब्लेजर को हाथ पर डाला हुआ था। उसकी व्हाइट शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड और मैसी बाल, एक हाथ में फोन देखते हुए आ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी, शिविना के मुंह से निकला वाव। अनिका ने वीनू को देखा, उसकी नजर शिव पर थी। वीनू ने जैसे ही अनिका की तरफ देखा वो सबका गई, जल्दी से बोली, वाव मम्मा ये सब कितना अच्छा है। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, वीनू सब्जियां रोज ऐसी ही होती है, बस आज कुछ और अलग दिख रहा है, आपको वैसे काफी हैंडसम है, तारा बड़े बाबा के लिए पानी लाओ। ये बोल वो मुस्कुराते हुए चली गई, छोड़ गई वीनू के गालों पर हया की लाली। वंश ने जैसे ही अनिका को देखा चीखते हुए बोला, मम्मा। वो भागते हुए उनके पास आने लगा। अनिका ने उसे हग करने के लिए अपने हाथ फैलाए। वंश उनकी साइड से निकलकर पीछे से आ रहे ध्रुव के गले से लगकर बोला, आई मिस्ड यू। अनिका ने कहा, ये अच्छा है, इसका मम्मा चीखते हुए डैड के गले लग जाता है। शिवांश ने उन्हें हग कर उनके माथे को चूमते हुए कहा, मम्मा ये पागल है। शिवांश की नजर अनिका की पीछे खड़े वीनू पर थी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने एक पिंक फ्लोरल लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी जो उसके एंकल तक थी, बालों में रबर डाल आगे किया हुआ था। वीनू की झुकी पलके देख शिवांश के होठों पर मुस्कान आ गई। वो अनिका से दूर हुआ, तारा से पानी का ग्लास लेकर पानी पीने लगा। शिवांश की नजरें एक मिनट को वीनू के चेहरे से नहीं हटी। वीनू भी उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी। उसने नर्वस होकर अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। शिवांश उसके पास से निकलते हुए ग्लास को वीनू के हाथ में दे गया। वीनू ने सिर उठाकर देखा, तब उसके चेहरे पर स्माइल देखकर वीनू कंफ्यूज हो गई। तभी वंश ने पीछे से उसे हग करते हुए कहा, प्यारी भाभी आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? अनिका ने कहा, क्या हुआ? वीनू की तबीयत? वंश ने जल्दी से कहा, मम्मा भाई की गलती है, उन्होंने मेरी प्यारी भाभी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, वो बेहोश हो गई थी।
वीनू ने उसे देखकर अपने सर पर हाथ रख लिया, फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद वीनू डिनर के लिए शिवांश को बुलाने आई। वो कॉल पर बात कर रहा था, वीनू आकर उसके पीछे खड़ी होकर बोली, डिनर कर लीजिए। शिवांश ने पलटकर वीनू को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसे ऐसे देखकर शिवांश के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने फोन को अपने पॉकेट में रख कहा, अम्मा। वीनू जाने लगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीनू ने पलटकर शिवांश को देखा, फिर अपने हाथ को। शिवांश ने दो कदम उसके करीब आकर वीनू के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वीनू ने अपने कदम पीछे ले लिए। शिवांश का हाथ हवा में रह गया। उसने अपने हाथ को देखा, फिर वीनू के चेहरे को। वो इधर उधर देख रही थी। शिवांश वीनू के साथ ही अपने कदम बढ़ाते हुए नीचे जाने लगा। शिवांश खामोश था। वीनू ने धीमे से कहा, मेरा हाथ छोड़े। शिवांश ने अपनी तीखी नजर उस पर डाली, तब वीनू शांत हो गई। शिवांश वीनू नीचे आए और उन्हें ऐसे हाथ पकड़े आते देख वंश ने अपने चेहरे को हथेली पर टिकाते हुए कहा, हाय क्या सीन है, दिल खुश हो गया। शिवांश ने आकर वंश के सिर पर मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब वीनू ने वंश के सिर पर हाथ रख लिया। वंश खुश हो गया, लेकिन शिवांश की आंखें सर्द हो चुकी थी। अनिका ध्रुव शिवांश को घूर रहे थे। उन्हें ऐसे देखते हुए देखकर शिवांश ने खाते हुए कहा, क्या हुआ है अनिका? ध्रुव ने शिवांश को अच्छे से क्लास लेने लगे। डिनर के बाद सब अपने रूम में जा चुके थे। वीनू किचन में तारा को वंश की फरमाइश पर उसे कुछ दे रही थी कि वो वंश को दे आए। शिवांश ने आकर कहा, रूम में चलो। वीनू ने चौंक कर देखा। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़ा। वीनू शिवांश के चेहरे को देख रही थी। उसने हल्के से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, काम है अभी? शिवांश ने उसे घूर कर कहा, रात में कौन सा काम है, अभी मेरे साथ चलो। तारा उन दोनों को देख रही थी। तभी शिवांश ने वीनू को अपने बाहों में उठा लिया। ये होते ही वीनू हैरान हो गई। शिवांश उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वीनू ने तारा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। वीनू ने कहा, छोड़े मुझे, सब देख रहे हैं। शिवांश ने कहा, देख रहे हैं तब मेरी बीवी हो। ये बोलते हुए वो लिफ्ट में ले गया। वीनू को घबराहट हो रही थी। शिवांश उसे रूम में लेकर आया और बेड पर पटकते हुए बोला, क्या किया है तुमने?